हेलो बच्चों क्या हाल है क्या हाल बच्चों के बढ़िया आ गया बच्चे कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ गया क्या हाल है अब लाइव में कैसे स्पीड ऑप्शन होगा क्या मेरे आगे चले जाओगे क्या यहां स्पीड का ऑप्शन कैसे होगा क्या मेरे आगे चले जाओगे फ्यूचर टेंस में वहां जाके देख क्या होगा क्या पढ़ाया है क्या हाल है बढ़िया यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है अभी राइट right. अभी नहीं पढ़ाया है. वो बाद में पढ़ाएंगे क्या हाल है बच्चों के चले आगे बढ़ा जाए बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रहा है सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सिलेबस के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीडीएफ के बारे में एक बच्चा बात कर रहा है वो भी देख ली जाए सारे पीडीएफ ऐसे खुल रहे हैं सही जगह पे लगे हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पी बेटा सारे पी तो हैं प्रैक्टिस शीट भी है सोल्यूशन भी है नोट्स भी है सब तो है आगे बढ़ा जाए कारवाह को आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ेंगे पार्ट टू आज हम लोग बेटा कवर करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किर्च लॉ जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अपनी इलेक्ट्रिकल पार इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कहानी और फिर कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करेंगे मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर गैलवेनोमीटर एम मीटर और वोल्ट मीटर तो इन सब पे आज चर्चा होने वाली है किर्च लॉ से कहानी शुरू करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक पार है ना पार रेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सब पे बात करेंगे और फिर अपन मीटर ब्रिज पोटेंशियो मीटर और एम मीटर की बातें करेंगे स्टार्ट किया जाए आज की कहानी को गुड इवनिंग फ्रॉम नेपाल गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया आगे बढ़ा जाए स्टार्ट किया जाए चलो भाई शुरू करते हैं वन टू थ्री लेट्स गो हेलो बच्चों क्या हालचाल बढ़िया एकदम वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटिफुल चैनल कंपटीशन वाला अभी हमारी चल रही है उम्मीद सीरीज नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का डे नंबर 32 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट

आप बैच में एनरोल हो जाएंगे वहां से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस शीट में होंगे इस लेक्चर से जुड़े बीस से तीस से पैंतीस चालीस बढ़िया सवाल उन सवालों को आप लगाएंगे और अगर वो सवाल आपके फंस जाते हैं तो आप उसके वीडियो सोल्यूशन भी वहीं फिजिक्स वाला ऐप में बैचेज सेक्शन में उम्मीद बैच के अंदर कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं तो शुरू किया जाए आज की कहानी इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि आपका अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका डे आफ्टर टुमारो और वहां हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इन वन शॉट स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर चलो सो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं तो तीन नाम है बेटा इसके किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल दो या आप इसको किचॉफ्स करंट लॉ है ना फेमस है केसीएल नाम से या इसको आप जंक्शन रूल भी कह सकते हो ठीक है केसीएल नाम से किच ऑफ करेंट लॉ या इसको आप जंक्शन रूल भी बोल सकते हो अच्छा बेटा क्या है कहानी जंक्शन रूल भी कह सकते हैं क्या है कहानी एट एनी जंक्शन किसी भी जंक्शन जंक्शन पे बड़ा बेसिक सा लॉ है द द सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन जैसे मान लो बच्चों यहां से करंट आया इस तरफ दो एम्पियर इधर से करंट आया तीन एम्पियर तो बेटा यहां से कितना करंट बाहर जाएगा द सम ऑफ करेंट एंटरिंग जंक्शन कितना एंटर हुआ दो तीन पांच तो उतना ही बाहर जाएगा 5 दो और तीन एंटर हुआ तो पांच बाहर गया द सम ऑफ करेंट एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन जैसे यहां पे हम लोग देखें बेटा मान लो यहां से करेंट अंदर आया आई वन यहां से करंट अंदर आया आई टू यहां से करंट बाहर गया आई थ्री और यहां से करंट बाहर गया आई फोर तो सभी को पता है क्या लिख सकते हैं हम लोग जितना करंट जंक्शन पे अंदर आया कितना अंदर आया आई वन प्लस आई टू उतना करंट बाहर जाएगा यानी आई थ्री प्लस आई फोर द सम ऑफ करंट एंट्रिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम द जंक्शन अब यहाँ एक बात आती है कि भैया जंक्शन क्या चीज है तो बेटा जंक्शन क्या होता है Meet, तीन तीन और मोर मीट, पे या से ज्यादा वायर मिले उसको हम जंक्शन कहते हैं जैसे यहाँ पे तीन वायर मिल रहे हैं तो ये जंक्शन है यहाँ पे चार वायर मिल रहे हैं तो ये जंक्शन है जहां तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट करें उसी को हम जंक्शन बोलते हैं जैसे मान लो मैं एक सर्किट यू बना दू कुछ ऐसा मैंने बना दिया ठीक है ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी ये पॉइंट सी तो इसमें क्या ए कोई जंक्शन है नहीं क्योंकि दो वायर मिल रहे हैं तो ए जंक्शन नहीं क्या है क्या बी कोई जंक्शन है यस क्योंकि तीन वायर मिल रहे हैं एक दो तीन क्या सी कोई जंक्शन है नहीं क्योंकि दो वायर मिल रहे हैं सो so, बेटा जंक्शन क्या होता है जहां तीन या तीन से ज्यादा वायर मिले सभी को क्लियर है

एक सेकेंड में यहां आया उतना चार्ज एक सेकेंड में यहां से चला गया चार्ज कैन नीदर भी क्रिएटेड है इस तरह से लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग इन वन सेकेंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम एक सेकंड में जितना चार्ज अंदर आया एक सेकंड में उतना चार्ज बाहर गया यहां तक की कहानी क्लियर है तो कमेंट्स में सभी लोग जय माता दी जेएमडी लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सब बहुत हलवा है और मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लूंगा सभी लोग बोलें जे -डी, तो इसको आगे बढ़ाएं। सब बहुत हलवा चीजें हैं।, हैं सवालों पे पहुंचते हैं एकदम सिंपल क्लियर है जेएमएडी सिंपल है बेटा जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर जाएगा किस पे बेस्ड है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है किरचॉफ्स करंट लॉ बोल दो किरचॉफ्स जंक्शन रूल बोल दो या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल दो जंक्शन समझ में आया जहां तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट करें जेएमएडी सभी ने बोल दिया सभी को आसान लगा बेटा सवाल आ गया इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट i1 इज -0.3 एम्पीयर बेटा माइनस पॉइंट थ्री एमपी का मतलब क्या है मतलब यह है कि आई वन को नीचे दिखा रहा है तो नीचे की दिशा में कितना करंट है माइनस मतलब मतलब जो डायरेक्शन बना है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट को ले लो सो so करंट I1 वन इज माइनस पॉइंट थ्री मतलब नीचे की तरफ माइनस पॉइंट थ्री है तो बेटा ऊपर की तरफ कितना हो गया पॉइंट 3 एंपियर हो गया है ना नीचे की तरफ -0.3 i1 देखो किधर बना है नीचे वैल्यू कितनी है -0.3 तो मैंने ऊपर की तरफ 0.3 लिख लिया i4 is 0.8 i4 कहां है ये तो बेटा ये कितना करंट है 0.8 एंपियर और क्या है बेटा एंड i5 is 0.4 एंपियर बेटा ये i5 है ये कितना है 0.4 एंपियर है अब मेरे को क्या निकालना है मेरे को रिमेनिंग करंट्स निकालने हैं रिमेनिंग करंट कौन कौन से हैं आई टू आई थ्री एंड आई सिक्स तो बेटा अपने को I2 निकालना है I3 और I6 निकालना है देखो बेटा पॉइंट फोर एमपीर करंट आया ये जंक्शन तो है नहीं तो करंट कहीं जाएगा नहीं सो ये पॉइंट फोर आया पॉइंट फोर चला गया तो सिंपल सी बात है बेटा I6 कितना होगा पॉइंट फोर हो जाएगा भाई साहब I5 की वैल्यू पॉइंट फोर है यही करंट यहां पे करंट डिवाइड होगा क्या करंट कहां पे डिवाइड होता है जंक्शन पे डिवाइड होता है ये जंक्शन तो है करंट आया 0.4 यू चला गया अच्छा i3 की बात करते हैं बेटा 0.8 एंपियर आया 0.4 इधर गया तो 0.4 इधर चला जाएगा बोलो सही है सिंपल एकदम मैथ्स 0.8 आया यहां पे 0.4 इधर गया तो 0.4 इधर गया अच्छा बेटा अब जरा q पे ध्यान दो q भी जंक्शन है एक दो तीन 4 वायर मिल रहे हैं इधर से करंट आया 0.4 यहां से करंट आया पॉइंट फोर यहां से करंट आया पॉइंट थ्री तो Q पे बेटा एक तरफ से पॉइंट फोर आया एक तरफ से पॉइंट फोर आया एक तरफ से पॉइंट थ्री कितना पॉइंट थ्री वन पॉइंट वन एमपियर करंट अंदर आया इधर से पॉइंट फोर इधर से पॉइंट फोर इधर से पॉइंट थ्री तो बेटा बाहर भी कितना जाएगा वन पॉइंट वन एम्पियर है ना कितना करंट अंदर आया 0.4 0.4 0.3 मिला के हो गया 1.1 एंपियर 0.8 और 0.3 तो बेटा जल्दी से वैल्यू लिखेंगे i2 i3 एंड i6 तो बेटा i2 हो गया आपका 1.1 ये ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है इसके बाद i3 बेटा i3 i3 हो गया 0.4 ये रहा और इसके बाद i6 भी 0.4 सो ऑप्शन ए इज करेक्ट सभी का आ गया आगे बढ़े क्लियर ये तो जय का सवाल है तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट तो सेम है क्लियर चलो बस ये लॉ लो हम लोग याद रखेंगे ये आगे भी इस्तेमाल होगा हमारे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड लॉ या उसको हम लोग क्या बोलते हैं अब सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा वोल्टेज लॉ केवीएल पहले को बोलते हैं करेंट लॉ केसीएल दूसरे को वोल्टेज लॉ के या इसका एक नाम और है लूप रूल क्या नाम है लूप रूल पहला क्या था च करेंट लॉ या किच जंक्शन रूल इसका नाम क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल या लूप रूल द एलजेबरिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो अगर आप किसी क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ोगे तो उसका सम क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा इसको हम लोग बोलते हैं के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसमें जीरो होता है बेटा क्लोज लूप में ये याद रखना कहां पे जीरो होता है क्लोज लूप में क्लोज लूप में जब आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ोगे तो उनका सम क्या आना चाहिए जीरो आप ए से चले बी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बी से सी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सी से डी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डी से ए पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ने पे नेट सम क्या आएगा जीरो आएगा क्लियर है तो ये देखो यही बात लिखनी है समीशन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो किसके लिए क्लोज्ड लूप में और बेटा यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है अलजेब्रिक सम अलजेब्रिक सम है ना मैग्नीट्यूड का सम नहीं करना बेटा अलजेब्रिक सम मैग्नीट्यूड का सम नहीं अलजेब्रिक सम मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होंगे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होंगे है ना आप यहां से यहां चले प्लस दो वोल्ट मिला यहां आए प्लस एक वोल्ट मिला तीन हो गया यहाँ आए प्लस एक और मिल गया चार वोल्ट अब यहां जाएंगे तो माइनस चार हो जाएगा ओवरऑल जीरो तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होते हैं क्लियर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होते हैं सबको जोड़ने पे एक लूप पे सम कितना आता है जीरो आता है ये बेटा किस पे बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बड़े ही बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे करंट लॉ किस पे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये अपना जंक्शन रूल या वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्लियर है आपके पास दो लॉ हैं एक के सी एल ऑफ करेंट लॉ एक के वी एल ऑफ वोल्टेज लॉ ये किस पे बेस्ड है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और ये किस पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ठीक ये आपसे क्या बोलता है जितना करेंट अंदर आया जंक्शन पे उतना बाहर जाएगा और ये क्या बोलता है कि क्लोज लूप में आप जब सारे पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा किस पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब बात आ रही है कि कब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे और कब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव सर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है आओ समझते हैं बेटा अब सबसे पहली कहानी क्या होती है कि आपके पास एक पाथ होनी चाहिए चूज अ पाथ पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाथ के अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होता है किस पर डिपेंड करता है पाथ पे डिपेंड करता है ठीक अगर हम बात करें बेटा रेजिस्टर की तो रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है करंट आई रेजिस्टेंस आर पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल्स टू आई आर अगर आपकी पाथ पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना हाँ पीला रंग तो दिखेगा नहीं पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना अगर आपकी पाथ यू है मतलब कैसे करंट के डायरेक्शन में है अगर आपकी पाथ करंट के डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा डेल्टा आई आर क्या होगा माइनस आई आर रेजिस्टेंस में माइनस आई आर अगर आपकी पाथ और आपका करंट सेम डायरेक्शन में है सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेल्टा वी क्या होगा माइनस आई आर होगा ठीक है नेगेटिव होगा अच्छा करंट ऐसे जा रहा है मान लो आपकी पाथ करंट के अपोजिट है बेटा पाथ कई बार हम डिसाइड करेंगे कई बार क्वेश्चन में पाथ गिवन होगी ठीक है कई बार हम डिसाइड करेंगे कई बार क्वेश्चन में गिवन होगी मान लो हमने पाथ यू ले ली अब पाथ यू आ रही है करंट यू जा रहा है रजिस्टर में अगर पाथ और करंट ये याद रखना यहां से इसको याद कर लो रेजिस्टेंस में अगर पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो बेटा यहां पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा यहां पे डेल्टा वी होगा प्लस आई आर क्या होगा प्लस आई आर तो रेजिस्टेंस की कहानी क्लियर है अगर करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में तो माइनस और करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आई आर अपोजिट वाला याद रख लो ये याद कर लो आप ये वाला पॉइंट याद रखो क्या कि अगर रेजिस्टेंस में करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर होगा अब आते हैं बेटा हम लोग सेल के ऊपर सेल की कहानी समझो सेल की कहानी समझो अगर आपकी पाथ अगर आपकी पाथ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है ना सेल के ईएमएफ को अपन ई e ले लेते हैं और यहां पे भी ईएमएफ को ई e. अगर आपकी पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही सेल को करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखना पड़ता है सेल में करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही कहां से कहा पॉजिटिव से नेगेटिव बेटा पॉजिटिव मतलब क्या हुआ हाई पोटेंशियल नेगेटिव मतलब क्या हुआ लो पोटेंशियल बोलो सही बात है पॉजिटिव मतलब हाई नेगेटिव मतलब लो मतलब आप हाई से लो जा रहे हो मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अगर आपकी पाथ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही तो आप हाई से लो जा रहे हो हाई से लो मतलब हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो इसको हम लोग लिखते हैं -e तो बेटा ये डेल्टा v कितना होगा डेल्टा भी होगा माइनस ई नेगेटिव ऑफ ई एम एफ है ना बेटा सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ई e के बराबर अगर आप प्लस से माइनस गए प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर तो पोटेंशियल ड्रॉप और लोगे माइनस ई और इसका उल्टा बेटा सिंपल है कि अगर आपकी पाथ माइनस से प्लस गई पाथ कहां जा रही माइनस से प्लस माइनस से प्लस मतलब लो से हाई माइनस से प्लस मतलब लो से हाई तो पोटेंशियल गेन हुआ तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस क्लियर पर याद सिर्फ एक बात रखो जब रेजिस्टर को देखो याद सिर्फ एक बात रखो रेजिस्टर को जब देखो तो रेजिस्टर में ये देखो कि करंट और पाथ अगर अपोजिट है तो प्लस और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस में आई होता है तो रेजिस्टेंस में अगर पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस आई आर और बैटरी में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आते हो तब प्लस होता है बस इतना याद रखो अपने आप खेल हो जाएगा दोनों के प्लस का केस याद रखो है ना दोनों का क्या याद रखो बेटा प्लस का केस दोनों का याद रखो पॉजिटिव का केस याद रखो रेजिस्टेंस का सबको क्लियर हो गया होगा कि पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस आई आर और बैटरी की क्या कहानी है बेटा जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तब प्लस लोगे, ठीक बस पॉजिटिव याद रखो उसके पलटने वाला तो खेल लेंगे बैटरी का क्या है जब से positive, तो प्लस और का क्या है जब पाथ और करंट ऑपोजिट तो प्लस आई आर सेल में करंट से नहीं देखते सेल में करंट का कोई रोल नहीं है रेजिस्टर में है क्लियर है क्लियर है, Clear है? क्लियर है क्लियर एकदम बस दो चीज याद रखनी है ये और ये रजिस्ट्रन में करेंट और पाथ अपोजिट प्लस आई आर सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई चलो खेल खेलते हैं पहला सवाल आ गया आपके पास 2010 का इसको तो भाई जल्दी से मार के आगे बढ़ेंगे हलवा सवाल है कंसिडर टू स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लूप लॉ लूपलोज फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोथ वन एंड टू आर रॉन्ग वन इज करेक्ट टू इज रॉन्ग वन इज रॉन्ग एंड टू इज करेक्ट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट जल्दी से बताएं बेटा जल्दी से बताएं ये तो हलवा एकदम

आगे बढ़ा जाए चलो नेक्स्ट फाइंड करेंट आई अब बेटा इस सर्किट में आपको आई निकालना है देखो I बना हुआ है, ये है ये आपको इसकी वैल्यू चाहिए इस सर्किट के अंदर एक सेल ये है एक सेल ये है कुछ तीन चार रेजिस्टेंसेस भी हैं। अब आपको इस आई की वैल्यू चाहिए तो आपका सबसे पहला काम होता है पाथ को चुनना ठीक है सबसे पहला काम क्या होगा बेटा सबसे पहला काम होगा चूज पाथ ठीक है चूज पाथ अब बेटा पाथ क्या हो सकती है इसके अंदर या तो क्लॉकवाइज वाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज वाइज कौन सी लेनी चाहिए जो मन करे वो ले लो जो मन करे वो ले लो कोई दिक्कत नहीं है कई बार क्या होगा एक ही सर्किट के अंदर आपको मल्टीपल पाथ लेनी होगी तो अगर एक लूप में क्लॉकवाइज ली तो दूसरे में जो मर्जी ले लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है, है तो कंजर्वेशन तो ऑफ एंटी क्लॉक मैं क्लॉकवाइज से शुरू कर रहा हूं तो मैंने यहां से पाथ अच्छा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पाथ को स्टार्ट करते हैं तो आसान पड़ता है मैं इस सेल से पाथ को अपनी शुरू कर रहा हूं और ये, ये, ये देखो आज मेरा ये स्टाइलस चेंज वाइज इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है ये 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 मेरी पाथ है ये मेरी पाथ है ये मेरी पाथ है शुरू करते हैं बेटा पाथ बन गई अच्छा अब हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल क्या बोलता है केवीएल बोलता है कि समेशन डेल्टा वी कितना होगा जीरो सभी को पता है किसके लिए क्लोज्ड लूप में कहां पे क्लोज्ड लूप दिस इज अ क्लोज्ड लूप यस तो समिशन डेल्टा v 0 आएगा शुरू करते हैं बेटा इस सेल से मैंने कहानी को स्टार्ट किया अगर आप पाथ को देखो तो ये मेरी पाथ है क्लॉकवाइज ये मेरी पाथ है अगर इस सेल से मैं स्टार्ट करूं तो पाथ कहां से कहां जा रही ऐसे जा रही है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस में लेंगे तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमने पाथ में अब डेल्टा v डेल्टा v सबका जोड़ेंगे सबका डेल्टा वी डेल्टा वी जोड़ेंगे समीशन डेल्टा यानी इसके डेल्टा इसके वी, इसके डेल्टा डेल्टा सबका वी जोड़ेंगे और क्लोज लूप में डेल्टा वी का सम आएगा तो शुरू करते हैं कितना ले लिया यहां लिखता हूं प्लस थ्री ले लिया आगे बढ़े बेटा रेजिस्टेंस से में पहुंचे रेजिस्टेंस में देखो पाथ ऊपर जा रही है करंट भी ऊपर जा रहा पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में माइनस क्या होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आई आर सो आई इंटू टू कैसा माइनस सो माइनस टू इंटू आई भाई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आई आर होता है पाथ भी ऊपर करंट भी ऊपर तो नेगेटिव हो गया क्योंकि पाथ करंट अपोजिट तब पॉजिटिव था रेजिस्टेंस का क्या रूल है पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस आई सेल का क्या रूल है जब नेगेटिव से पॉजिटिव तब प्लस ई तो बेटा यहां सेम डायरेक्शन में तो माइनस लिख लिया मैंने आगे बढ़े बेटा आगे बढ़े यहां पहुंचे अब ये देखो ये जो करंट आई है यही करंट आई यहां पहुंचेगा ये करंट आई यही करंट आई यहां यही करंट आई यहां पहुंचेगा और यही करंट आई यहां पहुंचा भाई यहां पे करंट आई बना हुआ था नहीं बना होता तो हम अपने अकॉर्डिंग करंट निकालते दो सेल दी हुई थी हम शायद दोनों से निकालते हम शायद एक से निकालते ये हमारी भी आगे देखेंगे केसेस तो बेटा ये करंट आई बना था यहां भी आई गया यहां भी आई गया यहां भी आई गया चलो अपन पहुंचे ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस थ्री ये पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में माइनस टू आई अब यहां पहुंचे बेटा यहां पे देखो पाथ यूं जा रही है और करंट भी यूं जा रहा है पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में क्या होगा माइनस आई आर माइनस वन इंटू आई ठीक है बेटा फिर अपन यहां पहुंचे पाथ भी नीचे करंट भी नीचे तो इस रजिस्टर के बारे में क्या कहना है पाथ भी नीचे करंट भी नीचे फिर से नेगेटिव हो जाएगा। माइनस आई आर तो माइनस टू आई लिख लिया फिर इस सेल पे पहुंचे बेटा अब इस सेल पे क्या हुआ बेटा पाथ यूं जा रही है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव सेल में बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस लेते हैं सो so, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा बोलो सही है सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव को प्लस ये पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस नीचे वाला रजिस्टर देखो बेटा ये आई पाथ ए यू जा रही है यू तो पाथ भी ऐसे ही करंट भी ऐसे ही तो बेटा सेम डायरेक्शन में पाथ और करेंट तो माइनस आई आर बेटा करते करते सेल पे वापस पहुंच गए लूप खत्म हो चुका है अब आप क्या लिखोगे समीशन डेल्टा वी जीरो आपने सारा डेल्टा वी ले लिया इक्वल टू जीरो कर दिया चलो बेटा आप जोड़ते हैं प्लस थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स हो गया टू आई आई टू आई आई दो दो चार एक पांच एक छ माइनस सिक्स आई इक्वल टू जीरो यहां से सिक्स आई इक्वल टू माइनस सिक्स सिक्स आई माइनस सिक्स आई की वैल्यू आई माइनस वन एमपीयर तो आई की वैल्यू क्या है बेटा माइनस वन पे मारेंगे वन एम्पियर पे नहीं माइनस वन पे वन पे नहीं मार देना कि वन होगा है ना आई का डायरेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने कहा है आई इस तरफ है तो इस तरफ कितना करेंट है माइनस वन यानी इस तरफ कितना करेंट है वन ये कह सकते हो ओवरऑल करेंट इस डायरेक्शन में यह आप बोल सकते

इन दी सर्किट शोन इन दी फिगर फाइंड दी करंट थ्रू दी ब्रांच बी इस ब्रांच में करंट चाहिए किस ब्रांच में बी में फाइंड दी करंट थ्रू दी ब्रांच बी अपने को इस ब्रांच में बी ब्रांच के अंदर करंट चाहिए ये रही बी ब्रांच इसमें करंट चाहिए अब की बार बेटा दो लूप दिख रहे हैं आपको hmm. अब क्या किया जाए बेटा जितने लूप्स होंगे उतने बार आप केवीएल लगा सकते हो लगाना हो ये जरूरी नहीं है लगा सकते हो अलग अलग लूप के लिए अलग अलग तो पहले मैं एक ये लूप चूज उसके बाद मैं वो लूप करूंगा, और उसमें तीसरा लूप भी बना सकते हैं सिचुएशन आने पे इसमें तीसरा लूप भी बन सकता है बीच वाले रजिस्टर को छोड़ के ये पूरा लूप ये।, ये भी बन सकता है तो यहां तीन लूप के बनने के चांसेस है एक लूप ये एक लूप ये और एक इसको हटा दो अगर तो यहां से चले यहां से चले यहां से चले यहां से चले एक लूप ये भी हो सकता है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लूप लूंगा पहले मैं ए बी डी मैंने ये वाला लूप ले लेता हूं नाम दे देता हूं एक लूप मैंने ये लिया इसको मैंने बोला लूप नंबर वन अब दूसरा लूप कैसा लू ये कैसा लिया मैंने क्लॉकवाइज क्या दूसरा भी क्लॉकवाइज लेना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा आंसर पे कोई फर्क पहले लूप को मैंने क्लॉकवाइज लिया इस सेल से स्टार्ट किया लूप को ये 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 ये, ये मेरा डायरेक्शन है लूप 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 का ठीक है ये मेरा नंबर क्या दूसरा भी मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा आपकी मर्जी है चाहो तो क्लॉकवाइज चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज मैं क्लॉकवाइज ही ले रहा हूं या कहो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लू दोनों चीजें सही होंगी जैसा तुम बोलो जैसा तुम बोलो बोलो कि क्लॉकवाइज बोलो तो एंटी क्लॉक वाइज जैसे बोलो जय बाबा की जय बाबा की बेटा जी clockwise? कह रहा है आप एक हॉरर स्टोरी सुना दो कृष्णा जहांगीर बेटा जाके शीशा देख लो बढ़िया हॉरर स्टोरी दिख जाएगी वहां कुछ बच्चे क्लॉक वाइज कह रहे हैं कुछ एंटी क्लॉक वाइज दोनों ले सकते हैं तो क्लॉक वाइज ले लेते ले हैं या एंटी क्लॉक वाइज चलो एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं उल्टा

पॉजिटिव में जा रहा है अच्छा अपने करंट नहीं बनाया करंट तो बनाए अपने वो क्या चाहिए करंट थ्रू ब्रांच बी डी ओ भैया पहले करंट तो बनाओ करंट थ्रू ब्रांच बी डी अच्छा अब आपके पास दो सेल है क्या सर मैं दोनों से करंट निकालू तुम्हारी मर्जी अगर सवाल में दिया नहीं है कि करंट किस सेल से निकला है तो तुम्हारी मर्जी है चाहो तो दोनों से निकालो चाहो तो किसी एक से निकालो ठीक है तो मैं एक काम करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी सिमेट्री दिख रही है थोड़ी सी कंप्लीट नहीं थोड़ी सी सिमेट्री दिख रही है इधर भी तीस वोल्ट की बैटरी उधर भी तीस थोड़ा सिमेट्री तो मैं दोनों तरफ से करंट निकालता हूं क्या सर मैं दोनों तरफ से बराबर करंट निकाल लू नहीं बेटा ये अलाउड नहीं है क्योंकि कंप्लीट सिमेट्री नहीं है अगर कंप्लीट सिमेट्री हो निकाल लो दोनों तरफ से बराबर करंट कंप्लीट सिमेट्री तो नहीं है तो एक काम करता हूं बेटा मैं यहां से करंट निकालता हूं आई इस सेल से मैंने करंट निकाला आई और इस सेल से करंट निकाला i2 ठीक है दोनों तरफ से करंट निकला ये i1 करंट बेटा यहां गया इस रेजिस्टेंस में और ये i2 करंट यहां गया इस रेजिस्टेंस में i1 और i2 आके यहां मिले नीचे आए यानी इस ब्रांच में कितना करंट आया बोलो अब यहां पे किरचॉफ करंट लॉ थोड़ा सा लगाओ इधर से करंट i1 आया इधर से i2 आया बेटा करंट कहां से निकलता है बैटरी के

यहां से कितना करंट निकाला आई वन यू गया आई वन यहां से कितना निकाला आई टू यू गया आई टू यहां पर दोनों जुड़ गए कितना हो गया आई वन प्लस आई टू यहां पर बेटा दोनों फिर बिखर जाएंगे इससे कितना निकला था आई वन तो यहां वापस भेज दो आई वन इससे कितना निकला था आई टू तो यहां वापस भेज दो आई टू हुआ करंट का खेल बोलो क्लियर है यहां से निकाला आई वन यहां से निकाला आई टू इधर आया आई वन इधर आई टू दोनों मिले i1 plus i2 इसको i1 भेजा इसको i2 जितना निकाला था उतना वापस कर दिया जितना निकाला था उतना वापस अभी स्पीड पकड़ेंगे पहले दूरी क्वेश्चन में थोड़ा सा धीमे चलो अब लूप वन में हम लगाने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ समेशन डेल्टा v 0 अल्टीमेट एम क्या है फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच bd अल्टीमेट एम है बेटा इस ब्रांच में करंट बताना bd ब्रांच में करंट ये अल्टीमेट एम है अपना

सो माइनस सिक्स इंटू आई वन फिर बेटा यहां देखो लूप यहां है अपना वहां नहीं जाएंगे लूप फिर आप पाथ भी नीचे करंट भी नीचे इस रजिस्टर की बात करें पाथ भी नीचे करंट भी नीचे तो बेटा कितना होगा माइनस आई आर होगा है ना इस रजिस्टर में पाथ भी नीचे करंट भी तो माइनस आई आर होगा अब इसमें करंट कितना है I1 प्लस आई वन तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस आई, वन प्लस आई टू. इंटू इसका रेजिस्टेंस थ्री वापस पहुंचे वापस पहुंचे सेल पे आ गए तो इक्वल टू जीरो कर देंगे क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो यहां चले बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ा धीमे इसके बाद तेज पढ़ेंगे नेगेटिव से अब किरचॉफ में तुमको क्या कह रहा है मेंटोस बताओ किरचॉफ में भी मेंटोस पढ़ोगे फिर किरचॉफ क्यों पढ़ोगे फिर मेंटोस कर लो इसका है, बट क्रच का हर क्वेश्चन से हो, इसका तो निकाल लोगे, यहां भी इधर, करेंट भी इधर माइनस आई वन प्लस टू इंटू थी इंटू थी जीरो चलो थर्टी माइनस सिक्स आई वन माइनस थ्री आई वन माइनस थ्री आई टू इक्वल टू जीरो तो कितना हो गया बेटा थर्टी माइनस नाइन आई वन माइनस थ्री आई टू इक्वल टू जीरो हुई पहली इक्वेशन अब दूसरे लूप में आते हैं बेटा लूप नंबर टू की बात करते हैं यहां कर ले लूप टू लूप टू में भी क्या लगाएंगे अपन KVL यानी लूप टू में भी अपन क्या करने वाले हैं लूप टू में भी अपन समीशन डेल्टा V को जीरो करेंगे चलो लूप टू की बात करें चलो पाथ कैसे जा रही है नेगेटिव से अपने एंटी क्लॉकवाइज ले ली पाथ क्या क्लॉकवाइज लेने से गलत आएगा तब भी सही आएगा हाँ यहां से स्टार्ट किया मैंने सेल से नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 30। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े पाथ भी इधर करंट भी इधर माइनस आई आर है ना पाथ भी इधर करंट भी इधर है ना ये लूप है अपना नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस थर्टी पाथ इधर करंट इधर माइनस आई आर यहां आए बेटा पाथ भी नीचे करंट भी नीचे सो माइनस आई इन आर है ना पाथ भी नीचे करंट भी नीचे आगे बढ़े बच्चों लूप खत्म हो गया आगे बढ़े लूप खत्म इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है थर्टी माइनस थ्री आई टू और यहां से भी माइनस थ्री आई टू तो माइनस सिक्स आई टू हो गया माइनस थ्री आई टू ये भी माइनस थ्री माइनस थ्री आई वन इक्वल टू जीरो बेटा थ्री से कैंसिल हो जाएगा टेन थ्री टू सिक्स थ्री वन जा थ्री और इसको उधर भेज देंगे तो आएगा टेन इज इक्वल टू है ना थ्री थ्री से कैंसिल हो गया थ्री टेन जटी थ्री टू जिक्स थ्री वन जी और इसको इस तरफ भेजा टू आई टू प्लस आई वन पहले 3 से कैंसिल किया फिर इसके बाद 326 313 इसको इधर भेजा 2i2 टू i1 टू ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब देखो ये भी 10 के बराबर वो भी 10 के बराबर यानी ये वैल्यू और वो वैल्यू बराबर होगी है कि नहीं इसका भी सम 10 उसका भी सम 10 तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग 3i1 i2 कितना है 2i2 i1 दोनों की वैल्यू देखो ये भी दस वो भी दस तो थ्री आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टू आई टू प्लस आई वन ठीक है अच्छा एक काम करते हैं आई इधर भेजा टू आई टू माइनस आई टू आई टू थ्री आई वन माइनस आई वन टू आई वन सो आई टू की वैल्यू हो गई टू आई वन अब आई टू की वैल्यू टू आई वन आप यहां पर रख दो पहली इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट टेन इज इक्वल टू कितना है थ्री आई वन प्लस आई टू सो थ्री आई वन प्लस क्या है आई टू आई टू की वैल्यू कितनी है टू आई वन तो टू आई वन दो तीन पांच फाइव आई वन इज इक्वल टू टेन आई वन की वैल्यू हो गई टेन बटे पांच दो एम्पियर और बेटा आई टू कितना है टू टाइम्स ऑफ आई वन तो इसका डबल कर देंगे I2 टू इज टू टाइम्स ऑफ आई वन तो इसका डबल कर देंगे चार एमपियर तो एक दो एम्पियर एक चार एम्पियर अब आपसे क्या पूछा है करंट थ्रू दी ब्रांच बी डी बेटा इसमें से करंट पूछा था इसमें से करेंट पूछा था तो इसमें से करंट कितना है आई वन प्लस आई टू सो दो प्लस चार क्या आंसर हो गया क्लियर क्या आंसर है अपना छ एम्पियर स्पीड आ जाएगी बेटा एक बार सीख तो लो मेथड तो सीख लो पूरा कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं कैसे खेल खेलते हैं उसके अर्थ तो स्पीड आई जाएगी चलो नेक्स्ट देखते हैं तो ये दो लूप का समझ में आ गया दो लूप के क्वेश्चन कैसे करने हैं एक लूप और दूसरा लूप दोनों की इक्वेशन फिर सम क्या दोनों बैटरी से करंट निकालना जरूरी है नहीं निकाल लो तो बेटर है चाहो तो एक से निकालो करंट यहां पे लाके कुछ इसमें भेजो कुछ इसमें भेजो और आगे खेल खेल लो अपना ठीक है बस जंक्शन लॉ को फॉलो करना है ना करंट डिविजन सही से करना क्या करंट बराबर निकाल सकते हैं निकाल सकते हो अगर सिमेट्रिकल हो अदरवाइज नहीं करना यह काम ठीक है क्लियर सभी को चलो क्या कह रहे हो यूज केसीएल हां एल लगा सकते हो आप यहां तीस है तो यहां तीस लिख सकते हो यहां तीस है यहां तीस लिख सकते हो यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो लगा सकते हो आपकी थर्टी माइनस आई वन की हो जाएगी 30 X 3, और इस आप ये भी, भी तरीका बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दीज मेथड क्लियर है चलो मेटोज में बेटा क्या है ये दोनों सर्किट देखो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो अगर आप मेनटॉज से देखना चाहो तो दोनों सेल किसमें है पैरल कॉम्बिनेशन है ठीक है ये दोनों सेल कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरल कॉम्बिनेशन में तो इसका आप ई e नेट निकाल लो ई e नेट क्या होता था पैरल में ई वन बाई आर वन यानी थर्टी बाई सिक्स प्लस ई टू बाई आर टू यानी थर्टी बाई थ्री ये हो गया और 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 ये 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 हो हो गया जाएगा बेटा एलसीएम लेके राइट पंद्रह कितना आया तीस वोल्ट आया और इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा दोनों किसमेंट तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर

सिचुएशनल है ये सिचुएशनल है बेटा यहां काम कर गया क्योंकि दोनों सेल से पैरल में थी कल को नहीं हो पैरल में तो तब दिस वन इज इजी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वहां क्या ये मेथड वैलिड होगा आई डोंट नो

ये ये E2 ये R2 अभी इतना दिमाग चले तब ना एग्जाम में तुम्हारा तो हमने बोल दिया कॉम्बिनेशन निकाल लिया तो तो पर एक तीन, है ना तो बेटा ये कितना हो गया पांच और ये कितना हो गया दस एक बटे तो एक तीस वोल्ट आर इक्वेलेंट छीन

इन द सर्किट शोन्स द सेल्स ए एंड बी हैव रेजिस्टेंसेस इनका नेग्लेजिबल रेजिस्टेंसेज है आगे चलो फॉर वी ए बारह वोल्ट फॉर वी ए कितना है बारह वोल्ट आर वन पांच सौ ओम ये कितना है बेटा पांच सौ ओम है आर वन पांच सौ ओम एंड आर सौ ओम आर कितना है बेटा आर है सौ ओम द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन इसका क्या मतलब है द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफर एक बच्चा पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ो वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हुई बात चलो अब क्या है हा इन सर्किट शोन इन द फिगर द सेल्स ए एंड बी है इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर वी ए बारह वोल्ट र वन पांच सौ ओम आर सौ ओम द गैलोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन बेटा इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहां कोई ही नहीं है तो इसके अंदर करंट कितना है बेटा जीरो है द वैल्यू ऑफ वी बी इज हमसे वी बी की वैल्यू पूछ रहा है आपको दो लूप दिख रहे हैं यस yes, सर बेटा यहां से मैंने करंट निकाला आई वन इसमें भी करंट जाएगा आई वन यहाँ से करंट कितना निकला बेटा जीरो करंट ही नहीं क्योंकि खुद ही लिख दिया क्या ये खुद ही बोल रहा है द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन तो बेटा इसमें करंट कितना होगा जीरो यहां से तो कोई करंट निकला ही नहीं जीरो है ना चलो अब ये आई वन आया इधर से जीरो आया तो इसमें कितना करंट जाएगा इसमें आई वन करंट जाएगा देखो तो खुद ही लिख रहा है द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन इसका मतलब यहां कोई करंट नहीं है यहां से करंट आई वन आया इसमें आई वन गया यहां जीरो आया तो कुछ है बेटा आप तो मतलब लूप, लूप वन की बात करें बेटा थोड़ी गति पकड़ते हैं लूप वन की बात करें अपन यहां से कहां से कहां चल रहे नेगेटिव से पॉजिटिव है ना लूप का डायरेक्शन ध्यान से देख लो यू यूं, यूं, है ना तो अपन कहां से कहां चल रहे हैं लूप वन में सेल में देखो ये जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव सो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस बारह रेजिस्टेंस में देखो बेटा करंट भी इधर पाथ भी इधर सो so, क्या हो जाएगा माइनस आई आर सो माइनस पांच सो इन आई वन फिर बेटा इस रेजिस्टेंस में देखो करंट भी नीचे पाथ भी नीचे है ना इस वाले में देखो करंट भी नीचे पाथ भी नीचे तो माइनस माइनस हंड्रेड इन आई वन और बेटा ये लूप खत्म हो गया इज इक्वल टू जीरो छे सो आई वन इस तरफ ले जाए छू बारह की वैल्यू बेटा बारह बटे सो सिक्स टू जिक्स वन झा सिक्स जीरो जीरो दो बटे सो एम्पियर है न? यहां से हमने देखा पाथ ऐसे जा रही नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस बारह यहां पे करंट ऐसे

हो सकता हो आपने एंटी क्लॉकवाइज ली हो चलो स्टार्ट करते हैं कहां से स्टार्ट किया जाए सेल से स्टार्ट करें चलो सेल में कहां से कहां जा रहे हो आप ऐसे जा रहे हो यानी प्लस से माइनस प्लस से माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा देखो मैंने लूप यू लिया है यानी सेल में आप कहां से कहां गए प्लस से माइनस दिख रहा है लूप नीचे जा रहा है यू यानी क्लॉकवाइज ले लिया पहला लूप भी क्लॉकवाइज और दूसरा लूप भी क्लॉकवाइज आप सेल में कहां से कहां जा रहे हो प्लस से माइनस तो कैसा हो गया माइनस वी बी फिर आप पहुंचे इस रेजिस्टेंस में पाथ ऊपर करंट नीचे पाथ ऊपर करंट नीचे रेजिस्टेंस में पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर पाथ ऊपर करंट नीचे तो कितना हो जाएगा प्लस आई वन इंटू करंट कितना है सौ सॉरी रेजिस्टेंस कितना है सौ है ना पाथ ऊपर करंट नीचे तो कितना हो जाएगा ये पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा प्लस आई सो प्लस आई वन इंटू सौ फिर तो बेटा और कुछ है नहीं इक्वल टू जीरो से बेटा बी इस तरफ आ गया वीबीज इक्वल टू आई वन इंटू सौ बेटा आई वन की वैल्यू है दो बटे सौ सो आंसर हो गया अपना, दो वोल्ट दो वोल्ट क्लियर क्लियर ठीक है

किरचॉफ सॉल्व कर देगा पर अब इसमें एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट है पॉइंट क्या है हो सकता हो वो कॉम्प्लेक्स सर्किट आप किसी और मेथड से जल्दी सॉल्व कर जाओ किरचॉफ से ये गारंटी है कि वो सॉल्व होगा पर जल्दी सॉल्व होगा ये गारंटी नहीं है अब आपके पास कुछ मेथड पड़े हुए हैं है ना आपने कुछ अपने मेथड्स बना रखे हैं कुछ सीख रखे हैं उनसे वो क्वेश्चन जल्दी हिल सकता है पर वो मैथड्स हर क्वेश्चन में लगे जरूरी नहीं है हर हर क्वेश्चन में लगेगा ये जरूरी है। हो सकता हो सकता एक सर्किट के लिए आपके पास अलग अलग तरह के मैथड बैठे हो जैसे ये वाले में आपने ये देखा वोल्ट वोल्ट ही तो है ये, है ना इधर से प्लस तीस इधर से जीरो प्लस से जीरो प्लस तीस यहां कनेक्टेड प्लस तीस यहां जीरो जीरो यहां। दोनों पैरल सेल हमने दिमाग लगाया ये cell, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दूरी तो है है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कहा यार पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल दिया ये देखो हमने ई नेट और आर इक्विवेलेंट निकाल के ये लगा दी हमने इसे ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट और ये हमारा हो गया आर इक्विवेलेंट है ना हमने ये दिमाग लगाया पर ये मेथड क्या सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा नहीं किरचॉफ सारे में लगेगा हां ये डिफरेंस है बेटा और यहां पे आपने तीन ओम लगा रखा है अब क्या हो गया दो और तीन सीरीज में पांच करंट कितना हो गया तीस बट्टे पांच जैसे ये वाला सवाल है पर्टिकुलर यहां भी आप दूसरा मेथड लगा सकते हो बड़े आसानी से बिना किच के इसका मेंटोस देखो मैं तो किरच सिखा रहा हूं तुम्हें मेन्टोज इसका ही बड़ा आसान है देखो जरा बहुत आसान है कितना है बेटा बारह वोल्ट ये कितना दिया था पांच सौ ओम ये कितना दिया था सौ ओम और यह वीबी जरा ध्यान से देखो बेटा खुद इन्होंने बोल दिया द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन खुद बोला गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन भैया मतलब इस ब्रांच में कोई भी करेंट नहीं है गैलोनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मतलब जो भी करंट यहां से निकला वो इसी सेल में होके यहीं आ गया उधर करंट जाएगा ही नहीं भाई गैलोमीटर शोज नो, नो डिफ्लेक्शन यानी इस ब्रांच में करंट ही नहीं तो जो करंट निकला यहीं का यहीं का आ गया बेटा खत्म करो ये तो सिंपल दोनों रेजिस्टेंस सीरीज पांच सौ और सौ छो करंट कितना हो जाएगा बारह बटे छे सौ बिना लूपूप लिए बारह बटे बेटा वीबी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही वीबी के अक्रॉस है भाई वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे वी ले लो यहाँ पे जीरो पे वी यहाँ पे वी यहाँ पे जीरो पे जीरो 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 पोटेंशियल डिफरेंस वही तो है जो सेल का है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आई आर आई कितना है बारह बटे कितना है सौ खत्म करो ना यार क्लियर पर क्या यह मैथड हर जगह लगेगा नहीं इसकी भी गारंटी नहीं यह हर जगह लगेगा यह डिफरेंस है आप समझ में आया हर क्वेश्चन का आप डिफरेंट मिनटॉस ढूंढ सकते हो के अंदर कि किसी और आपके एग्जिस्टिंग मेथड से हो जाए किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हो जाए सीरीज या पैरेलल से या केसीएल का कोई मेथड लगा दें या कोई वोल्टेज का मेथड लगा दें कोई इक्वेलन रेजिस्टेंस का लगा दें यस yes, रेजिस्टेंस से भी सॉल्व हो सकता है बट किर्चॉफ से हो जाएगा इसकी गारंटी होती है क्लियर है आगे बढ़े यस yes, सभी को क्लियर क्लियर है नेक्स्ट देखो 2009 का सवाल एक पेज और था क्या अपने पास जैसे इसी क्वेश्चन को आप एक तरह से और सॉल्व कर सकते हो इसका एक और मेथड बताता हूं तीस छह तीन तीन तीस अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो एक क्वेश्चन को आप कई मैथड से कर सकते हो तीस छीन तीन तीस अब देखो आपको चाहिए क्या था करंट इन दी ब्रांच बीडी यही सवाल था ना ये सवाल क्या था करंट थ्रू ब्रांच बीडी क्वेश्चन नंबर फोर को मैं फिर से कर रहा हूं इसका एक और मेंटोस करेंट थ्रू ब्रांच बी डी अब इसमें करेंट चाहिए बेटा एक काम सुनो सीधा ये तीस वोल्ट लिखा है तो यहां तीस यहां जीरो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा यस yes. ये जीरो जीरो यस ये तीस yes. वोल्ट लिखा था ऊपर तीस नीचे जीरो तीस ये जीरो 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 तीस वोल्ट लिखा है यहां तीस यहां जीरो कितना हो गया तीस ये जीरो 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 क्लियर है अच्छा अब बी का पोटेंशियल नहीं पता ना बी के पोटेंशियल को आप एक्स ले लो इस पॉइंट के पोटेंशियल को एक्स ले लो यहां से करंट आया बेटा आई वन इसमें करंट गया आई वन यहां से करंट आया I2, इसमें करंट गया, करंट कितना गया यहां करंट गया मान लो आई थ्री है ना इधर से आई वन इधर से आई टू इधर से आई थ्री भाई हमें यह तो पता दिख रहा है साफ साफ कि आई थ्री इज टू आई वन प्लस आई टू है ना इस बार हम किससे कर रहे हैं बेटा के सी एल से क्रिच ऑफ करेंट लॉ से हम वोल्टेज लॉ यूज नहीं करेंगे बिना वोल्टेज लॉ यूज के कर देंगे यहाँ तीस वोल्ट, ये तीस वोल्ट. यहां तीस, नीचे जीरो तो ये तीस ये जीरो जीरो और यहाँ एक्स माना यहां से करंट आई वन माना यहां से करंट आई टू और इसमें करंट आई थ्री अब भाई के सी एल से आप ये बात तो कह सकते हो

तो यहां LCM लेना पड़ेगा पड़ेगा मेरे ख्याल से से ये ये हो जाएगा 30 minus X, 2 से multiply करना लिया है इधर आया 2X is equals to 30 और साठ नब्बे कितना हुआ फाइव एक्स इज इक्वल टू नब्बे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अठारह तो ये कितना हो गया अठारह वोल्ट हो गया अब आपको ये करंट आई थ्री चाहिए आई थ्री बेटा करंट कितना होगा एक्स माइनस जीरो बाई थ्री आई थ्री कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी है अठारह बटे 3। भाई एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड होंगे लॉ ये इंश्योर करता है कि मैं तो लगूंगा ही लगूंगा बाकी कोई और मेथड लग रहा है तो अलग बात है क्लियर केसीएल से कर दिया इसको हमने इसको हमने केसीएल से किया है ना ये सेकंड मैन थॉट्स था इसका मेंटोज वन में हमने इसको आपको किससे करा दिया मेंटोज वन में हमने आपको इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से करा दिया पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो बेटा हर क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड बट किरचॉफ से हो जाएगा इसकी गारंटी क्लियर है ये समझ में आ गया होगा नहीं आया केवीएल फिक्स है राइट right? ये समझ में नहीं आया इतना आसान सा था हलवा सा आगे बढ़ू आगे बढ़ो थोड़ा फास्ट चलो नेक्स्ट 2009 चलो सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन दिस फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर इट चलो बेटा ये चार में से कौन सी इक्वेशन सही होगी ट्राई करें ये आप खुद से कर सकते हैं बेटा यहां कितने लूप बन सकते हैं बताओ एक लूप दो लूप और तीन तीन लूप बन सकते हैं अब इन तीन लूप से आपके पास तीन इक्वेशंस आएगी अब देख लो कौन सी सही कौन सी गलत क्लियर आ गया सर बहुत बढ़िया है ना तो इस तरह के बहुत हैं से मैथड यार ऐसे तो कितना पढ़ाया जाए क्रैश कोर्स है कितना पढ़ाया जाए कुछ कुछ तो छूटे नहीं चीजें चलो कॉन्सेप्ट फिर भी कोशिश कर रहे हैं सारे पढ़ाए है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर इट बताएं

सेल को देखू मैं सबसे पहले तो सेल में अपन माइनस से प्लस जा रहे है. तो क्या हो जाएगा प्लस एवन. आगे बढ़े बेटा करंट आई वन और यहां से आई टू भी आ रहा है ना तो और आई वन के साथ मिलके यहां कितना करंट हो जाएगा आई वन प्लस आई टू हो जाएगा है कि नहीं करंट आई वन आ रहा है नीचे से करंट कितना आ रहा है आई टू तो ये i2 यहां आएगा और i1 i2 मिलके यहां कितना हो जाएंगे i1 plus i2 जो कि r से पास करेगा चलो पहले सेल की बात की नेगेटिव से पॉजिटिव तो +e1 फिर यहां रेजिस्टर पे पहुंचे करंट भी इधर पाथ भी इधर तो क्या हो जाएगा माइनस है ना पाथ भी इधर करंट भी माइनस -i1 plus i2 r फिर बेटा चलते-चलते चलते इस रेजिस्टेंस पे आए अब देखो i1 i2 करंट यहां तक आएगा i1 i2 यहां पे आते-आते क्या होगा बेटा करंट फिर डिवाइड होगा इस सेल से कितना करंट निकला है i2 और इससे i1 देखो यहां से करंट कितना निकला i1 यहां से i2 इस सेल से i2 निकला इससे i1 इससे i2 निकला इससे i1 यहां पे मिलके कितने हो गए i1 i2 यहां पहुंचा i1 i2 यहां पहुंचा अब इस सेल को कितना वापस चला जाएगा i1 और यहां वापस कितना चला जाएगा i2 बोलो क्लियर है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से आई वन निकला यहां से I2, यहां I1 आई टू, थोड़ी तक I1 आई टू चला, यहां मिलकर आई वन प्लस आई वन सेल से जितना आई टू से निकला था आई टू वापस, वापस तो बेटा वापस लूप पे आते हैं माइनस से प्लस प्लस करंट सेम डायरेक्शन में माइनस हो गया फिर यहां पहुंचे पाथ भी इधर करंट भी इधर है ना क्लॉकवाइज है ना पाथ अपनी पाथ पाथ है ना अपनी तो तो पे देखो भी 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 इधर इधर जा रही और तो ये माइनस हो गया सो so, तो बेटा मैच करा दो पहला मैच कर गया है, E1 I1 क्या पता एक लूप और बनाना पड़ता तीन लूप बन सकते हैं यहां एक, ये, एक, ये, और एक बड़ा लूप जिसमें बीच वाले को आप कंसिडर तब नहीं करोगे आप सिर्फ कोने 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 पे चलोगे क्लियर है किस पे चलोगे कोने 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 पे। ये तीसरा लूप भी बन सकता है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा चलो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आई थिंक यहाँ पे एक रजिस्टर गायब हो गया है होना चाहिए था यहाँ पे मेरे को तो गायब दिख रहा है एक सेकेंड चलो ठीक है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी

तो मैंने सिंपल ये वाली पाथ ले ली कहां से कहां गए बेटा ए से बी में अपने आप से पूछो क्या यह क्लोज लूप है यह क्लोज लूप नहीं है राइट right? यहां पे कोई क्लोज लूप नहीं है क्लियर यहां क्लोज लूप नहीं है है क्या क्लोज लूप नहीं यहां कोई क्लोज लूप नहीं है तो यहां पे आप समीशन डेल्टा वी जीरो नहीं बोल सकते जब क्लोज लूप नहीं है तो आप समीशन डेल्टा टू जीरो क्या बोलोगे आप ए से बी पे गए तो आप लिखोगे ए से बी पे गए तो आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए से कहां गए ए से बी पे गए तो क्या लिखोगे आप VB VA, है ना तरीका सीखो आप पाथ कैसे गई आपकी ए से बी सो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल इक्वल टू अब बेटा कहानी शुरू कर दो अपनी करंट ये है तीन एम्पियर का यही करंट तीन एम्पियर का यहां भी आएगा बेटा करंट यूं जा रहा है और पाथ यूं है चलो पहले आपने पाथ देखी कहां से कहां गए ए से बी पे गए तो आपने क्या लिखा फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल इक्वल टू चलो बैटरी पे आते हैं बेटा प्लस से माइनस जा रहे हैं है ना पाथ देखना करंट नहीं पाथ देखना करंट नहीं पाथ कहां से कहां जा रही प्लस से माइनस तो बैटरी में बेटा प्लस से माइनस में माइनस हो जाएगा फिर बेटा रेजिस्टर में आए पाथ इधर और करंट भी इधर तो पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में तब -IR सो -3 1 हो गया फिर बेटा आगे बढ़े पाथ इधर पॉजिटिव से नेगेटिव है ना पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव सो माइनस एट फिर बेटा आगे बढ़े करेंट भी इधर पाथ भी इधर सो माइनस आई इन टू आर अब इक्वल टू जीरो मत लिखना इस बार क्लोज लूप नहीं है यहां से यहां चले ना सो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाल रहे हैं चलो बेटा ये कितना हो गया माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस एट माइनस सिक्स कितना हो गया नौ तीन बारह छह अठारह आठ छब्बीस इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहां रजिस्टर रहा होगा इसका मतलब नौ तीन बारह आठ बीस तीन छब्बीस है ना अच्छा एक सात वोल्ट भी है मिस हो गया मुझसे हाँ फिर यहां पे आए बेटा वेरी सॉरी प्लस से माइनस ये मिस हो गया फिर यहां आए एक और बैटरी है Plus minus. So minus 7, से सात so अब सही है तो छब्बीस और सात तैतीस अब सही है नौ तीन बारह आठ बीस छब्बीस सात ये क्या है VB minus VA. मांगा क्या है? VA minus VB. तो बेटा VA minus VB क्या हो जाएगा? इसी का नेगेटिव हो जाएगा क्लियर so है बेटा ये तो वी बी माइनस वी पूछा क्या है देखो सवाल देखो सवाल इज वी ए माइनस वी बी हमने क्या निकाल लिया है वी बी माइनस वी ए अभी भी कई लोग सी बोल रहे हैं भैया सी नहीं होगा विवेक वीलॉग्स वीलॉग्स बनाना छोड़ो सवाल सही करो चैंसेस सी नहीं होगा अच्छा सी ही होगा सॉरी डी नहीं होगा कई लोग डी बोल रहे हैं माफ करना सी सही है डी गलत है ना माइनस क्यों नहीं हुआ क्योंकि वी बी माइनस वी ए नहीं वी ए माइनस वी बी पूछा है क्या अपन बलट भी सकते हैं कहानी अपन पात इधर भी ले सकते हैं यस यस आप पात यहां से इधर भी ले सकते हो क्लियर है आप अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे आप ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी यूज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो देखो आप यहाँ पे तीनों रजिस्टर रजिस्टर आपके सीरीज में हो, हो गए आप उनको जोड़ लो फिर करेंट लगाओ फिर के वी एल लगाना पड़ेगा क्लियर हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल आप कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन नौ आठ हो गया आपका सत्रह और सात तेईस और एक और दो तीन तेईस तो आप इसका इक्वेलेंट बना सकते हो नौ आठ सत्रह और सात तेईस और एक और दो तीन तो तेईस वोल्ट और ये कितना हो गया तीन ओम बिल्कुल कर सकते हैं आप ये पॉइंट हो गया ए ये पॉइंट मैं बोलता हूं के जितने भी सवाल हैं वो आप एग्जिस्टिंग मेथड से हो सकता हो कर सकते हो बट गारंटी नहीं है हाँ किरचॉफ की गारंटी होती है ये ए और बी अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बेटा एक तरह से क्या पूछा है टर्मिनल वोल्टेज v इज इक्वल्स टू e minus ir पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज करंट कितना है तीन है है ना सो so 23 अब करंट क्या है सेल के अंदर घुस रहा है तो सेल किस में है चार्जिंग में तो प्लस ir लग जाएगा बोलो बात समझ में आई हां 24 हो जाएगा 24 हो जाएगा मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ अगर मेंटोज आप देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखो तो नौ आठ सत्रह सात चौबीस तो ये हो गया चौबीस वोल्ट और रेजिस्टेंस दो एक तीन ओम और करंट कैसे जा रहा है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है है कि नहीं सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो बेटा वी क्या हो जाएगा ई e प्लस क्योंकि सेल किसमें है चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट जा रहा है तो सेल चार्जिंग में है, तो चौबीस प्लस आई कितना है तीन इंटू आर कितना है तीन तो चौबीस प्लस थ्री थ्री नाइन चौबीस प्लस नौ कितना हो गया 33 वोल्ट तो आंसर आ गया क्लियर VA -VB. आप यहाँ से आ जाए करेंट इधर जा रहा था है ना बट इसमें यही सब कंफ्यूजन है ना कि मतलब सेल चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है क्या सीरीज में है पैनल में एक सेल पलट गई फिर इसके नीचे सेल लगा दिया इस वजह से क्लियर चलो नेक्स्ट करते हैं फेज टू दो हजार सोलह द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर हमसे क्या पूछा है वी ए माइनस वी बी मांगा है चलो बेटा वी ए माइनस वी बी मांगा है वी ए माइनस वी बी तो मैं तो किरचॉफ से ही कर रहा हूं करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है मैं किरचॉफ से करूंगा मैंने ये चूज कर ली अपनी पाथ मैंने पाथ चूज कर ली इधर से इधर तो क्या लिखूंगा मैं वी बी माइनस वी ए मैंने पाथ ले ली वी बी माइनस वी ए यहां चला करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में माइनस आई आर यानी माइनस 2 इंटू टू यहाँ चला पॉजिटिव से नेगेटिव यानी माइनस थ्री यहाँ चला पाथ और करंट यही करंट तो आगे आएगा पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में माइनस आई आर कितना हो गया चार तीन सात दो नौ माइनस नौ वोल्ट वी बी माइनस वी ए नौ वोल्ट सॉरी माइनस नौ वोल्ट सो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा प्लस नौ वोल्ट विल बी दी आंसर आ गया सभी का प्लस वोल्ट विल बी ए ए, ए ए ए सभी का आ गया क्लियर है अब इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी कर सकते हो है ना क्या बोलोगे बेटा तीन वोल्ट एक ही सेल है बेटा लगा लिया तीन वोल्ट रेसन दो ओम और एक ओम सीरीज में कितने हो गए तीन ओम करंट कितना जा रहा दो एम्पियर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लस आई आर सो तीन प्लस टू थ्री जिक्स कितना हो गया नो वोल्ट ऐसे भी कर सकते थे क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट 2011 क्या है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज अब बताओ बेटा इसको करो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज जीरो का पोटेंशियल जीरो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज जीरो मांग रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज यह पूछा है चलो अब इसमें केसीएल केवीएल दोनों लगेगा जरा ध्यान से देखो यहां एक एम्पियर का करंट इधर जा रहा यहां दो एम्पियर का करंट इधर जा रहा दो एम्पियर यहां भी आया यहां पहुंचा यहां कितना करंट है बेटा एक एम्पियर करंट पे ध्यान दो पहले यहां से एक एम्पियर करंट गया और यहां पे दो एम्पियर जा रहा है इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि यहां इस इस तरफ से कहीं से कहीं का करंट आ रहा होगा एक और एक मिलके दो हुआ है है कि नहीं ये जंक्शन जंक्शन को ध्यान से देखो एक एम्पियर यहां से अंदर जा रहा दो एम्पियर बाहर आ रहा है यह तो पॉसिबल नहीं है है ना किच जंक्शन लॉ या किच करंट लॉ क्या बोलता है जितना करंट अंदर आया उतना बाहर तो यहां पे कितना करंट अंदर आया एक और बाहर कितना गया दो यानी यहां से भी कितना आया होगा एक एम्पियर अब देखो एक एक मिलके दो हुआ दो दो दो, दो, दो यहां पहुंचा इस तरफ कितना गया एक तो एम्पियर एक एक मिलके दो दो यहां पे आया एक, इधर, एक इधर. बोलो क्लियर है इतना बोलो इतनी बात समझ में आई पहले एक एम्पियर करंट ये आया इस जगह पे बाहर कितना जा रहा दो तो बेटा जितना अंदर आया उतना बाहर जाएगा एक अंदर आया दो बाहर मतलब इधर से भी एक अंदर ले आओ अब देखो दो एम्पियर दो एम्पियर दो एम्पियर दो एम्पियर यहां पहुंचा यहां कितना गया है एक तो इस तरफ कितना एक चलो अब आपको कहां से कहां जाना चाहिए ए से बी जाना चाहिए अब ए से बी जाएंगे सो वी बी माइनस वी ए लिख लेंगे वी ए तो जीरो है वीबी की वैल्यू मिल जाएगी यही तो पूछा है द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज हमसे पॉइंट बी का पोटेंशियल पूछा है तो ए से बी चलना होगा अब कैसे चले ए से बी क्या ए से बी यू चले चल के देखो बेटा एक बैटरी मिली अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं निकाल पाओगे आई आर तो ये बाहर वाली पाथ तो पॉसिबल नहीं है भाई यहां से यहां चले ये तो मिल जाएगा एक वोल्ट फिर जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो आई आर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि रजिस्टर नहीं पता तो ये पाथ तो पॉसिबल नहीं है अच्छा ये वाली पाथ देखो ये पॉसिबल है क्या ये भी पॉसिबल नहीं ना R2 की वैल्यू पता है ना R1 की वैल्यू पता है तो इधर से यूं भी नहीं चल सकते समझ रहे हो ये पाथ पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता तो IR नहीं पता चलेगा तो ये पाथ पॉसिबल नहीं ये पाथ भी पॉसिबल नहीं ना ये रेजिस्टेंस पता है ना ये ये अंदर वाली पाथ पॉसिबल है जरा ध्यान से देखो ACDB अगर हम पाथ ये ले अगर हमारी पाथ हो ए से सी से डी से बी इस पाथ में सब कुछ दिख रहा है, है? अगर हम ये वाली पाथ लें ये. A से C से D से इसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है हैं इसमें सारी वैल्यूज भी पता है हम लोग को यू फिर यू फिर यू इसमें सब कुछ पता है तो ये पाथ लेते हैं बेटा अपन ए से बी पहुंचे तो क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी एज इक्वल्स टू ए से बी पहुंचे चलो बेटा यहां देखो सेल को आप कहां से कहां गए नेगेटिव से पॉजिटिव गए बेटा सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा सो प्लस वन आगे चले आगे चले बेटा रेजिस्टेंस करंट नीचे पाथ ऊपर करंट नीचे पाथ ऊपर तो so, ये भी प्लस हो गया सो प्लस आई इन टू आर तो ये हो गया टू यहां चले बेटा यहां चले हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव अब देखो पाथ कहां से कहां जा रही पॉजिटिव से नेगेटिव ये तो माइनस हो जाएगा तो बेटा टू टू कैंसिल हो गया कितना आया वन बी माइनस वी ए वन है तो बेटा Vb और Va की वैल्यू कितनी है जीरो इक्वल टू वन सो Vb कितना हो गया एक वोल्ट आया एक वोल्ट आ गया सभी का एक वोल्ट आगे बढ़ा जाए चलो एक अच्छा सवाल दे रहा हूं देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं बढ़िया सवाल देते हैं एक चलो ये करो उड़ीसा 2019 चलो रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन दी सर्किट शोन इस वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए मेरे को वी नीड द रीडिंग ऑफ दिस वो मीटर बताए द रीडिंग ऑफ दी रीडिंग ऑफ दोल्ट मीटर अब बेटा वोल्ड मीटर की रीडिंग चाहिए वॉट इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बेटा आइडियल वर्ल्ड मीटर बोला है पहली बार तो आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ना यहां पे वर्ड यूज किया है आइडियल वोल्टमीटर ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर ठीक है तो बेटा आइडियल वोल्टमीटर की बात क्या होती है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है पहली बात मांगी क्या है रीडिंग बेटा रीडिंग मतलब क्या बताएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना रीडिंग मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग मतलब क्या बताएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कौन सा वीसी सी माइनस वीडी या वी डी माइनस वी सी है ना क्या इसी की वैल्यू बताएगा वोल्ट मीटर वी सी माइनस वीडी बोल दो या वीडी माइनस वीसी या उसका मॉड लगा दो वोल्ट मीटर का काम ही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बताना किस दो एंड्स के अक्रॉस कनेक्टेड है वोल्ट मीटर सी और डी के अक्रॉस सी और डी के अक्रॉस तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा अब बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैसे निकलेगा सोचो कैसे निकलेगा सोचो ये बेटा दो वोल्ट की बैटरी लगी है अच्छा यहाँ अपन लिख सकते हैं दो यहाँ लिख सकते हैं जीरो ये यहां पे आके हो गया दो राइट दो, दो 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 ये जीरो 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 यहाँ आके जीरो हो गया सही है दोनों में है बेटा पैरेलल में है अगर ये दो है तो यहां भी कितना हो जाएगा दो ये जीरो है यहां भी कितना हो जाएगा जीरो ये दो यहां भी कितना दो ये जीरो यहां भी कितना जीरो अच्छा ठीक है अब बेटा यहां से कुछ करंट निकलेगा क्या करंट इस ब्रांच में जाएगा नहीं क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट है ना यहां से जो करंट जाएगा है ना यहां से आप मान लो दोनों पैरेलल में तो समझ में आ ही रहे होंगे आपको है ना ये दो वोल्ट है यहां लिख लिया दो ये जीरो है यहां लिख लिया जीरो अब कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ करंट नीचे जाएगा अच्छा देखो वोल्टमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता क्यों क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा बेटा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है।, है ना करंट क्या होता है आपका डेल्टा वी बटे आर होता है अगर आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर बेटा देखो आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्या बोला आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट तो इस ब्रांच का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट जीरो हो गया तो यहां तो कोई करंट जाएगा नहीं यानी यहां से जो करंट निकला है ना इधर मान लो आई वन इधर आई टू वैसे दोनों तरफ सेम ही जाएगा क्योंकि जब वोल्ट मीटर में करंट नहीं जा रहा जब वोल्ट मीटर में करंट नहीं जा रहा तो ये सर्किट कुछ यूं दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा ऊपर क्या है 20 और 30, नीचे क्या है 30 और 20, तो सेम सर्किट तो हो गया

इसको मैं हटा दूं जब इसमें कोई करंट नहीं जाना तो ऊपर भी क्या दिख रहा है पचास ओम नीचे भी पचास तो जो करंट ऊपर जाएगा वो नीचे बेटा कितना करंट होगा आप तुरंत निकाल सकते हो ये करंट कितना होगा दो और जीरो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस कितना है पचास तो करंट हो जाएगा दो माइनस जीरो बटे पचास तो करेंट हो गया दो बटे पचास सिंपल ये करेंट हो गया अब बेटा आप चाहो तो यहां से यहां की एक पाथ ले लो क्या लिख सकते आप वी सी माइनस वी एज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी अगर मैं ऊपर एक पाथ ले और नीचे भी एक पाथ ले लूँ, ऐसी तो करना पड़ेगा मुझे मुझे चाहिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस Vc माइनस वी डी है ना तो एक पाथ में इधर ले लूँ, ये वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी आई देखो ये देखो अगर मैं ये पाथ ले लूं पहले ये समझ में आया करंट बराबर क्यों लिया मैंने कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा मैंने करंट ऊपर में करंट जाएगा।, जाएगा क्या नहीं है दो और जीरो के बीच में ये भी है अब ध्यान से देखो जितना करंट ऊपर जाएगा उतना नीचे ऊपर भी पचास है करंट तो बराबर बराबर तो मैंने बोला यहां भी करंट आई यहां भी करंट आई अब मैंने कहा एक पाथ ये ले लो वी सी माइनस टू या VA लिख लो इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी आई क्योंकि पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में तो एक मैंने लिखा वीसी माइनस वी ए पहुंचे यहां करंट सेम डायरेक्शन माइनस ट्वेंटी आई Similarly बेटा नीचे आ जाओ सी नीचे यहां से यहां पाथ ले लो है ना? यह पाथ ले लो नीचे ए से डी पे पहुंच गए तो आप क्या लिख सकते हो VD माइनस वी ए माइनस थर्टी आई है ना आप ए से डी पे पहुंच गए तो आप क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल VD minus VA, है ना आप ए से डी पे पहुंच गए वीडी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू बाथ और कर माइनस थर्टी आई है ना बेटा इसमें से ये माइनस कर दो आप सो क्या होगा जब ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो वी ए वी ए कैंसिल और क्या बचा वी सी माइनस वीडी और ये भी क्या हो जाएगा प्लस थर्टी आई माइनस ट्वेंटी आई कितना हो गया एन और बेटा आई कितना होगा ये तो आप निकाल सकते हो ना देखो आई कितना करंट होगा इस ब्रांच में आई और यहां भी करंट आई क्योंकि वोल्ट मीटर में तो करंट जाएगा नहीं यहां आई गया ये भी आई और यहां आई गया ये भी आई अब बेटा इस ब्रांच में कितना करंट होगा दो और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस बीस और तीस पचास है ना देखो ये बीस और तीस पचास यहां दो, यहां दो यहां जीरो सो दो बटे तो टू बाई फाइव कितना हो गया क्लियर 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 डोंट मेक लेक्चर मोर देन टू आवर्स तो बेटा फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक है छोटा कर दूंगा अब आगे से है ना कब कम में कंप्लीट करूंगा एक एक शॉट में कंप्लीट करूंगा अगले लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा छः सात घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अब लोग आ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नया टॉपिक आ रहा है फिर स्टार्ट करते हैं इसको एक बारह मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे आते हैं चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पार के बारे में ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं चलो चलो सबसे पहले पार क्या होगी जब बैटरी डिस्चार्ज कर रही हो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा हो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी क्या कर रही है डिस्चार्ज यानी बैटरी करंट दे रही है है ना तब सर्किट को क्या होगा बेटा पावर मिलेगी सर्किट को कितनी मिलेगी वी इंटू आई ये सर, किसको कर, आ, मिलेगी पावर सर्किट को और बैटरी से देखा जाए तो पावर क्या हो रहा है बैटरी का पावर क्या हो रहा है बैटरी का पावर लॉस हो रहा है कितना V इंटू आई है डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैटरी का पावर लूज हो रहा है कितना वी इंटू आई अच्छा दूसरा बैटरी इज चार्जिंग चार्जिंग कब होता है जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा हो ये बैटरी इज चार्जिंग चार्जिंग मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा हो जब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आएगा तो बैटरी चार्ज होगी यानी बैटरी को एनर्जी गेन होगा तब आप बोल सकते हो कि पावर गेन बैटरी का या सेल का कितना है V इन आई तो दोनों केस में पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है V इंटू आई आ रहा है यहां पे बैटरी का पावर दे रही है करंट दे रही है सामने बल्ब को जला रही होगी तो पावर का लॉस हो रहा है यहाँ पे बैटरी पावर ले रही है है ना वहाँ कोई जनरेटर होगा कोई एक्यूमलेटर बड़ी सेल होगी जहाँ से करंट इसको मिलेगा तो पावर गेन हो गया V इन टू का ठीक आगे बढ़ते हैं रेजिस्टर रेजिस्टर में बेटा एनर्जी हमेशा डिसिपेट होगी रेजिस्टर कभी किसी को करंट देता तो है नहीं हमेशा एनर्जी को लूज कराता है बाई रेजिस्टेंस क्या है बल्ब है पंखा है टीवी है ये तो हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करेगा यूज करेगा है ना तो बेटा यहाँ पे पार क्या होती है सेम यहाँ पे भी पार लॉस बोल सकते हो पार यूज बोल सकते हो डिस इन टू आई तो फॉर्मूला यही है वी आई चाहे सेल की बात हो चाहे रजिस्टर की सेल में एक बात है कि जब सेल डिस्चार्ज होती है तो पावर सर्किट को देती है और जब सेल चार्ज होती है तो कहीं से पावर लेती है और रेजिस्टेंस हमेशा पावर को लूज करता है कितना V इन टू के हिसाब से अब बेटा ओम्स लॉ यहां पे वैलिड होगा V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं तो V की जगह आई आर लगाओगे तो कितना हो जाएगा आई स्क्वेर इन टू हो जाएगा वी आई लिखा हम लोग ने V की जगह आई आर आई स्क्वेर इन टू हो गया दूसरा बेटा आप इस I की जगह V बाई आर रख सकते हो तब कितना बन जाएगा वी स्क्वेर बाई आर बन जाएगा तो तीनों फॉर्मूले वैलिड है या तो V I ले लो या V की जगह I R रख दो तो I square R हो गया या I की जगह V by R रख दो सो तो V square by R मेरे ख्याल से सबको ये याद ही होगा बहुत पहले से है ना ये तो आप सबको याद होगा so तो पावर का formula क्या है V into I है V की जगह I R रखा I square R हो गया या I की जगह V by R रखा V square by R चलो सवाल देखते हैं 2007 क्या है सवाल

और तीन पैरेलल में कितना आ गया दो दो और चार सीरीज में कितना हो गया छ करंट कितना होगा बेटा करंट की जरूरत ही नहीं है खैर सिंपल छ और तीन पैरेलल में दो दो और चार सीरीज में छ तो ध्यान से देखो ये कितना है अठारह वोल्ट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना मिल रहा मुझको छ ओम का तो बेटा पावर कितनी हो जाएगी बीस स्क्वायर बटे आर लगा दें या तो चाहो तो करंट निकालो पहले फिर करो यहां करंट निकालने की जरूरत ही नहीं वी स्क्र बाई आर यानी अठारह इन टू अठरा बटे छ्रीजी थ्री फोर यूनिट क्या हो जाएगी बेटा पार की वॉट तो पचवन वॉट डिसिपेटेड इन वॉट इज ठीक है अब चाहो तो आप करंट निकाल लो पहले आपकी मर्जी आप चाहो तो यहां से करंट निकाल लो करंट कितना हो जाएगा अठारह बटे कितना हो गया तीन एम्पियर पार आप लगा दो आई स्क्टर आर आपकी मर्जी है आई कितना है थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन, और आर कितना है छे, निकाले। क्लियर सभी को चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो हजार बारह क्या है इस बार सवाल डिसिपेटेड इन दी सर्किट शोर इन दिगर इज थर्टी वर्ड पहले से बता दिया कि डिसिपेटेड कितनी है

कितना हो जाएगा टू आर प्लस टू फाइव टेन ये इधर आया कितना हुआ थ्री आर ये माइनस हुआ थ्री आर माइनस टू आर आर इज इक्वल टू टेन ओम सभी कहा गया सीवल टू टेन ओम क्लियर आर इज इक्वल टू टेन ओम क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं दो हजार ग्यारह क्या है

v मेरे को पता नहीं r कितना है नौ यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल थर्टी सिक्स को अपन लिख सकते हैं फोर इन टू नाइन सो फोर इन टू नाइन बेटा रूट कहेंगे कितना हो जाएगा टू अंडर रूट नाइन इंटू नाइन से एक नाइन बाहर कितना हुआ अठरा वोल्ट तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा अठारह वोल्ट तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा अठारह वोल्ट होगा है ना

अब बेटा ये करंट चाहिए मुझको अगर इसका और इसका करंट मिल जाए उसको जोड़ दें तो यही तो करंट तभी तो आएगा राइट है राइट डायरेक्शन थोड़ा सा गलत बन गया मतलब यहां से करंट यूं निकलेगा i और ये होता हुआ i यूं आया तो बेटा इन दोनों में करंट मिल जाए यहां करंट कितना हो जाएगा 18/9 कितना हो गया 2 एम्पीयर यहां करंट 18/6 कितना हो गया 3 एंपियर दो और तीन मिलके यहां पांच एम्पियर तो यहां करंट कितना आ रहा पांच एम्पियर बेटा दो ओम की बात करें करंट कितना है पांच एम्पियर तो बेटा यहां से क्या पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस सो V इज इक्वल्स टू आई आर सो पांच इंटू दस पांच इंटू दो दस वोल्ट बोलो आया सी क्लियर सिंपल सर्किट सॉल्विंग थी यार यहां पे पावर दे रखी थी पावर से V निकाला जो V यहां वो V यहां यहां करंट अठारह बटे नौ बटे तीन, तीन और मिलके इसमें करंट आया V V सभी यहां पावर दे रखी थी पार पी वी आर लगा के निकाला भी करंट होगा अठारह बटे 3 तीन दो और तीन मिलके 5 यहां पोटेंशियल 5 दुनी दस क्लियर चलो नेक्स्ट 1992 टू क्या सवाल है A battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R for which the power delivered in it is maximum is given by. क्या बोला है बेटा? Power is maximum. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि maximum power का क्या तरीका होता है? Maximum power का क्या तरीका होता है? Net R external is equals to net R internal. यही तरीका था

वैल्यू क्या होगी तो बेटा एक्सटर्नल भी 0.5 इंटरनल भी 0.5 तो ओवरऑल हम देखें तो क्या होगा ये 10 वोल्ट की बैटरी और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई इंटरनल भी 0.5 एक्सटर्नल भी 0.5 कितना हो गया 1 ओम सो so, v स्क्वायर अपॉन आर r इक्विवेलेंट यानी 10 10 अपॉन 1 कितना हो गया 10 वाट पूछा नहीं है यहां अगर आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द मैक्सिमम पार सवाल मैक्सिमम पार के अराउंड होता है तो निकाल लेते हैं हम लोग है ना इंटरनल भी 0.5 एक्सटर्नल भी 0.5 टोटल वन ओम हो गया बैटरी कितनी है 10 वोल्ट की 100 है ना 10 लिख दिया मैंने माफ करना 100 वाट क्लियर है वोल्ट नहीं बेटा 100 वाट आगे बढ़े चलो आगे बढ़े प्रोसीड करें चलो सभी को आ गया नेक्स्ट एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा पार क्या होता है, पार होता है अगर कोई पूछ ले, तो क्या होगा पार इन टू टाइम बेटा एनर्जी किससे मिलती है वर्क डन से मिलती है तो चाहे हम वर्क बोले चाहे हम एनर्जी बोले कितना होगा पार इन टाइम बोलो क्लियर हुआ पार क्या होता है वर्ग डन पर यूनिट टाइम वर्ग क्या होगा पार इन टाइम और जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी बनता है या जो एनर्जी होती है उसी से वर्क करते हैं सो एनर्जी इज टाइम तो बेटा सिंपल सी बात है जो आपके पार के एक्सप्रेशन थे उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो आपसे जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करे आपसे जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करे तो आप क्या करो पार को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो है ना रजिस्टर की बात की बेटा पार कितनी थी v इन आई उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो वी आई टी वेल लोअर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या वो i थी है ना दूसरा पार का एक्सप्रेशन था i स्क्वेयर आर सो i स्क्वेयर आर इन टी तीसरा एक्सप्रेशन था v स्क्वेयर सो so v स्क्वेयर बटे तो ये हो गया किसका एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा पार इंटू टाइम बस ये याद रखना पावर क्या थी अपनी power अपनी थी हम लोग ने पढ़ी थी power थी Vi या आर तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो टाइम से वी आई टी आई स्क्र आर टी वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी क्लियर है क्लियर है इलेक्ट्रिकल पार की एक यूनिट होती है सभी को याद होनी चाहिए है ना एक यूनिट होती है इसकी जिसको आप यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो एसआई यूनिट नहीं बेटा कॉमन यूनिट बोल सकते हो बेटा वो क्या होती है वो होती है किलोवाट वाट आर क्या होती है किलोवाट वाट आर ध्यान से दो यहां पे ध्यान दो बेटा किलोवाट वाट आर मतलब पावर इनटू टाइम ध्यान से देखो किलोवाट यानी पावर और आर यानी टाइम तो बेटा किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है ना इसको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे घर पे हमारा मीटर में जब एक यूनिट बढ़ती है तो बेसिकली क्या बढ़ता है 1 किलोवाट आर बढ़ता है है ना जैसे घर की रीडिंग आई आप बोलते हो मम्मी कितनी रीडिंग आई मम्मी ने कहा 500 यूनिट यूज हुई है मतलब 500 किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में यूज हुई है हमारा बिल करंट पे नहीं बनता हमारा बिल पोटेंशियल पे नहीं बनता हमारा बिल बनता है एनर्जी पे कि ओवरऑल आप सरकार से कितनी एनर्जी घर में इस्तेमाल कर रहे हो आपने कहा भैया मीटर में इस बार पांच यूनिट की रीडिंग है कई लोग फंसा उसको बचा भी लेते हैं ना पापा लोग तार लगा देंगे इसमें ये लगा देंगे अब कम आएगी रीडिंग और फिर अपने आपके एकदम चैंपियन जेम्स बॉन्ड समझते हैं समझते हैं नहीं सुधा देखो मीटर रोक दिया हमने क्या सरकार लेके आई है इलेक्ट्रिक मीटर नया मीटर सब रोक देंगे हम सुधा का पति सब रोक सकता है हाए मेरा पति है ना बड़े खुश चोरी कर रहे हैं फिर उसके जेल में पड़े हुए हैं है ना बिजली की चोरी के जुर्म में तो ऐसा अगर हो रहा है आपके आस पास, पास या कहीं भी तो लोगों को बोले भाई ऐसा ना करें हंसी खुशी जिंदगी खराब होगी आपकी सो so, किलो वाट इंटू आर ये क्या है कमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हो यस कॉमन यूनिट बोल दो कमर्शियल यूनिट बोल दो इसी के ऊपर पैसा लगता है भाई और इसकी जो रेट है वो हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है कि एक किलो वाट आर का हम कितना पैसा लेंगे कोई कम लेता है कोई ज्यादा लेता है ठीक है तो बेटा इसको अगर हम लोग देखें किलो वाट किलो मतलब बेटा टेन की पावर थ्री और बेटा वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड किलो मतलब टेन की पावर थ्री वाट जूल पर सेकेंड आर में क्या होता है बेटा एक आर में सिक्सटी मिनट एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड तो बेटा कितना हो जाएगा दिस विल बी सिक्सटी इन टू सिक्सटी थ्री सिक्स डबल जीरो सेकंड से सेकेंड कैंसिल हो गया बोलो समझ में आ रहा है मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूं किलोवाट आर सो किलोवाट मतलब 10 की पावर 3 वाट वाट इज जूल पर सेकंड आर इज 60 60 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल 3600 into 10 की पावर 3 जूल्स, तो so, बेटा मैं एक काम करूंगा यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा 3.6 10 की पावर 3 खाली हो गया 10 की पावर 6 जूल सो so, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 10 की पावर 6 जूल क्लियर ये बच्चा कह रहा है जोरी श्रीनाथ धागे कह रहा है चोरी तो होकर रहेगी सो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है उसको रोको आवाज उठाओ गलत चीजों के खिलाफ थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल क्लियर थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री और यहाँ पे पॉइंट लगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल क्लियर थ्री सिक्स सिक्स थर्टी डबल जीरो टेन की पावर थ्री यहाँ पे पॉइंट लगाया टेन की पावर सिक्स जूल्स क्लियर इसको हम लोग बोलते हैं वन यूनिट ठीक है इससे आप बिल भी कैलकुलेट कर सकते हो मान लो आपको बोलता है कि एक यूनिट का हम डेढ़ रुपए लेते हैं वैसे तो बहुत ही गलत हो गया एक यूनिट का हम सात रुपए लेते हैं सारे टैक्सेस मिला के. तो आप बताओ इस घर में कितना बिल आएगा एक महीने का तो आप पावर देखना कितनी कंज्यूम हो रही है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है तो इस तरह से आप बिल भी निकाल सकते हो है ना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो घर की मल्टीप्लाइड बाई जितने टाइम के लिए मल्टीप्लाइड बाई सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो घर की और उसको किस में एक्सप्रेस कर लो किलोवाट वाट आर में देख लो कितने किलोवाट वाट आर हो रहा है काम खत्म आपने घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल ली उसको डिवाइड कर लो इससे तो आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिट्स यूज हुई है, है ना उसके बाद आप बिल कैलकुलेट कर सकते हो

क्लियर एक बच्चा कह रहा है घर पे 940 आया था अब जैसे 940 यूनिट है है ना कैसे आई होगी घर की सारी एनर्जी निकाली उसको डिवाइड किया इससे तो पता चल गया 940 यूनिट है एक यूनिट का सात रुपए इन टू सात बिल तैयार हो गया क्लियर चलो फाइंड एनर्जी डेसिपेटेड इन दी रजिस्टर इन टू से बोल रहा है तो बेटा एनर्जी का फॉर्मुला क्या है हमारे पास एनर्जी का में पास फॉर्मला है या हमारे पास I square R into T है, या हमारे हमारे पास पास है 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 अब देखो कौन सा अप्लाई हो पाएगा यहां? पता है, पता रेजिस्टेंस तो लगा लगा सकते है. I square R into T लगा देते हैं हैं देते बेटा ये वाला ज्यादा सही है सो so, आई कितना है थ्री? थ्री का रेजिस्टेंस है टू और टाइम है टू से क्या होगी जूल्स बेटा थर्टी सिक्स जूल्स अब एनर्जी निकाल लें पावर नहीं टाइम से मल्टीप्लाई हो गया ना तो अब एनर्जी आ रही है दूसरा करंट क्या, क्या है टू टी है तो बेटा ये कैसा करंट है वेरिएबल करंट करंट है है कैसा है? टू टी करंट समय के साथ चेंज होता रहेगा अब क्या किया जाए बेटा अब अपन छोटी सी एनर्जी निकालेंगे डीई Is to I R into DT, छोटे से टाइम में कर तो रहा, रहा है छोटे से टाइम के लिए तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना तो अपन ने क्या किया छोटी सी एनर्जी डीई इज इक्वल टू आई स्क्र आर टू डी टी कर दिया दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर टोटल एनर्जी आ गई डी का इंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी तो बेटा ये कब लगाना है जब आपको वेरिएबल करेंट दिखे जब वेरिएबल करंट दिखे तो ये फॉर्मूला इंटीग्रल आई स्क्वायर आर इंटू डी टी यहां साइड में लिख दूं क्या

जीरो से लेके टू बेटा टी इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यूब राइट right? से लेके थ्री, थ्री कहा कहा? तो गया एट और जीरो का क्यूब जीरो तो बत्तीस जूल आ रहा मेरा आपका क्या आ रहा क्लियर क्लियर t क्यूब तो 2 का क्यूब 8 फॉर द 32 32 जूल क्लियर सभी का चलो तो जब वेरिएबल करंट हो तो कैसे डील करेंगे ऐसे डील करेंगे ठीक है इंटीग्रल i स्क्वायर r dt से चलो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमसे क्या कहता है ज्यादा कुछ नया चीज नहीं है सेम है जूलस लॉ ऑफ हीटिंग हमसे कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस्ड इन हीटिंग एलिमेंट कह सकते हो हीट प्रोड्यूस्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स तो बेटा कितनी होती है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्च इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं उसकी वैल्यू वन आती है फाइनली हीट की वैल्यू आती है आई स्क् जूल्स हीटिंग है एच इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्च इज प्रशनल टू आर एंड एच इज प्रशनल टू टी कहाट में जा रही तो आप हीट निकालना पचास परसेंट एनर्जी पंखे को घुमाने में जा रही पचास परसेंट एनर्जी हीट में जा रही तो यह चीज आपको स्पेसिफाई करेगा बट जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसका काम क्या है बेटा हंड्रेड परसेंट एनर्जी हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट में चेंज करते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो सौ परसेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करते हैं जैसे आपका हीटर ही हो गया घर का हीटर के क्वाइल का क्या का काम है हीट प्रोड्यूस करना और कोई काम ही नहीं है क्लियर

चार एमपियर का करंट ले रहा है 220 वोल्ट के सोर्स से अब एक्चुअली 220 वोल्ट जो होता है वो आरएमएस वैल्यू होती है एसी की ठीक है इतना समझने की जरूरत नहीं आप इतना समझो 220 वोल्ट से काम बन जाएगा आप इसको समझ सकते हो ये डीसी वोल्टेज है ना वो डीसी ही होता है ना 220 वोल्ट तो एक्चुअल में क्या होता है एसी वोल्टेज जो घर में आता है बट ये उसकी आरएमएस वैल्यू है तो इसको आप यूज कर सकते हो अपने पार के फॉर्मूले में बिना डरे

और इसको कहां से कहां बॉइल करना है फ्रॉम बीस डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी हीट गेन्ड बाई कोल्ड बॉडी कोल्ड बॉडी कौन है वॉटर है तो यहां पे सिंपल हीट लॉस्ट बाई कैटल इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाई वॉटर है कि नहीं हीट लॉस करेगी और ये गेन करेगा बेटा यहां जाएगा हाउ तो मच टाइम लगा तो टी टाइम में यहां से कितनी हीट मिली वी आई टी लगा सकते हैं क्या क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी हीटिंग एलिमेंट केटल में से रोशनी निकलनी नहीं आवाज निकलनी नहीं टीवी देखना नहीं घूमना नहीं तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में सो हीट लॉस बाय केटल वी आई टी हीट गेन बाय वाटर बेटा एम सी डेल्टा टी याद है कैलोरीमेट्री जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एमसी डेल्टा टी लगाते हैं वी कितना है 220 करेंट कितना है 4 टाइम मुझे पता नहीं है मास कितना 1 केजी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर चार हजार दो सौ मैंने कहा था याद रखना जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस यूनिट तो चार हजार दो सौ इन डेल्टा टी डेल्टा टी बीस से सौ कितना हो गया अस्सी चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं खत्म इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया फोर वन झा फोर फोर टू जा एट हो गया और बताओ टू वन झा टू टू इलेवनजाटी टू टी टू बयालीस सौ बटे ग्यारह इलेवन और कुछ है क्या इलेवन जैन इलेवन अच्छा ये देखो आंसर मिनट्स में है आंसर इज गिवन इन मिनट्स आंसर इज गिवन इन मिनट्स 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 सो बयालीस सौ बटे ग्यारह सेकेंड्स होगा ना राइट अपन ऐसा यूनिट में आंसर मिनट में है तो इसको साठ से डिवाइड कर दो मिनट्स में आ जाएगा बयालीस सौ बटे ग्यारह सेकेंड्स थे तो इसको मैंने साठ से डिवाइड कर दिया मिनट्स में जीरो से जीरो कैंसिल सिक्स सेवन जा फोर्टी टू सत्तर बटे ग्यारह इलेवन सिक्सटी सिक्स फोर्टी इलेवन थ्री थर्टी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिनट क्लियर है मैंने क्यों डिवाइड कर दिया बेटा साठ से क्योंकि मैं किस में लाना चाहता हूं मेरा आंसर सेकंड में आ रहा था मैंने साठ से डिवाइड कर दिया क्लियर सभी को क्लियर आगे बढ़ा जाए सिक्स पॉइंट थ्री मिनट लेट्स प्रोसीड दो हजार तीन इलेक्ट्रिक केटल हैजू हीटिंग कनेक्टेड टू एन ए सी सोर्स द वॉटर इन दटल्स इन टेन मिनट्स वेन दर कॉल इज यूज दॉटर इन फोर्टी मिनट इफ बोथ दर कनेक्टेड इन पैरल द टाइम टेकन बाई द सेम क्वानिटी टू बॉयल विल बी क्या बोल रहा है बहुत आसान है

ऐसे कर दिया बेटा है ना पैरेलल में लगा दिया मान लेते हैं पैरेलल में लगा दिया बोल देते हैं R इक्विवेलेंट है ना व्हेन दी इफ बोथ दी कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो पैरेलल मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट हो गया ठीक है पैरेलल मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट बोल दिया इफ बोथ दी कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल

उसका टेम्परेचर भी वही है मतलब उतनी ही हीट चाहिए पहली बार उतनी हीट देने में कितना टाइम लगा T1। दूसरी बार उतना हीट देने में कितना टाइम लगा T2। अब तीसरी बार जब दोनों को पैरेलल में लगा दिया तब उतनी ही हीट देने में कितना टाइम लगा TE। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं लेट बी रिक्वायर्ड टू बॉयल वॉटर पानी उबालने के लिए क्यू हीट तो चाहिए ही चाहिए इतनी हीट तो चाहिए ही चाहिए चाहे आप एक क्वाइल यूज करो चाहे आप दूसरा क्वॉल यूज करो चाहे आप दोनों को साथ में यूज करो क्यू हीट तो चाहिए ही चाहिए बेटा पहली बार क्यू हीट कैसे मिलेगी यहां से देखो पहली बार अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो मैं लिखूंगा हीट रिक्वायर्ड बाई वॉटर इज इक्वल टू हीट गिवेन बाई केटल बेटा यहां से हीट गि कितनी होगी बताओ जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है सबकी सब हीट में चली जाएगी है ना बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है किसमें चली जाएगी हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर मैंने कहा बॉयल वाटर के लिए लेट क्यू हीट भी रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर तो बेटा ये क्यू हीट कहां से मिलेगी इससे बटे आर वन इन टी वन सही है बोलो सही है क्यू हीट चाहिए पानी बॉयल करने के लिए कहां से मिली इस सर्किट से मिली इस सर्किट से कितनी हीट निकलेगी टाइम में v square upon R into T. दूसरा केस देखो बेटा देन क्यू इज इक्वल टू फिर हीट यहां से मिली v square upon R2 into T2. तीसरी बार भी सेम अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए होगी बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ना टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉय सेम क्वांटिटी है फिर से हीट चाहिए क्यू इज इक्वल टू यहां से कितनी हीट निकली वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्विवेलेंट इन टू टी इक्विवेलेंट। बोलो सही है क्लियर अब बेटा आर इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इक्विवेलेंट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या हम लिख सकते हैं वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू इफ बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल अब बेटा देखो यहां से आर इक्वेलन की वैल्यू क्या होगी वी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू टी ई यही होगी आर इक्वेलन की वैल्यू क्या होगी आर इक्वेलन को धरना है अपॉन क्यू इंटू टी ई यही आएगा आर वन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई क्यू इंटू टी वन सही है सही लिख रहा हूं यहां से देखो वन हाँ। वैल्यू क्या होगी Q upon v square into T, यहां से वन बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू Q अपॉन वी स्क्वे इंटू टी ई बोलो सही है नेक्स्ट पेज में आ जाओ वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू क्या ये समझ में आया कि हर बार कितनी हीट चाहिए बेटा अपने को क्यू क्यू और क्यू यानी क्यू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर वन इंटू टी वन के बराबर क्यू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू टी टू के बराबर क्यू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वेलेंट इंटू टीवलेंट बराबर R equivalent equivalent फिर बेटा R equivalent क्या होगा बेटा यहां से वन बाई आर इक्वेलेंट की वैल्यू क्या होगी Q upon V square into T E Q upon ध्यान से देखो वन by R इक्वेलेंट इसको इधर रखो V square को इधर भेजा T equivalent को इधर भेजा Q upon V square upon T E is equals to वन by R इक्वेलेंट बोलो आएगा हाँ बता रहा हूं अभी लास्ट में मिनटॉस भी पहले तरीका तो सीख लो यार तरीका ही सीखना बंद कर दिया बच्चों ने आजकल बर्बाद हो जाओगे नहीं मैं बता रहा हूं बर्बाद हो जाओगे कॉन्सेप्ट एकदम तो, सिंपल सिंपल सवाल आएंगे तुम ढूंढते रह जाओगे जीवन भर बर, बर्बाद हो जाओगे एकदम तो, पेपर बहुत आसान आ रहा है ज्यादा दिमाग लगाने से पेपर खराब हो जाएगा जो बच्चे पांच सौ साढ़े पांच सौ छह सौ पहुंच सकते हैं वो चार सौ पे सिमट जाएंगे ठीक है तो क्यू वन बाई आर क्या होगा क्यू बाई वी स्क्वायर अपॉन टी ई इस तरह से बेटा वन बाई आर वन की वैल्यू बताओ 1 by R1 की वैल्यू क्या होगी? Q upon V square into T1 देखो यहां से V square को इधर भेजो T1 को इधर भेजो 1 by R1 Q upon V square into T1 सिमिलरली बेटा 1 by R2 Q upon V square into T2 यहां से देखो 1 by R2 Q upon V square into T2 बेटा Q by V square Q by V square Q by V square, by v square cancel 1 by T equivalent is equals to 1 by T1 plus 1 टू बेटा यही है आपका मेंटोस ये बात आप याद कर लो ये बात आप याद कर लो यही आपका मेंटोस हो गया मेंटोस यही है मेंटोस और क्या बाई टीवेलेंट बेटा क्या है किसमें कनेक्टेड थे ना? किस में connected थे? में ना तो net equivalent क्या हो जाएगा वाला कहानी लगा दो जैसे में equivalent resistance, वैसे equivalent time खत्म. अगर एक को लग रहा वन दूसरे कॉइल को टाइम लग रहा टी टू तीसरा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बेटा इसको टाइम लगेगा टी इक्वेलेंट वेयर

अपॉन दस प्लस चालीस पचास हो गया ये जीरो कैंसिल मिनट यस एग्जाम में आएगा तो अपन ये फॉर्मुला बिल्कुल यूज करेंगे सीधा हो गया कलर अगर आपको दो कॉइल देता है बोलता है इससे लगा है पांच मिनट इससे लगा है दस मिनट दोनों को पैलेल लगा के कितना टाइम लगेगा टी इक्वेलेंट कितना पैल कॉम्बिनेशन बाई टी वन प्लस और टीक्वेट का फॉर्मला क्या हो जाएगा जैसे आर का होता है टी 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 प्लस टी है है अपॉन प्लस क्लियर तो तो आगे से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो याद रखेंगे अपन कि अगर एक टाइम लगा दूसरा है टाइम टाइम लगा लगा तो तो फिर उन दोनों को लगा के, टी लगा। तो अपन दो बिल्कुल सही अगर यही चीज सीरीज में होती तो T1 वन प्लस टी ये तो पैरल का हो गया अगर यही चीज सीरीज में होता तब T इक्वलेंट क्या हो जाता क्लियर इसमें T1 लग रहा था इसमें T2 लग रहा था तब क्या हो जाएगा T1 वन प्लस टी टू. क्लियर भाई सीरीज में आर इक्वेलेंट आर वन प्लस टू सीधा सीधा लगा दोगे आप क्लियर है तो अगर ऐसा सवाल आता है कि भाई एक क्वाल में इतना टाइम दूसरे में इतना टाइम दोनों को पैरल में कितना टाइम सिंपल जो आर इक्वेलेंट का फॉर्मुला वही टी इक्वेलेंट का फॉर्मूला क्लियर क्लियर सभी को चलो तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को पक्के से क्लियर 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 ओके ओके

प्रोटेक्टिंग डिवाइस है आगे देखो बेटा बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट किस पे बेस्ड है बेटा हीटिंग हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑफ पे है, joules law पे है. Heating effect of current, joules law पे बेस्ड 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 है 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 लॉ लॉ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मटीरियल ऑफ देखो फ्यूज का काम क्या होता है कि घर पे सडनली हाई करंट आए तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए है ना फ्यूज कहां लगा होता है किसी अप्लायंस के पहले जैसे मान लो ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है है ना आजकल तो बेटा अंदर बने रहते हैं फ्यूजे मान लो ये स्मार्ट बोर्ड है इसका वायर यहाँ नीचे से जा रहा है कहीं प्लग की तरफ रास्ते में मैंने एक फ्यूज लगा दिया अब मान लो उस प्लग से सडनली दस, दस एम्पियर का करंट आ गया या मान लो छर का करंट आया बहुत ज्यादा होता है छह एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट है छर का करंट आया मेरा स्मार्ट बोर्ड करंट नहीं झेल सकता अगर इसमें आया करंट आएगा हीट प्रोड्यूस होगी कितनी भाई यहां करंट आया I square R into T. इसमें हीट प्रोड्यूस हुई जल गया खड़े खड़े मास्टर मैं तो रहूंगा साइड में बैठ के भैया लाखों का सामान चला गया मेरा मैंने क्या किया बीच में एक फ्यूज लगा दिया तुम कौन हो तुम सिपाही हो वो मिर्जापुर में सुना है कि नहीं डायलॉग कि जब मुश्किल आती है नहीं जब जंग आती है तो कुर्बानी हमेशा सिपाही की दी जाती है राजा और राजा का बेटा तो गद्दी पे बैठने के लिए होता है तो फ्यूज वायर सिपाही है बेटा। बेटा उसको हमने रास्ते में लगा दिया कि बेटा जब हैवी करंट आएगा किसी ना किसी को तो मरना है गुरु। हम अपने स्मार्ट ये रहा फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर में क्या हुआ जैसे करंट इसके अंदर घुसा हीटिंग स्टार्ट हो गई H इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर इन टू ये गरम हुआ भाई साहब हीटिंग स्टार्ट हुई फ्यूज वायर लगा था उसने कहा इसको हमें बचाना है भाई कुर्बानी तो हमेशा सिपाही देता है राजा और राजा का बेटा गद्दी पे बैठेगा ये गद्दी बैठे हैं तो वहां से करंट आया ढेर सारा फ्यूज वायर में एच इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर टी हीट प्रोड्यूस्ड हो गई फ्यूज के वायर में हीट प्रोड्यूस्ड हो गई अब हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा फ्यूज का वायर मेल्ट कर गया गर्मी से मेल्ट मेल्ट किया तो टूट गया गया बलिदानी दे दिया आपने टूट गया पर टूटते ही उसने उस हेवी करंट को यहां आने से रोक लिया बीच सर्किट तो फिर आप क्या करते हो बंद करते हो फिर जाते हो फ्यूज वायर निकालते हो तार छील के उसमें इसे लगाते हो मत लगाना तार तार नहीं लगाते फ्यूज वायर में कॉपर का तार लगा दिया घर में सुनिए ये फ्यूज बहुत रोज उड़ जाता है कूलर चलाने में हाँ सुधा मैं बताता हूं इलेक्ट्रिकल मैं, इंजीनियरिंग मैंने की नहीं है पर मैं पे अभी देखो तुमको हीरो बनकर दिखाऊंगा वैसे भी बीवियों के लिए तो पति हमेशा हीरो ही होते हैं है ना फिर वो आएंगे कॉपर का तार निकालेंगे सबसे मोटा वो जरा कूलर वाला तार देना सुधा वो बड़ा मोटा है उड़ेगा नहीं वो ये लीजिए ये तार कभी नहीं उड़ेगा रोज रोज फ्यूज उड़ जाता है मजाक बना रखा है लीजिए इसको लगाइए आगे फ्यूज वायर लेके लंबा सा कॉपर का मोटा सा तार एकदम मोटा या यह मोटा तार कॉपर का कुछ क्या क्या मोटा सा तार खिच 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 पहली बात आपने तार लगाया कॉपर का विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बधाई हो अब आपका करंट सीधा यहां पहुंचेगा क्योंकि आपने गुड कंडक्टर लगा दिया दूसरी बात आपने और दिमाग लगा के मोटा तार लगा दिया मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा अब हीट भी जनाब प्रोड्यूस नहीं हो रही करंट गया राजा और राजा और का बेटा उड़ गया है ना <coughs> देखो घर में सब करते हैं सबके पापा लोग अरे रोज रोज फ्यूज उड़ जाता है आज इसको सबक सिखाता हूं हाय आप सबको सबक सिखाएंगे वाव ये लीजिए ये मोटा सा तार कितनी बार कहा है तुमसे फ्यूज वायर के लिए मोटा तार लगता है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं की पर मैं लगाऊंगा कूलर का तार लेके आ गए कूलर वाला या मोटा तार कॉपर का का इज द बेस्ट 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 कंडक्टर मतलब 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 कहने इकोनॉमिकल मतलब एंड एवरीथिंग के हिसाब से लगा दिया मस्त चिल घर में सो रहे अब नहीं उड़ेगा फ्यूज फ्यूज उड़ा नहीं तुम्हारा टीवी और कूलर उड़ा है अब फ्यूज क्यों उड़ेगा अब फ्यूज थोड़ी ना उड़ेगा अब तो पूरा घर उड़ेगा फ्यूज वायर आपने बैठा दिया कंडक्टर सिपाही डरपोक हट जाएगा जाओ दुश्मन घर में फ्यूज वायर शुड ऑलवेज बी मेड ऑफ एलॉय ऑफ लेड एंड टिन नॉट ऑर्डिनरी कॉपर वायर ये घर में इस्तेमाल होने वाला तार फ्यूज वायर में नहीं लगाते हैं क्या लगा के रख दिया तुमने क्या मजाक किया है दुश्मन सामने से आया फ्यूज वायर का, का काम था लड़ना जलना ये क्या है कॉपर वायर जाइए जनाब अंदर हमला करिए सुधा तुमने ही गलत तार दिया होगा ये तुम्हारी ही गलती है आसमान से बारिश होती है तो भी तुम्हारी गलती होती है बच्चा रात को घर देर से आता है तो भी तुम्हारी गलती होती है सुबह सूरज देर में निकलता है तो भी तुम्हारी गलती होती है तो ये तो होता ही है ना एवरी इंडियन फादर एवर है ना उनके लिए दुनिया में जितनी भी गलती हुई है वो उनकी बीवी की वजह से हुई है है ना चलिए आगे बढ़े बात समझ में आई तो ये पूरी कहानी समझाने का मकसद आपको ये था कि एक तो एग्जाम तो के लिए और दूसरा आपके जीवन का भी एक टिप था कि पापा लोग को समझाएं

फ्यूज वायर का जो रेडियस होता है और इसमें आने वाला जो करंट होता है आई स्क्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं मेरे को तो यही याद आ रहा है आई स्क्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इसके ऊपर सवाल आए नहीं है नेट में आई स्क्वेयर इज डायरेक्टली टू आर क्यूब चले आगे बढ़े अब तुम्हें अभी भी स्नेक की कहानी सुननी है चले आगे बढ़े मेरे यहां एमसीबी है बधाई हो भैया मेरे घर के पास में एम MCD है मैकडोनल्ड्स ठीक है बच्चा बता रहा है एमसीबी मतलब सर्किट ब्रेकर्स ठीक है तो फ्यूज को रिप्लेस कर लिया ने अपने आप डाउन हो जाती है फिर आप उसको ऑन कर देते हो तो उनका वर्किंग मैकेनिज्म अलग है मॉडर्न डिवाइस हैं बेस्ड ऑन सेमी कंडक्टिंग चलो दो हजार उन्नीस क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एज दर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस स्विच फ्यूज कंडक्टर इंडक्टर बेटा प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सी है अपनी फ्यूज है बेटा दूसरी प्रोटेक्शन डिवाइस होती है अर्थिंग चलो अभी इसमें से तो अर्थिंग नहीं रही थी इसमें तो फ्यूज दिख रहा था ठीक है नेक्स्ट 2003 फ्यूज वायर इज वायर ऑफ फ्यूज वायर इज वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस यस ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी हाई मेल्टिंग पॉइंट नो फिर तो मेल्ट ही नहीं करेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो हाई रेजिस्टेंस यस ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा लो मेल्टिंग पॉइंट यस जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा बी हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ताकि जल्दी मेल्ट हो नेक्स्ट पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस चलो अब ये समझते हैं पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस अब हम गए बगल में हैं कहां गए चंदू की दुकान पे हुँ? तुमको भेजा जाता है और क्या कर सकते हो तुम्हें चंदू की दुकान से बल्ब भी तो लाते और और क्या किया ही था तुमने चंदू भैया चंदू भैया चंदू भैया साठ वाट का बल्ब दिया चंदू भैया ने साठ वाट का बल्ब साठ वाट का बल्ब लिया तुमने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी साठ वाट मतलब साठ जूल पर सेकेंड घर पे लाए बंद करो 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 चल गया अरे तो बहुत धीमे जल रहा है लिखा तो साठ जूल पर सेकेंड था दे तो नहीं रहा साठ जूल। इतना कम क्यों दे रहा है झूठ बोला चंदू झूठा सूर्या का बल सूर्या झूठा कौन झूठा कोई झूठा नहीं तुम अन सब सबसे अच्छे थे दिक्कत क्या थी साठ वाट एट टू ट्वेंटी वोल्ट ये लिखा था आधी तुरी के तूरी इंफॉर्मेशन लेके आप बंदर बने हो चंदू भैया ने बोला ये लो वाट का बल्ब तुम आए साठ वाट लगाए जलाओ मम्मी ही, अरे तो बहुत धीमा जल रहा है तब एक आंसर आता है मम्मी की तरफ से ऐसा नहीं मम्मी लोग कम पढ़े लिखे सब जानते क्या बोलेंगी? है।, बोल्टेज, बोल्टेज नहीं। बोल्टेज है सही बोल रही है वो तुमसे ज्यादा उनको आती है, है भैया 220 का वोल्ट होता तब ये 60 वाट देता अब वोल्टेज कम है तो ये 60 वाट नहीं उससे कम देगा बात समझे बात समझे बात समझे पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इस बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वाट यानी ये 100 जूल पर सेकंड की लाइट एनर्जी ऐसे तो हीट देता है 90 जूल तो हीट में बर्बाद करता है बल्ब की प्रॉब्लम खैर कैर 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी देगा पर कब देगा जब 220 वोल्ट से कनेक्ट होगा है ना इसका मतलब क्या है जहां लिखा है 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट इसका मतलब एट 220 ट्वेंटी वोल्ट इट कंज्यूम्स 100 जूल्स पर सेकेंड नॉट एट ऑल वोल्टेज वोल्टेज कम करोगे तो पावर भी कम हो जाएगी तभी तो नहीं देख धीमा जलता है वोल्टेज डाउन हो गया पावर रेटिंग बेटा क्या होता है पावर विथ वोल्टेज अब पावर रेटिंग से दो इंफॉर्मेशन निकलती हैं टू इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगी पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा पहला होता है रेजिस्टेंस आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता लगा सकते हो पावर रेटिंग के हेल्प से बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा कैसे पता लगाएंगे पार का फार्मूला लगा दो पार का फार्मूला क्या होता है पार का फार्मूला होता है v2/r

नहीं करता है रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर वगैरह पे।, पे तो इसका है बेटा। अब इसको चाहे तुम तो 220 वोल्ट से कनेक्ट करो चाहे 110 से कनेक्ट करो चाहे 100 से कनेक्ट करो चाहे 50 से इसका रेजिस्टेंस हमेशा यही रहेगा हो गया। दूसरा बेटा इसके अंदर का मैक्सिमम करंट फिक्स हो जाता है मैक्सिमम वैसे प्रैक्टिकल में इससे भी थोड़ा ऊपर करेंट ये झेल लेता है पर बहुत ज्यादा नहीं मैक्सिम करेंट पारीवल टू वी इन टू आई बेटा करेंट है P सो वी कितना है 100 V कितना है तो ये जो भी है ये आपका I मैक्स निकल आया तो दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं पावर रेटिंग से आपको पहला रेजिस्टेंस जो कि जब वोल्टेज डाउन होता है ना तो रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता बल्ब का वोल्टेज डाउन होगा तो पावर डाउन होगी वोल्टेज अप होगा तो पावर अप होगी ठीक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्लियर और करंट क्या है बेटा ये मैक्सिमम करंट है इससे छोटा करंट हो सकता है ठीक चलो सवाल करते हैं 1997 क्या है A 100 वाट 220 वो 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई द पावर कंजम्पशन वुड बी क्या है बेटा जो बल्ब है वो 100 वाट 200 वोल्ट का है और इसको कहां लगा दिया आपने आप यूज कर रहे हो इसको 160 वोल्ट पे तो पूछ रहा है पावर कितना होगा पूछ रहा है पावर कितना होगा पूछ रहा है पावर कितना होगा बेटा जब पावर ये तो वोल्टेज ये जब वोल्टेज ये तो पावर क्या दोनों जगह क्या चीज सेम रेजिस्टेंस सेम दोनों जगह क्या चीज सेम रेजिस्टेंस सेम बेटा इन दोनों केस में क्या सेम रहेगा आर सेम रहेगा है ना क्योंकि बल्ब तो सेम है तो बल्ब के कॉइल का रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा ना ये ये एरिया फिक्स है। इसकी फिक्स है। चेंज नहीं हुआ तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मुला क्या लगा सकते हो ये वाला तो लगाने का मतलब नहीं पार पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर तो बेटा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी

यहाँ का बेटा वी एक सौ साठ इंटू एक सौ साठ और पावर कितना है वही तो निकालना है जनाब तो यहां से एक जीरो एक जीरो एक जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो कैंसिल टू वन जो टू टू, टू, टू जै फोर 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 जिक्सटीन तो पावर कितनी आ गई चौसठ वाट सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर वाट सभी का आ गया क्या सी क्लियर तो क्या चीज सेम रही रजिस्टेंस चलो नेक्स्ट 2000 क्या सवाल है टू बल्ब्स ऑफ 40 वॉट 200 वोल्ट एक है 40 वॉट 200 वोल्ट का और दूसरा 100 वॉट 200 वोल्ट का क्या पूछ रहा है देन करेक्ट रिलेशनशिप फॉर देयर रेजिस्टेंस इनके रेजिस्टेंस की बात की है बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बटे है ना कि नहीं P क्या होता है बटे r तो r क्या हो जाएगा v2/p देखो दो, बेटा दोनों का v क्या है सेम है हमको रेजिस्टेंस कंपेयर करने है ना दोनों का v क्या है सेम है यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार तो बेटा इसकी पार ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा इसकी पार कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सो so, r ऑफ 40 इज ग्रेटर देन r ऑफ 100 वाला ऑप्शन ढूंढना होगा है ना जिसकी पार कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बी, दोनों का बराबर होगा, पगला गए होगा दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, अब ये सोच रहा है इसी रेजिस्टेंस का यहाँ पे वोल्टेज अरे भैया दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है ध्यान से पढ़ो ना टू बल्ब हाय राम ये क्या करे डाला टू बल्ब दो अलग अलग बल्ब हैं बेटा कई लोग सोच रहे हैं रेजिस्टेंस तो सेम रहता है

वेरी स्मॉल है क्या ये एक से पांच परसेंट वाली रेंज में है हाँ ये पांच परसेंट वाली रेंज में है ऐसा देखते ही मेरे दिमाग में चमका तुरंत एरर एनालिसिस वाला मेथड पे कायम होगा शॉर्टकट लगाएंगे यार क्या सॉल्व करें कि यहां से अपन पहले इसको डिक्रीज करें फिर इसको डिक्रीज ये सब करने का समय थोड़ी ना है कि पहले मैं इसको डिक्रीज करके देखूं कितना हुआ फिर इसकी एक तरीका तो भाई कन्वेंशनल जिसको करना हो करे एक तो कन्वेंशनल मेथड होगा आम आदमी वाला आम जिंदगी वाला भाई आम जिंदगी में इंसान क्या करेगा आम जिंदगी में इंसान V2 फाइंड करेगा जो कि इससे ढाई परसेंट कम होगा

बेटा आर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा आर लिखने का कोई मतलब नहीं है जब इसका आप वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज कम होगा बल्ब घर में लगा हुआ है बल्ब आपके घर में लगा है वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो पावर ड्रॉप होगी उसके क्वाइल का रेजिस्टेंस थोड़ी ना वो तो फिक्स है बल्ब बन गया तो क्वाइल का रेजिस्टेंस भाई क्वाइल लगा हुआ है रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता साहब

डेल्टा आर क्यों नहीं लिखा आर कॉन्स्टेंट खत्म बेटा डेल्टा पी बाई पी निकालना है टू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी बेटा कितना, कितना क्लियर पांच परसेंट सभी का आ गया सर अर्जुना बैच में आप नहीं पढ़ाओगे बेटा मेरे से अच्छे अच्छे टीचर जब बैचेस के अंदर पढ़ा रहे तो मैं क्या करूं नाचू वाई आर यू लुकिंग सो बीमार नंदनी मुखी लिखती हैं वाई आर यू लुकिंग सो बीमार क्या था बेटा ये हा? अब मैं बीमार हो गया इसको पढ़ने के बाद वाई आर यू लुकिंग सो अनवेल यू आर नॉट लुकिंग गुड टूडे यू आर नॉट लुकिंग वेल टूडे है ना यू डोट सिंग टू बी वेल टूडे आर यू सिक सर वाई आर यू लुकिंग अल बिट सिक है ना लिटिल बिट सिक वाई आर यू लुकिंग सो बीमारीज एंड पैल कॉम्बिनेशन बेटा एक चीज समझो मान लो आपके पास एक बल्ब है क्या है बल्ब। बल्ब कुछ नहीं होता बेटा जो सोचता है कि दुनिया में बल्ब होता है गलत सोचता है बल्ब होते है बेटा बल्ब। तो ये बल्ब है आपके पास ठीक है ये बल्ब है आपके पास ये बल्ब है, है इसकी पार मान लो पी है एट 220 वोल्ट किसी गिवन वोल्टेज पे 220 वोल्ट ठीक है इस बल्ब को वैसे तो बल्ब मेरा बहुत ही सॉफ्टी कॉर्नर जैसा दिख रहा है softy दिख रहा है इस बल्ब को जिसकी पावर रेटिंग क्या दो सौ बीस अब मैं ना ये उम्मीद सीरीज पढ़ाने के बाद जाऊंगा छुट्टियों में फिर मैं अपना डायग्राम इंप्रूव करूंगा है ना और अपनी जिंदगी भी इंप्रूव करूंगा छुट्टी ले लूंगा मैं पावर पी और वोल्टेज 220 एक बढ़िया छुट्टी लूंगा दूर पहाड़ों पे जाऊंगा सोऊंगा ठीक है कोई क्लास नहीं लूंगा ठीक है तो सो जाऊंगा <laughs> नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना पर मैं जाके यार बल्ब बनाना तो सीखूंगा अब मान लो बेटा ये जो बल्ब है इसका नाम मैंने b दे दिया अब इस बल्ब को आपने सीरीज में लगाया है मान लो एक बल्ब ये है p1 पावर का तीन बल्ब बनाने पड़ेंगे मुझे माफ करना आपके पास मान लो एक बल्ब है b1 इसकी पावर p1 है एट 220 वोल्ट मेरे पास एक और बल्ब है मेरे पास एक और बल्ब है इसको मैंने बोला B2, इसकी पावर है P2 एट 220 वोल्ट मेरे पास एक और बल्ब है B3, इसकी पावर है P3 एट 220 वोल्ट ठीक है अच्छा मान लो इन तीनों बल्ब को मैं सीरीज में लगा दूं और इन तीनों को मैं कनेक्ट कर दूं 220 वोल्ट से किससे कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से इन तीनों को मैंने सीरीज में लगाया इनको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से तो बेटा जो यहां पे इक्विवेलेंट पावर होगी पार इक्विवेलेंट दैट विल बी वन अपॉन इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू वन बाय पी वन ठीक है रेजिस्टेंस के उल्टा एकदम वन अपॉन इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू पर यहां पर एक कैच मतलब एक पॉइंट है कैच क्या है कि बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट थी और इसको सीरीज में कनेक्ट भी किससे किया 220 वोल्ट से तब आप यह फॉर्मूला लगा सकते हो नहीं अगर बल्ब रेटेड भी 220 के लिए है और उसको सीरीज या पैरेलल में अपन 220 पे ही कनेक्ट करते हैं ऑल एक एक को इस बार दो मिलने वाला नहीं है फिर भी, अगर 220 से कनेक्ट करते हैं तब यह फॉर्मूला वैलिड है दूसरा देखें बेटा मान लो में लगा दिया क्लियर अगर 220 वोल्ट पे रेटेड है बल्ब इनको 220 वोल्ट में सीरीज में डाल दिया तो पार इक्विवेलेंट क्या होगी सीरीज के अंदर पैरेलल वाली है ना सीरीज के अंदर जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल लेते हैं वैसा और पैरेलल के अंदर बेटा जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में लेते हैं वैसा क्लियर है क्लियर पैरेलल में ऐड हो जाएगा और सीरीज में ऐसा ठीक है कैपेसिटर जैसा है ये हाँ हाँ कह सकते हो कैपेसिटर जैसा चलो 220 से कम हुआ तो देन यू हैव टू वर्क आउट देन यू हैव टू वर्क आउट हाउ यू विल वर्क आउट आप इसका यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे यहां पे वो रेजिस्टेंस लगाओगे आप इसका यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे यहां पे रेजिस्टेंस लगाओगे आप इसका यहां से रेजिस्टेंस निकालोगे यहां पे रेजिस्टेंस ये तीन रेजिस्टेंस हो गए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना फिर पावर पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट ठीक है दूसरा एक मेथड तो ये हो गया दूसरा मेथड क्या है बेटा पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट ये ऑलवेज वैलिड ठीक है बेटा पी वन दो सौ बीस वोल्ट इसका रेजिस्टेंस आर इसका रेजिस्टेंस आर इसका रेजिस्टेंस आर तो इसका रेजिस्टेंस यहां पर आर वन

इज क्वल अपॉन पहले वाले जो फॉर्मूले वो कंडीशनल है जब 220 से कनेक्टेड हो क्लियर है अगर ये 200 220 जरूर नहीं कुछ भी हो सकता है जैसे मान लो ये 100 100 100 होता और तीनों 100 से कनेक्टेड होते तब भी ठीक है क्लियर है बात योर बल्ब लुक्स लाइक हैंड फैन अरे ठीक है यार बंद तो गया योर फेस लुक लाइक वॉट यू नो दैट मैं कभी बोला कुछ कभी कभी नहीं कुछ बोला क्या है एक बच्चा कह रहा है दूसरा मेथड अच्छा है देखो ना पहले से भी सवाल कैसे ही लेगा 2004 when three identical bulbs of 60 watt 220 सॉरी when three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply the power drawn by them will be बेटा बताओ तीनों क्या हैं 60 वाट के हैं और 200 वोल्ट के हैं और कनेक्टेड किसमें हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं किससे 200 सौ वोल्ट से कनेक्टेड है तो बेटा पार इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा <coughs> 220 का ना हो और 220 से हो तो भी तब बेटा अगर सेम है और सेम से कनेक्टेड है तब आप पार इक्वेलेंट का फॉर्मुला खेलो अगर जिस वोल्टेज पे रेटेड है उसी वोल्टेज पे कनेक्टेड है सीरीज़ में तब ठीक है चलो बेटा क्या हो जाएगा तीनों हो गए सीरीज में हो गए वन बाई पार इक्वेल इज इक्वल टू वन बाई पी वन प्लस वैसे अगर इक्वल पार है तीनों की है ना साठ 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 जब इक्वल पार है और फॉर्मुला पैर वाला है तो आप जानते ही हो क्या हो जाएगा पी बाई थ्री है ना रिलेट कर पा रहे हैं बच्चे की नहीं पैल वाले फॉर्मुले में है ना वैसे तो सीरीज का इस फॉर्मुले में क्या होता है अगर इक्वल होता है तो डिवाइड कर देते हैं ना एन से क्लियर एक बटे साठ एक बटे साठ एक बटे साठ कितना हो गया तीन बटे साठ कितना हो गया एक बटे बीस तो पार कितनी हो जाएगी बीस क्लियर है चले आगे बढ़े नेक्स्ट दो हजार तीन क्या है टू टू ट्वेंटी वोल्ड हंड्रेड वॉर्ड बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू देखो जरा

और कनेक्टेड भी किससे है 220 सौ बीस जिस पे जिसपे रेटेड है अगर उसी पे कनेक्टेड है, बेटा, सीरीज में दोनों बराबर दिख रहे हैं मुझको तो दोनों सौ वाट सौ वाट के हैं तो पार इक्वेलेंट क्या हो जाएगा सौ बाई दो में यही तो करते थे तो डिवाइड बाई एन और बेटा तो पैरल में है पार इक्वेलेंट क्या होगा P1 वन प्लस पी तो 100 प्लस सौ कितना हो गया 200 तो 50 कॉमा दो ऑप्शन डी बोलो क्लियर दूसरे मेथड से क्वेश्चन करके दिखाइए अब देखो अगर इसको मैं कन्वेंशनल मेथड से करूं तो बेटा जो बल्ब है उसकी बात करते हैं दोनों बल्ब सेम है ना आइडेंटिकल है 220 वोल्ट कॉमा सौ वाट दोनों बल्ब यही है टू हाँ दोनों सेम है इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा बी स्क्वायर बटे पी बी कितना है 220 अपॉन पी कितना है 100 कितना हो गया बेटा रेजिस्टेंस ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी ओम है ना कन्वेंशनल मेथड 220 वोल्ट कॉमा 100 वाट का बल्ब है ये भी सीख लो 220 वोल्ट कॉमा 100 वाट का बल्ब है ये कब लगाना ये मेथड जब रेटेड और कनेक्टेड अलग हो तब इसी से करना भाई तब यहां से काम नहीं बनेगा समझ रहे हो जब रेटेड और जहां कनेक्टेड हो वो अलग हो जाए तब इससे चलेंगे खैर अभी भी करके देख लेते हैं ये हमेशा वैलिड है मतलब और ये कंडीशनल है ऑलवेज वैलिड सो रेजिस्टेंस कितना हो गया बटे 220 220 अच्छा पहली बार सीरीज बल्ब, बल्ब, तो है? है ना तो बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टू आर हो जाएगा ठीक है बेटा पार कितनी हो जाएगी इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट वी कितना है 220 सो बीस इंटू और आर इक्वेलेंट कितना है 2r हो जाएगा यानी 2 इंटू फोर एट्टी ठीक है तो बेटा 22 टू इंटू ट्वेंटी क्या आ रहा था 484 ऊपर सौ नीचे दो कितना आया 50 अब चाहो तो पैरेलल में देख लो ये सीरीज हो गया पैरेलल में पैरेलल बेटा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर बाई दो हो जाएगा है ना पार कितनी हो जाएगी वी स्क्वेर अपॉन आर इक्विवेलेंट चार सौ चौरासी बटे दो ट्वेंटी ट्वेंटी टू से फोर एटी फोर कट गया टू ऊपर गया क्लियर हुई बात क्लियर हुई बात क्लियर हुई बात तो ये कन्वेंशनल मेथड है क्या किया इसका रेजिस्टेंस निकाला दोनों बल्ब सेम है टू टू ट्वेंटी वोल हंड्रेड वॉट बल्ब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा पहले सीरीज में लगाया आर इक्वेलेंट टू आर हो गया पावर इज वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वेलेंट ये आई पैरेलल में लगाया अपन आर इक्वेलेंट क्लियर ये कब लगाना बेटा जब यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज डिफरेंट हो अदरवाइज सीरीज में पैल का में सीरीज वाला फॉर्मिला खेल खत्म क्लियर है चलो बेटा ब्रेकअप नहीं होता ब्रेक होता है कह रहा ब्रेकअप दे दो हजार सोलह अच्छा सवाल है और देखते हैं फिलामेंट बल्ब 500 सो वाट कामा सो वोल्ट इज टू बी यूज इन टू थर्टी वोल्ट मेन सप्लाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज इट पर इट परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स सो वाट द वैल्यू ऑफ आर इज क्या है दूरामेंट बल्ब पांच सो वाट कामा वोल्ट ठीक है क्या है अपने पास एक बल्ब है जो पांच सो वाट कामा सो वोल्ट पे फंक्शन करिएगा ऐसा कोई बल्ब है इज टू बी यूज इन अ टू थर्टी वोल्ट अब देखो चेंज हो गया 100 वोल्ट के लिए डिजाइन था कहां लगा रहे इज टू बी यूज्ड इन अ थू टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई व्हेन अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट मतलब क्या कह रहा है अब इस बल्ब को कहां लगाएंगे बेटा अब इस बल्ब को कहां लगाएंगे आप इस टू बी यूज न टू थर्टी वोल्ट मेन सप्लाई तो बेटा इस बल्ब को लगाएंगे दो सो तीस वोल्ट की मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड इन सीरीज़, इट परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स पांच सो वॉट द वैल्यू ऑफ आर एस तो बेटा इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया और कनेक्ट किससे किया बेटा दो सो तीस वोल्ट से कनेक्ट किया किससे कनेक्ट किया 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया मैंने इस टू बी यूज इन टू थर्टी वोल्ट मेन सप्लाई सप्लाई वेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एक रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट भी कर लिया इट परफेक्टली. इट वर्क्स परफेक्टली एंड बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा बेटा 500 वाट बेटा बल्ब 500 वाट कब कंज्यूम करता है पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है बोल 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 बेटा बोल 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 भाई बोल बोल बेटी बोल बोल बेटा बोल सभी बोलो पावर रेटिंग का मतलब क्या पावर रेटिंग का मतलब की जब इसको 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब इसकी पावर 500 वाट होगी यहां पे अगर इसको 500 वाट की ये पावर दे रहा है तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कमान 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 बच्चों कमान 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 भाई दिमाग लगाओ 500 वाट इसकी पावर कब देखो देखो, देखो वैल्यू एकदम सेम छापी है इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट तो बेटा ये 500 वाट कब कंज्यूम करता है जब ये किससे कनेक्टेड हो 100 वोल्ट से एट 100 वोल्ट इट कंज्यूम्स 500 हंड्रेड वॉट यानी यह पांच वाट दे रहा है तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा समझे ये 500 वाट कब देता है जब इसको पोटेंशियल 100 वोल्ट का मिले ये 500 वाट दे रहा है यानी इसको पोटेंशियल 100 वोल्ट मिल रहा है यहां पोटेंशियल कितना है 230 वोल्ट अगर इसको 100 मिला तो इसको भी 100 मिलेगा अगर इसको 100 मिला तो इसको भी 100 मिलेगा ये सो नो ये सो नो अगर इसको 100 वोल्ट मिला तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा ये सो नो दोनों में क्या चीज सेम होगी बेटा करंट सेम होगा हम्म hmm. 100 वोल्ट ठीक है यहां तक सही है गलत हो गया ये माफ करना मैं बह गया माफ करना मैं थोड़ा इधर-उधर बह गया हाँ, अच्छा ये 500 वाट कब देता है 100 वोल्ट पे तो ये कितना हुआ 100 वोल्ट ये 230 तो ये कितना 130 अब तक तो मेरे को कमेंट में इन्होंने जान ले ली होगी मेरी 130 अब सही है 230 है इसको 100 मिला तो इसको 130 मिलेगा सही है 500 पांच सौ वाट मतलब सौ वोल्ट तो दो सौ तीस में से सौ इसको मिला एक सौ तीस इसको मिला आप सही है अब सही है अच्छा बेटा इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा बल्ब का रेजिस्टेंस बी बोल दू मैं कितना होगा बटे पी सही है वी पी, से निकाल सकते हो करंट निकाल लोज इक्वल्स टू आई भी सही है बेटा यहां से करंट निकाल सकते हो आप करंट कितना होगा पार पी इज इक्वल्स टू वी आई यहां से बल्ब की अगर मैं बात करूं पार पी इज इक्वल टू वी आई पार कितनी है 500 वोल्टेज कितना है 100 करंट हो गया आई आई कितना हो गया पांच एम्पियर बेटा जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा ठीक है v चाहो तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो फिर करंट निकाल क्या जरूरत है यही सोचेगा ना पार पता है वोल्टेज पता है P इज इक्वल टू मैंने क्या लगाया वी आई पार पांच सो वोल्टेज हंड्रेड इन टू आई आई कितना है? पांच एम्पियर पांच एम्पियर इसमें भी चला गया इसमें रेजिस्टेंस निकालना है V इज इक्वल टू आई आर खत्म बोलो क्लियर डी क्लियर समरी वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट कहां पे हुआ है बेटा पता नहीं बस ब्रेक दे रहा हूं अरे समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया क्या सिंपल मैंने बोला एक फिलामेंट बल्ब है 500 वाट और 100 वोल्ट का इस टू बी यूज इन टू थर्टी वोल्ट मेन सप्लाई लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज लगा दिया इट वर्क परफेक्टली अच्छा एंड द बल्ब कंज्यूम 500 सौ वाट मान लिया 500 सो वाट ये 500 सो वाट कब कंज्यूम करता है 100 वोल्ट पे इसकी रेटिंग ही यही है वोल्ट कंज्यूम कर रहा है मतलब सौ वोल्ट मिल रहा है तो मैंने यहां सौ लिख दिया ये दो सौ तीस है अगर इसको सौ मिला तो इसको कितना मिलेगा एक सौ तीस मिलेगा क्लियर तो बोलने तो दो ये देखो क्या है एक बल्ब है बल्ब की रेटिंग क्या है इस बल्ब की रेटिंग क्या है माफ करना दो हजार सोलह फेस टू दे रहे हैं ब्रेक बस दस मिनट रुको ब्रेक मिलने वाला है क्या है दस मिनट क्या है बेटा 500 सौ वाट कॉमा सौ वोल्ट ये बल्ब है मेरे पास अब ये बल्ब लगा दिया आपने सीरीज में है ना रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज तो आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और क्या किया इट वर्क पर फिलेंट इज टू बी यूज टू थर्टी वोल्ट मेन सप्लाई किसमें कनेक्ट कर दिया 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से When a resistance is connected in series, it works perfectly. And the bulb consumes 500 watt. Bulb beta 500 watt consume कर रहा है. Bulb 500 watt कब consume करेगा? जब 100 volt से connected हो. यानी इसको 100 volt मिला होगा. At 100 volt, it gives 500 watt. तो अगर इसपे 500 watt की ये power generate कर रहा है, या consume कर रहा है, इसका मतलब 100 volt का potential difference होगा. यही तो ये कहता है power rating. कि 500 watt कब? 100 volt पे. अब बेटा 230 वोल्ट है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट 230 वोल्ट है 100 वोल्ट इसको मिल गया तो इसको कितना मिला 130 वोल्ट इन दोनों में क्या चीज सेम होगी बेटा करंट सेम होगा राइट right? जो करंट इसमें होगा वो इसमें इसमें करंट निकाल लो बेटा बल्ब में करंट निकाल लो P VI पावर कितना है 500 वोल्टेज कितना है 100 करंट करंट लिखा कैंसिल अब अब ये रेजिस्टेंस में भी आ गया. अब v IR. यहां R आ गया से की वैल्यू गई थर्टी फाइव सिक्स थर्टी छब्बीस बोलो अब क्लियर अब तो कुछ बचता नहीं इसमें बताने को क्लियर क्लियर नेक्स्ट 2019 2019 में क्या है सिक्स सिमिलर बल्ब कैसे बल्ब है भैया सिमिलर बल्ब है सिक्स सिमिलर बल्ब आइडेंटिकल बल्ब है बेटा एक दो तीन चार पांच छह आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद डीसी सोर्स ऑफ ई एम एफ ई एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस छह आइडेंटिकल बल्ब हैं बेटा इसको इस बैटरी से कनेक्ट किया गया है बल्ब इन फर्स्ट इन दिन टू फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग क्या चाहिए बेटा हमको रेशियो ऑफ पार क्या चाहिए हमें रेशियो ऑफ पार चाहिए पहला जब ऑल आर ग्लोइंग तो बेटा पहले की बात करते हैं जब ऑल आर ग्लोइंग बेटा जब ऑल आर ग्लोइंग तो क्या कहानी है जरा ध्यान से देखो इसका रेजिस्टेंस आर आर इसका आर, इसका आर, तीनों किस में है पैरल में ये आर 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 किसमें पैरल में दिख रहा है कि नहीं बेटा देखो इन तीनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया ना तो ये 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 सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे पैरल ये भी पैरल दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा यही तो कहानी है ये तीनों देखो पैरेलल ये तीनों देखो पैरेलल तो बेटा r r r r है तो ये कितना हो जाएगा r तीन ये कितना r तीन r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2r 3 बोलो आ रहा है समझ में when all are glowing तो बेटा कहानी क्या है ये तीनों किस में है? हैं ये तीनों किस में हैं पैरेलल में r r r ये भी किस में में एक-एक रेजिस्टेंस यदि r ले लूं R, R, R. तो R equivalent कितना हो गया टू आर बाई थ्री हो गया कनेक्टेड E से है कनेक्टेड है ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? ई e से कनेक्टेड है ये पहला दूसरा केस क्या है बेटा वेन टू फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी इज गोइंग टू फ्रॉम ए एंड वन फ्रॉम बी क्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बीज गोइंग दो ही लेना, यहां से एक ही लेना है सेक्शन ए तो से दो लिया और बी से एक लिया तो बेटा आर और आर किसमें हो गए पैरल में आर बाई टू और उनके साथ आर सीरीज में आर so, इक्ट कितना हो जाएगा आर बाई टू प्लस आर बोलो सही है पहली बार क्या है ये तीनों पैरेलल में आर 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 बाई तीन दोनों सीरीज़ में जोड़ दिया आर बाई टू प्लस आर ये आर बाई टू ये आर कितना हो गया बेटा टू आर प्लस थ्री आर बाई टू ये दूसरी बार आर इक्विवेलेंट हो गया बेटा ये भी किससे कनेक्टेड है ई e से अब क्या बोला है द रेशियो ऑफ पार कंजम्पशन रेशियो ऑफ पार कंजम्पशन बेटा पार कंजम्पशन क्या होता है v स्क्वायर अपॉन r इक्विवेलेंट अगर हम इक्विवेलेंट पार बोलें किसी भी सर्किट की है ना इस सर्किट की इक्विवेलेंट पार इस सर्किट की इक्विवेलेंट पार क्या होगा v स्क्वायर अपॉन r इक्विवेलेंट बेटा दोनों केस में देखो v तो सेम है e के बराबर है ना सो ये तो आपका सेम है कितना है e है, है यहां पे भी e यहां पे भी चेंज किसमें हो रहा है आर इक्विवेलेंट में चेंज हो रहा है सो पार इक्विवेलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इक्विवेलेंट सो पार इन फर्स्ट अपॉन पार इन सेकंड इज इक्वल्स टू आर सेकंड का इक्विवेलेंट अपॉन आर फर्स्ट का इक्विवेलेंट बेटा सेकंड का इक्विवेलेंट कितना है 3/2r और फर्स्ट का इक्विवेलेंट कितना है 2/3r r r कैंसिल 3 ऊपर चला गया 9 बटे चार बोलो आया नौ बटे चार नौ बटे चार नौ बटे चार कुछ लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड है बोल दूंगा तो सर मेरा नाम ले लेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा फेमस 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 क्योंकि मेरे पास बहुत दिमाग है मैं बोल दूंगा लेक्चर रिकॉर्डेड है

टू इंस टू वन बेटा ये वन का डबल हो गया ये हो ही नहीं सकता बेटा फोर बटे नाइन अच्छा लगता है क्या देखने में मुझे तो आज तक नहीं अच्छा छोड़ो उसको वन का आधा टू इंस टू वन बेटा वन का डबल कर दिया ज्यादा हो गया नहीं अच्छा नहीं लग रहा फोर बटे नाइन बेटा ये तो कितना गंदा सा नंबर है फोर बटे नाइन

ग्रो ब्राइटेस्ट विच बल्ब विस्ट विच बल्बेस्ट विच बल्बेस्ट मेरा सबसे ज्यादा चमकता वो है जिसके पास सबसे ज्यादा पार हो जिसके बाद सबसे ज्यादा पार हो वो सबसे ज्यादा चमकीगा ए बी या सी ए बी या सी बताओ अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन तीनों बल्ब को देखो बेटा तीनों यहां पे कनेक्ट हो गए यू ठीक है इसको मैंने बोला ए बी सी तीनों में क्या चीज सेम होगी बेटा करंट सीरीज में कनेक्टेड है तीनों में करंट सेम है इन में पार कितनी होगी बेटा किसी एक की अगर हम बात करें तो पार, पार कितनी कंज्यूमड होगी पार कंज्यूम्ड बेटा तीनों में करंट क्या है सेम है सेम तो पार बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें पार कंज्यूम्ड सबसे ज्यादा होगी है ना अभी कई लोग अच्छा खा गए होंगे सब लोगों ने सोचा होगा ये वाला आंसर है 100 वाट वाला क्योंकि उसकी पार सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा चमकेगा पर एक मिनट इसकी पार 100 वाट है 220 वोल्ट पे अभी ये 220 वोल्ट से नहीं पता भाई तीसरा वाला सबसे तेज चमकता अगर पहले को 220 वोल्ट से लगाओ दूसरे को 220 वोल्ट से लगाओ तीसरे को 200 सौ जब दोनों तीनों को 220 220 220 से लगाया तब ये वाला सबसे तेज चमजेगा 100 वाट हम्म बात बनती है पर अभी तो पता नहीं कितना कितना पोटेंशियल है सबको अलग अलग मिल रहा होगा करंट तीनों को, को सेम मिल रहा होगा क्योंकि सीरीज है पार इज इक्वल टू तो आई स्क्वेर आर करेंट तीनों में सेम हो गया यानी पार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं बेटा किसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा एक है 25 वाट कॉमा 220 वोल्ट 25 कॉमा ले, ले लेते हैं दूसरा है 50 वाट कॉमा V और तीसरा है 100 वाट कॉमा वी बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है v पी। बेटा वी तो सबका क्या है सेम है यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है तो सबसे कम जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस है ना वी तो तीनों का सेम है तो सबसे कम जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ए का क्या होगा बेटा हाईएस्ट होगा और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा सब में करंट सेम है यहां पार का फॉर्मूला क्या यूज किया आई स्क्वेयर आर वी स्क्वेयर बटे आर क्यों नहीं यूज किया क्योंकि भैया सबको वी अलग अलग मिल रहा था सबको क्या सेम मिल रहा था करंट सेम मिल रहा था तो मैंने आई स्क्र इन टू आर यूज किया सब में करंट सेम है रेजिस्टेंस सबसे बड़ा किसका निकाल लिया हमने वी स्क्वायर बाई पी डाल दिया बेटा वी सबका सेम है पी सबसे छोटा इसका तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका जिसका पी सबसे छोटा उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा so, highest, तो आर एज हाइएस्ट बेटा आर इज हाइएस्ट तो पावर इन ए क्या हो जाएगी हाइएस्ट तो ए ग्लो करेगा बेटा सबसे तेजी से यहां फॉर्मुला आई स्क्वायर आर यूज किया मैंने वी स्क्वायर बाई आर नहीं क्यों क्योंकि सब पे वी अलग अलग होगा पर सब पे करंट सेम है तो आई स्क्वायर आर अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा और रेजिस्टेंस एक बार मैंने आके यहां चेक कर लिया क्लियर चलो एक लिख रहा है सर वाई योर पेरेंट्स माई पेरेंट्स कंपेयर आर मार्क विद अदर बेटा मेरे पेरेंट्स तुम्हारे मार्क्स क्यों कंपेयर करेंगे वो, मेरे को तो बेचारे संभाल नहीं पाया तुमको क्या संभालेंगे अभी वो वाई योर पेरेंट माई पेरेंट पापा बेचारे बताओ बात भी नहीं हुई मम्मी से दो दिन से कह रहे हैं वाई योर पेरेंट नेक्स्ट इसके बाद ब्रेक द पार रेटिंग ऑफ थ्री बल्ब ए बी एंड सी सेम है बेटा सेम बल्ब है ए बी सी सेम बल्ब है बेटा 25 वाट एट 220 सो बीस पचास वाट एट दो वी लिख लेता हूं मैं 220 सो बीस वी लिख रहा हूं और तीसरा है बेटा 100 वाट किस पे है ये भी 220 सो बीस इफ दीज थ्री बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरल अब बेटा पैरल में लगा दिया है अब बेटा जो पैरेलल में लगा दिया है तो तीनों में क्या सेम होगा तीनों में क्या सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इस बार में पार का कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा यहां पे पार कंज्यूम्ड का V स्क्वायर बाई आर बेटा V क्या है तीनों में सेम होगा

तो बेटा जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा उसकी पावर सबसे बड़ी होगी तो बेटा जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी यानी कि सी की बात कर रहे हैं सी का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा और जिसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा उसकी पावर हाइएस्ट होगी क्लियर क्लियर क्या हो गई हाइएस्ट ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पार पार रेटिंग का सवाल अब हम लोग आ गए मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज पे तो यहां पे लेंगे एक ब्रेक हेलो एवरीवन हाय सो एक बच्चा यहाँ पे अच्छा सवाल पूछ रहा है कि ब्रेक में क्या करते हैं सर ब्रेक में हो सकता है तो पानी पीते हैं कुछ खाने को मिल जाता है खा लेते हैं और वरना अपना मोबाइल चेक करना पड़ता है मेल चेक करना पड़ता है सपोर्ट का मेल हुआ या कंपनी के जो मेल आईडी होते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कन्वे होती रहती है क्या चल रहा है इस टाइम पीडब्ल्यू में और व्हाट्सएप चेक करते हैं जो लिमिटेड लोगों के पास नंबर होता है अंदर कंपनी के तो बताते हैं क्या मेजर प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम चल रही है है ना क्या इश्यूज़ चल रहे हैं क्या चैलेंजेस चल रहे हैं हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कल सुबह तक इमीजिएट कहाँ कहाँ एक्शन लेना है कहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई किसी चीज़ के अंदर उसके कैसे सॉल्व करना है तो ये सब चलता है ब्रेक के अंदर ठीक है सो ब्रेक क्योंकि जब पाँच छः घंटे क्लास होती है ना तो पूरा कई सारे अप्रूवल रुक जाते हैं ना मेरी वैसे कि ये करना है कि नहीं सर ये चीज़ रोनी है कि रोक देनी है अलग ये चीज़ बढ़ानी की रोक देनी यहाँ पे ये इशू है तो तो वो सॉल्व करते हैं ब्रेक के अंदर फिर आ जाते हैं लेने कभी कभी इन्हीं ब्रेक्स के अंदर कभी बहुत अच्छी न्यूज़ मिल जाती है कि बहुत अच्छा कुछ चल रहा है बहुत अच्छा हो रहा है किसी बच्चे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले जो क्लास थी उसके एक ब्रेक में पता चला था कि एक बच्चे के फिज़िक्स में सौ नंबर आए हैं ठीक है और वो कह रहा है कि मेरा प्राइस कहाँ है लक्ष्य बैच के अंदर मैंने अनाउंस किया था ना कि पचास हज़ार रुपये मिलेंगे जो बच्चा हंड्रेड नंबर लाएगा तो एक बच्चे का उसका मेल आया था तो मेरे पास वो रिपोर्ट आया कि पचास हज़ार रुपये देने हैं कि नहीं आपको इन्हें है ना तो हमने बोला बिल्कुल देने हैं वेरीफ़ाई कर लो बच्चा बैच से है कि नहीं अपने यहाँ से पढ़ा भी है कि नहीं कि प्राइस तो नहीं क्लेम कर रहा है सिर्फ है ना और सौ नंबर आए हैं कि नहीं रिपोर्ट उसका रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर लो आज ब्रेक में एक खराब न्यूज़ आ गई कभी अच्छी न्यूज़ आती है कभी खराब आज ब्रेक में खराब न्यूज़ आ गई कि मॉड्यूल की डिलीवरी लेट हो गई है उसको लेके बच्चे बहुत परेशान हैं तो आई अश्योर यू ऑल कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर मॉड्यूल की कोई भी इशू है वी विल सॉल्व इट वी विल डिलीवर योर मॉड्यूल्स टू ईच एंड एवरी वन कुछ पिन कोड्स में मॉड्यूल नहीं पहुँचते हैं कई बार बच्चे अपना फ़ोन नंबर गलत डाल देते हैं कई बार ऐसे पिन कोड होते हैं एड्रेस नहीं मिलता आपको भी पता है अमेजान अमेज़न में भी होता है कि डिलीवरी नहीं पहुँचती वापस चली जाती फिर जाती है तो इस तरह के कुछ इशूज़ हैं बाकी कोविड ने भी बहुत ऐसी तैसी कर दी थी मॉड्यूल डिलीवरी की हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि टाइमली पहुँचा बट कोविड ने ऐसी तैसे करके रखी थी ना इतने लॉकडाउन लगे बीच बीच में कभी किसी स्टेट में लॉकडाउन है कभी किसी सिटी में लॉकडाउन है है ना कभी किसी पिन कोड पे लॉकडाउन है कभी डिलीवरी सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है वहाँ पे छुट्टियाँ हो रखी है वेयर हाउस के अंदर हमारे लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोविड का डर है किसी को कोविड हो गया एक बार तो पूरा वेयर हाउस बंद करना पड़ा था पंद्रह के पंद्रह लेबर्स को पूरा शट डाउन करना पड़ा जो काम कर रहे थे पैकिंग का तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ों में चैलेंजेस हो रहे थे तो ये सब चीज़ें होती हैं छुट्टियों में ब्रेक में चले आगे बढ़ते हैं मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज बेटा जैसा कि इसका नाम है मीटर मीटर ब्रिज एक मीटर का तार होता है हमारे पास ठीक है मीटर ब्रिज मतलब एक मीटर का तार एक मीटर का तार इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा एक मीटर का तार एक मीटर बोले तो बेटा सौ सेंटीमीटर का वायर होगा ठीक है और इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी, भी बोलते हैं इसमें स्लाइडिंग एक जॉकी लगी होती है स्लाइड करती है इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टोन ब्रिज वीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सबको याद है क्या प्रिंसिपल था बेटा अगर इसको मैं P, इसको Q, इसको R, इसको S बोलूं, तो सभी को याद है प्रिंसिपल क्या था कि इफ जो बाई जो जो बाई जो यानी P बाई इफ जो बाई जो यानी P बाई क्यू इज इक्वल्स टू जो बाई जो यानी R बाई एस हो जाए अगर जॉ बाई जॉ इक्वल टू तो जॉब बाई जॉ अगर बराबर हो जाए पी इक्वल टू आर बाई एस बेटा यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है और करंट जीरो हो जाता है, इन ब्रांच, कुछ नाम दे देते हैं ब्रांच का इन ब्रांच इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई है, इन ब्रांच एक्स वाई यही होता है ना बेटा कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो ये क्या था बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था इसी पे बेस्ड है अपना मीटर ब्रिज किस लिए यूज करते हैं बेटा इट इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस दो चीजों के लिए यूज होता है एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली यही इसका मेन काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को निकालना

ठीक है ये आपका सौ सेंटीमीटर का वायर है एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स ये हमारे कंट्रोल में है ये नोन है बेटा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये नोन है बॉक्स इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बेटा अननोन रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ये अननोन है बेटा ठीक है यहां पे हमारे पास एक जॉकी है जिसको हम वायर पे किसी जगह पे रखेंगे हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे कोई डिफ्लेक्शन हमें ना मिले ये हमने ये जॉकी ली इसको जॉकी बोलते हैं वायर इसको हम ऐसी जगह पे इस वायर में रखते हैं जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिले सो फॉर नो डिफ्लेक्शन इन जी जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो उस टाइम बेटा ये रेजिस्टेंस कितना है आर ये पॉइंट क्या है ए वो पॉइंट क्या है सी ना पॉइंट का नाम जरा ध्यान से इस पॉइंट को बोला है A, इस पॉइंट को बोला है सी तो बेटा यहां पे ए हो गया ए से ऊपर की तरफ आर है ठीक है ये पॉइंट आपका बी है ठीक है इसको भी बड़ा लिख देता हूं ये पॉइंट बी यहां पे क्या आया बी पॉइंट फिर बी से बेटा सी की तरफ क्या है एस अनोन रेजिस्टेंस देखो बी है ये ए ए से आर आर के बाद बी बी के बाद एस एस के बाद सी ये एस ये सी फिर क्या है बेटा ए और डी के बीच में देखो बीच में डी है ए और डी के बीच में ये वायर है अब बेटा इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा है ना तो ए से डी के बीच में वायर यहां पे डी और इस वायर का रेजिस्टेंस को मैंने बोला आर ए डी ठीक है चलेगा इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं यहां पे आपने कहीं रखा नो no डिफ्लेक्शन इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं तो यहां तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा ए से डी के बीच का इसको मैंने बोला आर ए डी और बेटा डी से सी के बीच का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा इसको मैंने बोला ठीक है अब बेटा क्या बोल रहा है बी और डी के बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर और बेटा गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है नो no डिफ्लेक्शन ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा बी से डी के बीच नीचे गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन इसका मतलब बेटा r अपॉन r ad अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम बोल सकते हैं जो बाई जो इज इक्वल्स टू तो जो बाई जो r अपॉन r ad इज इक्वल्स टू तो s अपॉन r cd r ad मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस r cd मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस अब बेटा जो ये वायर है ये जो वायर है बेटा है? इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यूनिफॉर्म हर जगह एक जैसा है ठीक है, हर एक जैसा है. ये जो मीटर वायर है ठीक है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है हर जगह एक जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए मान लो आप ठीक है इसकी लेंथ बेटा कुछ एल मान लो आप और रेजिस्टिविटी आप रो मान लो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा रो एल बाई ए बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या है वायर का सेम है रेजिस्टिविटी वायर की सेम रहेगी तो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है रो एल बाई होगा अगर मैं इसकी वन फोर्थ लेंथ काटूं तो रेजिस्टेंस वन फोर्थ हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ काटू तो रेजिस्टेंस आर बाई टेन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग है ना तो रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा रो एल बाय ए एरिया हर जगह सेम रेजिस्टिविटी सेम तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी आर अपॉन लेंथ ऑफ ए डी सेक्शन इज इक्वल्स टू एस अपॉन लेंथ ऑफ सी डी सेक्शन ऐसे बोल सकते हैं हम लोग आर अपॉन लेंथ ऑफ ए डी सेक्शन

इज नो इफेक्ट और कैसे लिख सकते हो आप यही लिखता हूं आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन हंड्रेड माइनस ये हंड्रेड माइनस एल याद रखो तो भी ठीक है अदरवाइज सिंपल बेटा जो बाई जे लेंथ जो बाई जे लेंथ बराबर होगी कब जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो तब क्लियर है क्लियर है

अगर गैलनोमीटर को बैटरी की जगह और बैटरी को गैलनोमीटर की जगह चलो सवाल करते हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द द अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन बैलेंस स्टेट हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है किसमें इन बैलेंस्ड स्टेट तो बेटा बैलेंस स्टेट में इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस सो एक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए जे इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ जे बी अब बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा इस वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो बेटा ए का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 40 सेंटीमीटर और जेबी का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 तो बेटा ये कितना हो गया 1/10 x 40/10 कितना हो गया 4 ओम क्लियर सिंपल एकदम चलें आगे बढ़े बच्चों चलो ये तो हलवा सवाल लिया थोड़ा आगे बढ़ते हैं अच्छा बेटा इसका वायर पता है किसका बनाते हैं इसका वायर ना, हम लोग मैंगनीन वगैरह का बनाते हैं।, हैं ऐसा क्यों करते हैं ताकि देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर है ना टेम्परेचर के चेंज होने से वायर का रेजिस्टेंस वेरी ना करे ठीक है मैगने का बना सकते हो कांस्टेंटिन का ऐसे एलॉयज़ का जिसका टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करता था ठीक है ऐसे एलॉयज़ का जिनका टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क ना पड़े नेक्स्ट 1999 क्या सवाल है इन मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड

खुद ही लिखा है इन्होंने क्या लिखा है ये देखो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम इज इन द राइट गैप तो राइट right में लगा लिया हमने ठीक है हमसे एस की वैल्यू पूछी है बेटा तो एस अपॉन कितना हो जाएगा बीस इज इक्वल्स टू वन अपॉन ये कितना हो गया अस्सी है ना जीरो जीरो कैंसिल टू फोर जा एस इज इक्वल टू वन बाई फोर जीरो ओम बोलो आ गया सभी का ये गैप right में लगा था ये पता नहीं था क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं है है ये वाला सभी को चलो Next. 2014. क्या द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर फाइव ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस आर इज शंटेड बेटा शंटेड मतलब होता है पैरेलल में लगाना ठीक है

अगर इनिशियली देखें बेटा हम तो यहां रेजिस्टेंस फाइव यहां आर और बैलेंसिंग लेंथ क्या है इनिशियली बेटा हमारी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है इनिशियली आ रही है एक पांच एक आर तो बेटा आप क्या लिख सकते हो फाइव अपॉन वन इज इक्वल्स टू आर अपॉन हंड्रेड माइनस एलेवन सही है इनिशियली हमारी कितनी है बैलेंसिंग लेंथ एक तरफ क्या है द रेजिस्टेंस इन दी टू आर्म्स ऑफ दी मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम एक 5 ओम है एक आर ओम है लगा दिया हमने अब बैलेंसिंग लेंथ l1 तो 5 by l1 is equals to r upon 100 minus l1 फिर बेटा फाइनली बात करते हैं फाइनली हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहां पहुंच गई फाइनली हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहां पे है 1.6 l1 1.6l1 कब बनी व्हेन द रेजिस्टेंस r इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस r के पैरेलल में एक और r लगा दिया तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया r by 2 हो जाएगा राइट right? So 5 अपॉन ये लेंथ कहां पे चली गई 1.6 1.6l1 अपॉन 1.6l1 2 समझ रहे हो बेटा 5 में तो कोई चेंज हुआ नहीं बच्चा है ना 5 तो एज इट इज उसमें कोई चेंज नहीं हुआ चेंज किसमें हुआ उधर और बैलेंसिंग लेंथ कहां पहुंच गई 1.6 L1 कहां पहुंच गई इसके थोड़ा आगे यहां कहीं 1.6 L1 इज इक्वल्स टू अब बेटा ये कितना हो गया व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में एक और आर लगा दिया तो ये कितना हो गया R by 2 सो so, R by 2 और बेटा ये लेंथ कितनी होगी बोलो सही है रेजिस्टेंस कितना होगा r by 2 और बेटा लेंथ कितनी होगी 100 1.6 l1 अब देखो क्या मांगा है हमसे द न्यू रेजिस्टेंस r इज बेटा ये 100 1.6 l1 होगी ना न्यू बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे है यहाँ कहीं 1.6 l1 तो ये 1.6 l1 तो ये 100 1.6 l1 अब हमसे r की वैल्यू पूछी है बेटा r की वैल्यू पूछी है तो अपन को l1 को एलिमिनेट करना होगा कहानी से वन को एलिमिनेट करना होगा तभी आर की वैल्यू आएगी वन को एलिमिनेट करना होगा कितना होगा वन पॉइंट सिक्स इन टू आर बाई टू अपॉन ये काम करते हैं फाइव अपॉन वन की वैल्यू को इक्वेट करते हैं यहां से 5 बटे l1 कितना है r अपॉन 100 माइनस l1 इज इक्वल्स टू यहां से बेटा 5 बटे l1 कितना होगा 1.6 इधर चला गया क्या कर रहे हैं अपन अपन कर रहे हैं इक्वेट वैल्यू ऑफ 5 बटे l1 तो यहां से 5 बटे l1 कितना हो गया r अपॉन 100 माइनस l1 और यहां से 5 बटे l1 क्या हो जाएगा 1.6 r 2

और चार के साथ हंड्रेड माइनस एलेवन चलो तो ये हो गया पांच सो सोलह इन टू पांच अस्सी तो यह हो गया एट ठीक थर्टी थ्री हो गया चार सौ माइनस फोर एलेवन यहां से बेटा एट L1 को इधर लाए चार सौ को इधर पांच सौ माइनस चार सौ सौ एट एलेवन माइनस फोर एलेवन फोर एलेवन यहाँ से L1 की वैल्यू हो गई सौ बटे चार पच्चीस बेटा L1 की वैल्यू आप पहली वाली इक्वेशन में रख दो इसमें पांच बटे पच्चीस आर अपॉन पचहत्तर इन फर्स्ट पांच बटे पच्चीस आर अपॉन हंड्रेड माइनस पच्चीस पचहत्तर ट्वेंटी फाइव थ्री सावेंटी फाइव थ्री फाइव जा फिफ्टी क्लियर फिफ्टीन ओम क्लियर सभी को चलो आगे बढ़ते हैं प्रोसीड किया जाए नेक्स्ट 2019 क्या है द मीटर ब्रिज शोन इन बैलेंस पोजिशन विथ पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू वन बाई एल टू अच्छा यानी पी एल वन

इन मेजरमेंट ऑफ अनोन रेजिस्टेंस इज ऑप्टेन्ड वेन एल इज इक्वल्स टू पचास सेंटीमीटर अगर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए आर की मतलब सबसे एक्यूरेट हो उसमें एरर सबसे कम हो है ना मिनिमम एरर हो आर की में में अननोन रेजिस्टेंस तो बैलेंसिंग लेंथ को आपको 50 पे लाना पड़ेगा कैसे लाएंगे सर बेटा आपके पास जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स था उसकी वैल्यू कुछ ऐसी करते रहो. आपके था, है ना? अगर आप ध्यान से देखो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, है और वेरिएबल है. है तो हम इसको कुछ ऐसा सेट करेंगे बच्चों चेंज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे कब तक जब तक बैलेंसिंग लेंथ 50 पे ना आ जाए उस केस में हमें अननोन रेजिस्टेंस की बेस्ट वैल्यू मिलती है मोस्ट एक्यूरेट या मिनिमम एरर वाली कैसे करते हैं हम ये ये भी बता दिया मैंने है ना द मोस्ट एक्यूरेट मिनिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफटेंड जब एल को आप पचास पे लाओ एल को पचास पे कैसे लाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू चेंज करते रहो जब तक ये पचास पे ना आ जाए चलो आ गए हम लोग पोटेंशियो मीटर पे पोटेंशियो मीटर चलो पोटेंशियो मीटर पोटेंशियो मीटर इज अ डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है तो फिर हम पोटेंशियो मीटर क्यों यूज करते हैं क्या मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट अब रीजन क्या है कैसे मोर एक्यूरेट होता है क्योंकि बेटा ये बेस्ड है नल नल पॉइंट पॉइंट मेथड मेथड पे यानी कोई करंट जब फ्लो नहीं कर रहा हो तो बेस्ट मेजरमेंट देता है है ना? इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड किस पे काम करता है बेटा नल पॉइंट मेथड पे काम करता है एंड डू नॉट विदड्रॉ एनी करेंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट हेंस इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर है ना नल पॉइंट मेथड मतलब नो no करंट, नो करंट इन सर्किट और जब कोई करंट नहीं विड्रॉ करते तब सबसे बेस्ट रीडिंग आती है वरना करंट विड्रॉ करने से क्या होता है जो पूरा आपका है, पोटेंशियोमीटर हो कोई भी मीटर हो वोल्ट मीटर हो एलमोमीटर कोई भी मीटर हो जब आप करंट विड्रॉ कर रहे हो ना तो वायर्स में करंट वेस्ट हो रहा है जो वायर लगे होते हैं भाई पोटेंशियोमीटर हो मीटर ब्रिज हो कोई भी चीज हो वायर के अंदर भी क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ ना कुछ रीडिंग कम आती है ओरिजिनल रीडिंग से हमेशा वोल्ट hmm? मीटर जो रीडिंग देता है ना वो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी कम है जो होनी चाहिए थी क्योंकि वोल्ट मीटर भी कुछ पोटेंशियल खा जाता है समझ लो ये बिल्कुल पोटेंशियल नहीं खाएगा क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा नल पॉइंट मेथड फिर भी

कंपेयर ई एम एफ ऑफ टू सेल्स बेटा सेम है ये दोनों चीज़ें है ना ये दोनों करीब करीब सेम ही होता है अगर आप ई एम एफ डिटरमाइन कर लोगे तो दूसरे का भी डिटरमाइन कर लोगे फिर तो कंपेयर कर ही लोगे है ना ये तो सेम बात हो गई अगर आपने एक सेल का ई एम एफ निकाल लिया तो दूसरे का भी निकाल लो फिर कंपेयर कर लो तीसरा क्या है डिटरमाइन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ अ सेल है ना आप इंटरनल रजिस्टेंस भी निकाल सकते हो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये कंस्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शन जनरली फोर टू टेन मीटर लॉन्ग बोर्ड ठीक है तो यहां पे तो पे मैंने एकदम सीधा वायर दिखा दिया, पर ऐसा होता होता नहीं है, है ना? कैसा होता है बेटा? एक वायर यूं होता है, एक वायर यूं फिर यूं फिर यूं ऐसे चार वायर लगे होते हैं ये एक, ये, एक ये, एक ये, एक ये एक मीटर ये एक मीटर ताकि जगह बचा सके चार मीटर बेटा ऐसे लगा दोगे तो जगह बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा ना लेके ट्रेवल कैसे करेंगे तो चार मीटर ऐसे सीधा सीधा नहीं लगाते है ना चार से दस मीटर लंबा लिखा है चार पार्ट में तोड़ देते हैं एक मीटर एक मीटर एक मीटर, एक मीटर ऐसे लगा देते हैं ठीक है अच्छा फिक्स ऑन अ वुडन बोर्ड बेटा करते क्या है हम लोग देखो ध्यान से एक बैटरी बेटा यूं लगी रहती है इसमें ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग सेल जो ई नॉट लगी है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग सेल या इसको कई बार सेल भी बोला जाता है ये जो लगी है एक्यूमिलेटर सेल बोल देते हैं बेटा इसको या और क्या बोल देते हैं हम लोग एक्यूमिलेटर सेल बोल देते हैं या और क्या बोल देते हैं ड्राइविंग सेल बोल देते हैं जो यहां लगी है ठीक है अच्छा ये आपका वायर है पोटेंशियोमीटर वायर जिस भी डिवाइस का देखो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है और कुछ नहीं मेजर करता वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं एक तरीके से एक मैथड से पोटेंशियोमीटर बेटा मेजर क्या करेगा पोटेंशियल डिफरेंस है ना नाम देखो क्या है पोटेंशियोमीटर तो मेजर तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही करता है मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही करेगा तो ये पोटेंशियोमीटर का हमने सर्किट दिखाया एक यहां पे बड़ी बैटरी लगी होती इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल या एक्यूमिलेटर सेल ठीक है अब जिस चीज के अक्रॉस जिस चीज के अक्रॉस फिर से जिस चीज चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उस को कुछ खेल खेलते हैं वो आगे की बात है वो आगे समझेंगे अभी हम लोग कुछ और चीजें समझेंगे पोटेंशियो की तो बेटा जिस चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको यहां पे लगा दिया इसको मैंने बोला वी है ना जिस चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको यहाँ पे फिट कर दिया और उसको मैंने बोल दिया वी उसके बाद एक बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं उसके बाद आगे खेल खेलेंगे वो आगे बताएंगे ठीक है ये जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अननोन पोटेंशियल ठीक है कंडीशन ये होती है बेटा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्यूमलेटर सेल का है वो इससे ज्यादा होना चाहिए एक कंडीशन हमेशा होती है कि दिस ई नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी ये जो आपने ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये हमेशा इस अननोन पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए फिर क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा इसको हम लोग बोलते हैं के के क्या होता है बेटा पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो नाम देना चाहो के क्या है पोटेंशियल ऑफ होल वायर अपॉन लेंथ ऑफ होल वायर ठीक है सिंपली कई बार ऐसे V बाई एल भी लिखा होता है ठीक है इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई ना इसको मैं v की जगह कुछ और कर देता हूं पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस कॉल दिस ई अननोन को मैंने कह दिया, दो so हजार एक सवालों समझ में आएगा बेटा चलो देखते हैं इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियो मीटर वायर इज इतना एक पोटेंशियो मीटर वायर है बेटा हमारे पास ठीक है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब सभी को पता है रेजिस्टिविटी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है 10 की पार माइनस -7 ओम मीटर और क्या है एंड करेंट फ्लो थ्रू इट इज 0.1 एंपियर बेटा इसमें से कितना करेंट फ्लो कर रहा 0.1 एंपियर का करेंट फ्लो कर रहा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर Then, potential gradient will be, बेटा हमसे पूछा है के क्या है क्या यही तो पूछा है Then, potential gradient. बेटा इस वायर में पोटेंशियल क्या होगा Simple, ohms long, v L है ना तो बेटा potential क्या होगा आई आर बोलो क्लियर है वायर की मान लो के क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल

भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर क्या होगा आई आर और आर की जगह क्या लिख सकते हैं रो एल भाई एल एल कैंसिल क्या हो गया आई रो बटे बस बेटा वैल्यू रखनी है आई रो बटे की वैल्यू आई कितना है जीरो पॉइंट वन रो कितना है टेन की पार माइनस सेवन ए कितना है टेन की पार माइनस सिक्स तो ये पॉइंट हटेगा बेटा यहाँ टेन की पार माइनस एट हो जाएगा टेन की पार माइनस एट प्लस सिक्स टेन की पार माइनस टू क्लियर क्लियर नेक्स्ट 2015. पहले पोटेंशियल ग्रेड निकालना सीखो फिर आगे सीखते हैं क्या है अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ फोर मीटर एंड रेजिस्टेंस एट ओम द रिज दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दायर एंड एन एक्यूमिलटर ऑफ ई एम एफ दो वोल्ट सो एजू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ दी वायर ट्राई करो जरा अच्छा सवाल है थोड़ा सा ट्राई करो आप खुद से बढ़िया सवाल है एक बार ट्राई करो एक सेकेंड में पानी ले लूँ हाँ, हो गया चलो लेंथ पोटेंशियो मीटर वायर है सॉरी एक पोटेंशियो मीटर का वायर है इसकी लेंथ है फोर मीटर और रेजिस्टेंस है एट ओम का फिर क्या है द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दी वायर एंड एन एक मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दायर एंड एन एक ऑफ ई एम एफ टू वोल्ट सो एस टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर क्या चाहिए मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ Mm -hmm. क्या चाहिए मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर बेटा इस पे क्या मिल रहा है वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर सो अगर हम वायर की बात करें तो वायर पे हमें क्या मिल रहा है बेटा के की वैल्यू कितनी है वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर बेटा के क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर ठीक है के की वैल्यू कितनी है वन मिली टेन की पार माइनस थ्री वोल्ट पर सेंटीमीटर राइट वन मिली वोल्ट मतलब और लेंथ ऑफ वायर कितना है बेटा चार मीटर इसको मैं चार सौ सेंटीमीटर बोल सकता हूं बिल्कुल ये, ये कैंसिल पोटेंशियल कितना आ गया फोर हंड्रेड इंटू टेन की पार माइनस थ्री तो बेटा ये कितना हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल चार बटे दस जीरो पॉइंट फोर वोल्ट यानी इस पूरे वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है जीरो पॉइंट फोर वोल्ट बोलो क्लियर हुआ क्या बोल रहा है सो एस टू गेट यहां देखो सो एस सॉरी सो एस टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट सो एस टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर

जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इसमें जाएगा करंट क्या होता है V बटे आर यहां पोटेंशियल कितना है 0.4 पॉइंट बटे आर कितना है 8। यहां पोटेंशियल कितना है 1.6 और रेजिस्टेंस R। बेटा ये चार चौके 16 R इज इक्वल्स टू एट इंटू फोर बत्तीस हमसे बोला वन मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हमने कहा अच्छा एक सेंटीमीटर में कितना एक मिली वोल्ट तो भैया चार सौ सेंटीमीटर में कितना होगा चार सौ इंटू वन मिली वोल्ट चार क्या बोल रहा है पर सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर में कितना एक मिली वोल्ट तो हमने कहा चार सौ सेंटीमीटर में कितना होगा चार सो इंटू वन मिली वोल्ट जीरो पॉइंट फोर अब बेटा दो में से जीरो पॉइंट फोर इसमें गया

ठीक है है ये given है. और यहां हमने लगाई अन ईएमएफ वाली सेल जिसका वैल्यू निकालना है ई e. ठीक है विद द कंडीशन क्या है कि ई एम एफ बड़ा है जिस सेल का ई एम एफ निकालना है उससे हमने क्या किया बेटा हमने ये क्लोज किया कि और जे को इस वायर पे टच कराना स्टार्ट किया ठीक है हमने J को इस वायर पे टच कराना स्टार्ट किया मान लेते हैं कहीं यहाँ पे हमने टच कराया और टच कराने पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया ये हमने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले सबसे पहले हमने इस की को क्लोज किया उसके बाद हमने J को यहाँ पे टच कराया और टच कराने पे देखा नो डिफ्लेक्शन हमें दिखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मतलब यहां से यहां कोई करंट फ्लो नहीं हुआ कोई करंट फ्लो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है कोई करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ यहां से यहां ए? यहां से यहां इस सर्किट में इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ नो डिफ्लेक्शन इन जी यानी करंट कितना हो गया जीरो इन लोअर सर्किट बेटा जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहां का किसके बराबर होगा बेटा व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल बेटा यहां पे करंट कितना है जीरो इस सर्किट में करंट कितना है जीरो हमने ऐसा पॉइंट ढूंढा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो इन दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग क्या होता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लोअर सर्किट

लोग एक काम करते हैं इसको कैपिटल एल बोल देते हैं इसको मैंने कितना बोल दिया? Capital. और ये पे बैलेंस हुआ है इस लेंथ को एल बोल दिया तो बेटा पोटेंशियल पर ये देखो इस वायर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इस लेंथ में तो बेटा इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था के पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ तो बेटा इतनी लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा बोलो सही है के इन एल क्लियर के इंटुएल्व के इंटू क्लियर के इंटुएल्थ के क्या था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के इन एल ठीक है जो भी चीज आप यहां रखोगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा K L. अब चाहे वो सेल काफ हो टर्मिनल वोल्टेज हो कुछ भी हो जो भी चीज यहां रखोगे उसका यहां के के बराबर और यहां का कितना होगा के इन टू होगा क्लियर है नोट बैटरीज नॉट शुड बी ग्रेटर बता ही चुका हूं आपको ई नॉट क्या होना चाहिए द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी लिंक टू बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल और सेल्स नेगेटिव टर्मिनल शुड बी टू नेगेटिव टर्मिनल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी लिंक टू पॉजिटिव टर्मिनल यहां देखो ध्यान से बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों साथ में जुड़े हैं ऐसा नहीं हो सकता कि इसका पॉजिटिव हो और इसका नेगेटिव हो तब ये डिवाइस वर्क नहीं करेगी है ना कैसे आ सकता है क्वेश्चन चार ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है कौन सा अरेंजमेंट गलत है तो ध्यान देना कि इधर बैटरी का एक्यूमलेटर का पॉजिटिव टर्मिनल और यहां सेल का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होना चाहिए साथ में कनेक्ट द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी लिंक्ड टू बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल चलो सवाल देखते हैं बेटा 2016 फेज वन क्या है पोटेंशियोमीटर वायर इज हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग

द रेशियो ऑफ दी एम एफ इज पूछ रहा है रेशियो ऑफ ई एम एफ तो बेटा जहां पे बैलेंस होता है यहां का पोटेंशियल इज इक्वल बेटा पहले वाले केस में क्या होगा ई वन प्लस टू के इन टू एल यानी पचास दूसरे वाले केस में क्या होगा बेटा एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है ये तो पोलैरिटी रिवर्स वाला केस है यहां पोलैरिटी सेम थी पोलैरिटी रिवर्स क्या लिखोगे आप E1 वन माइनस ई टू इज इक्वल टू के इन टू दस लिख दोगे बेटा आपको क्या चाहिए रेशियो ऑफ ई एम एफ रेशियो ऑफ एफ चाहिए बेटा। दोनों को जोड़ दो ई टू टू कैंसिल टू टाइम्स ऑफ ई वन पचास के दस के साठ के ई वन की वैल्यू हो गई थर्टी के बेटा ई वन थर्टी के तो ये कितना होगा ये 50 के आ रहा ई टू कितना हुआ ट्वेंटी के बोलो सही है अगर ये तीस के है तो ये कितना होगा बीस तभी तो पचास आएगा अब ईवन इजू टू कितना हो गया बेटा थ्री इज टू क्लियर हो सकता हो तुम्हारा टू इस टू थ्री आ जाता है ना कुछ ईवन ई टू में आप इधर उधर किए होते कोई दिक्कत नहीं है टू इस टू थ्री उन्होंने ऑप्शन दिया भी नहीं जानबूझ के कि आप समझ जाओ आपने गलत किया है थ्री इज टू टू कर लो क्लियर है आगे बढ़े पोलैरिटी नहीं देखी बेटा ये है ना एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब यही तो है पोलैरिटी पलट दी एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब यही तो है पोलैरिटी पलट दी चलो आगे बढ़ते हैं दो हजार सत्रह

सी सभी को समझ में आ गया नेक्स्ट रीटेस्ट 2015 जरा संभाल के करना बढ़िया सवाल है थोड़ा हाथ संभाल के सोच समझ के इसको करेंगे चलो अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ई एम ई नॉट एंड रेजिस्टेंस आर वन चलो पहले यहां तक का कहानी समझो अ पोटेंशियोमीटर वायर एक पोटेंशियोमीटर वायर है ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर पोटेंशियो मीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विदरी ऑफ ई एम एफ ई नॉट एक बैटरी लगा दी हमने ऑफ ई एम एफ ई नॉट एंड रेजिस्टेंस आर वन ठीक है आओ पहले बेटा इसका के निकालेंगे

यही तो होगा एन अनोन ई एम एफ ई एक यहां से ई इज बैलेंसड एट लेंथ एल ऑफ पोटेंशियो मीटर वायर विल बी के टाइम्स ऑफ एल तो बेटा सबसे पहले के निकालते हैं के निकालते हैं बेटा के क्या होता है पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर राइट यही होता है तो पहले तो के निकालना पड़ेगा इस सवाल का राइट right? आओ के निकालते हैं बच्चा अच्छा, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कैसे देखा जाए? देखो यहां से करंट कितना निकलेगा? स्टार्ट किया जाए बेटा, ये निकालना है तो पहले करंट 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 देखा जाए, कितना 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 होगा बेटा? नेट है? कितना है? ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस ये हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इन दी वायर बेटा क्या होगा आई इन इसका रेजिस्टेंस यानी आई आर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी इज इक्वल्स टू आई आर बेटा यही करंट तो इसमें आया वी इज इक्वल्स टू आई आर तो बेटा आई ई नॉट अपॉन आर प्लस आर वन ये हो गया आई इन बोलो समझ में आया बोले इतनी बात समझ में आई हमें क्या चाहिए के के क्या होगा इसका पोटेंशियल वायर में अपॉन वायर की लेंथ बहुत सिंपल है लेंथ तो पता है पोटेंशियल निकालना है हमने करंट कितना होगा ई नॉट अपॉन आर प्लस आर वन सही है अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर तो आई ले लिया हमने ये इन आर अब बेटा के कितना हो गया यहां से के हमें क्लियर हो गया के हो जाएगा वी इन वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर वी इन वायर दिख रहा है ई नॉट अपॉन

ये आना चाहिए E0 नॉट आर इंटू कैपिटल गलत हो गया ई नॉट आर इंटू कैपिटल गलत ई नॉट आर अपॉन आर प्लस आर कैपिटल क्लियर सभी को पहले अपन ने के निकाला फिर उसके बाद ई एम एफ के इन एल क्लियर चलो सभी को आ गया स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी सवाल होगा पहले के निकाला फिर देखा कहां बैलेंस हुआ है जहां बैलेंस होता है सेल का पोटेंशियल या जिस भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस यहां का पोटेंशियल है यहां का पोटेंशियल डिफरेंस k यहां की लेंथ चलो नेक्स्ट बेटा कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बेटा बहुत आसान है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स निकालना आपने क्या किया इसको ओपन रखा इसको क्लोज किया ठीक है आपने क्या किया आपने k2 को ओपन रखा और k1 को क्लोज कर दिया ठीक है तो ये सेल फंक्शन कर रही है ये सेल फंक्शन नहीं कर रही है आपने बैलेंसिंग लेंथ देखी कहां पे आ रही है बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 पे है बैलेंस्ड हुआ मान लो L1 पे तो आपने बोला E1 वन इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ L1 है ना आपने इसको क्लोज किया है और K2 को ओपन K1 को क्लोज तो ये फंक्शन कर रहा है ये सेल फंक्शन नहीं ये तो ओपन ही कर दिया आपने और ये क्लोज तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ मान लो किसी l1 लेंथ पे ये बैलेंस हुआ तो जो पोटेंशियल l1 लेंथ पे बैलेंस हुआ तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर हुआ e1 के सो so, e1 इज k l1 फिर आपने क्या किया बेटा उल्टा k2 को क्लोज्ड कर दिया k1 को ओपन कर दिया अब मान लो बैलेंसिंग हुई l2 लेंथ पे अब बेटा e2 इज इक्वल्स टू K times of L2 बेटा यहां से E1 by E2 क्लियर एक-एक करके हमने दोनों सेल को बैलेंस किया पहले हमने इसको क्लोज किया इसको ओपन रखा तो पहले E1 के करेस्पोंडिंग एक लेंथ आई तो E1 is equals to K L1 फिर हमने इसको क्लोज करके इसको ओपन किया तो इसके करेस्पोंडिंग एक लेंथ आई L2 E2 is equals to K L2 E1 by E2 is equals to L1 by L2 क्लियर नेक्स्ट डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल देखो ये कहानी है पूरी आओ समझते हैं क्या होगा कहानी में बेटा हमने एक काम किया हमने एस को ओपन रखा एस स्विच दिख रहा है एस स्विच को हमने ओपन रखा बेटा एस को ओपन रखोगे इसको आप ओपन रखोगे तो क्या होगा यहां सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अंदर इसको ओपन रखा तो उससे क्या हुआ इसको ओपन रखा उससे क्या हुआ नो करंट इन लोअर सर्किट ठीक है आपने बैलेंसिंग लेंथ धूड़ी आपने बैलेंसिंग लेंथ धूड़ी आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल गई मान लो L1 पे ठीक है आपको एलेवन पे मिली अब ये सर्किट क्या है बेटा ओपन है यानी यहां अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा ई के बराबर है ना सो वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एम एफ के बराबर है e बोल सकते हो so, e फिर आपने एस को क्लोज कर दिया एस क्लोज करने से क्या होगा बेटा इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा अंदर हा यहां कोई करंट नहीं आएगा गैलोनोमीटर पे नो 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 यहां करेंट जीरो करंट जीरो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा यहां करंट जीरो यहां करंट जीरो पर बेटा यहां इंटरनल सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगा नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा आपने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ ली आपने एस को क्लोज किया और एस क्लोज करने के बाद आपको क्या मिला करंट इन लोअर सर्किट ठीक यहां पे करंट फ्लो करने लगा इंटरनल फिर आपने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी है ना अपन मान लेते हैं कि बैलेंस हुआ एट लेंथ एल टू इस टाइम बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है इसको अपन वी ले लेते हैं सो वी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एल टू जब आपने इसको खोले रखा जब आपने इसको खोले रखा जब आपने इसको खोले रखा

टर्मिनल वोल्टेज तो V is equals to K L two अब बेटा R कैसे निकलेगा सिंपल हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था R is equals to E बटे V minus one into capital R ऐसे अब बेटा E की जगह आप K L one रख दोगे V की जगह K L two रख दोगे L one by L two बचेगा minus one into R क्लियर है R is equals to E बटे V minus one into इक्वल्स टू के एल टू सो फाइनली वॉट यू विल गेट फाइनली यू विल गेट R L1 L2 1 R बट इसको ना याद याद करके आप उसको याद रखो R e V ये मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया है तो आप इसी को याद रखें ई बाई वी माइनस वन इंटू आर सवाल देखें 2008 का है क्या है सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड थ्रू थ्रूर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज तो बेटा क्या है विथ एंड विदाउट बींग शॉर्ट सर्किटेड तो विथ शॉर्ट सर्किटेड विथ एंड विदाउट बींग शॉर्ट सर्किटेड

मतलब मतलब तुम ओवरऑल कहानी तो समझ ही गए होगे ना कि एक बार रेजिस्टेंस आर लगाया एक बार रेजिस्टेंस आर नहीं लगाया ठीक है तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा तब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा ई के और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बड़ी वाली लेंथ के सो के इंटू एक ये ई e की वैल्यू हो गई और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? टर्मिनल वोल्टेज के, वो कितना हो गया? K इनटू 100, बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल्स टू R इनटू E बाई V माइनस 1, R कितना है? 10 E की जगह 110, V की जगह 100 माइनस 1, बेटा एलसीएम हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 11 माइनस 10, 1 Clear? एक एक आंसर आएगा और कुछ भी नहीं एक क्लियर एक. जब एक्सटर्नल यूज ही नहीं करोगे तब ई एम एफ मेजर यूज करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करोगे क्लियर क्लियर चलो नेक्स्ट थर्टी नाइन ये देखो अच्छा सवाल है दो हजार चौदह अरे यार देखो यहां पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तुमको इतना तो पड़ता ही है ना कि जो ई <coughs> होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज लेंथ से बड़ी होगी तो 110 लेंथ किसके करेस्पोंडिंग आई होगी 110 सौ दस आई होगी ई एम एफ की और 100 आई होगी टर्मिनल वोल्टेज करेस्पॉन्डिंग क्लियर नेक्स्ट 2014 अब क्या है पोटेंशियो मीटर सर्किट है कोई यूज नहीं है सब फालतू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था वेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द गि वैल्यूज ऑफ इंफिनिटी नाइन पॉइंट फाइव ओम द बैलेंसिंग लेंथ ऑन दोटेंशियो मीटर वायर आर फाउंड टू बी थ्री मीटर एंड टू पॉइंट एट फाइव मीटर द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से सवाल पढ़ो द द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस गिवेन सेल हैज वैल्यूज ऑफ इंफिनिटी वेन द रेजिस्टेंस आर बेटा आर की वैल्यू कितनी है इंफिनिटी है बेटा आर की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो करंट इन लोअर सर्किट करंट इन लोअर सर्किट कितना होगा जीरो जो नीचे वाला सर्किट था जिसमें सेल थी ये कैसा बना था ऐसा बना था जो नीचे वाला सर्किट था ये ये अगर बेटा इसका आर इंफिनिटी को टेंड करने लगा तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट कितना हो जाएगा इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है तो करंट कितना हो जाएगा जीरो हो हो जाएगा। सर कैन यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो तो कर रहा हूं. है ना? करंट जीरो तो गया। अब बेटा जब करंट जीरो हो गया द बैलेंसिंग लेंथ ऑन दोटेंशियो मीटर वायर आर फाउंड टू बी तीन मीटर इस टाइम पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर करंट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा ई e के जब इंफिनाइट रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट अंदर जीरो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ई और किससे बैलेंस हुआ है द बैलेंसिंग लेंथ तीन मीटर से तो बेटा ये किसके इक्वल हो गया ई एम एफ ई के इन थ्री के इसके बाद क्या है बेटा व्हेन the resistance are connected to infinity, उसके बाद 9.5 ohm लगाओगे, बेटा 9.5 लगाओगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा कुछ भी करेगा हमें नहीं पता कितना है ना जब आप 9.5 लगाओगे यहीं पे तब क्या होगा सम करंट विल फ्लो मुझे नहीं जानना कितना करेंट है मुझे मतलब भी नहीं बस मुझे ये पता है कि कुछ फ्लो करेगा और अगर करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर टर्मिनल वोल्टेज के सो वी किससे बैलेंस हुआ है टू से खत्म बेटा आपने क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू ई बटे वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर ई हो गया बेटा के इंटू तीन तो तीन लिख लेंगे upon minus 1 into resistance कितना है Some current flow करेगा, कुछ करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो जब इनफाइनाइट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दोगे आप वहां पे तो कोई करंट फ्लो नहीं गया कोई करंट फ्लो नहीं गया तो पोटेंशियल डिफरेंस, के बराबर EMF को बैलेंस कर रहा है तीन मीटर। और जब कुछ और लगाओगे तो तो कुछ करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बराबर वो किससे बैलेंस हुआ से? अब बेटा इसको आप

सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट रियोस्टेट बेटा ध्यान समझो, सेंसिटिविटी ऑफ़ पोटेंशियोमीटर कैसे बढ़ेगी के को इंक्रीज करके K क्या होता है बेटा वी बाई एल तो पहला पॉइंट क्या है वायर सॉरी के को डिक्रीज करके वेरी सॉरी बाय इंक्रीजिंग दी वेरी सॉरी के जितना छोटा होगा k क्या होता है v by l ठीक है k जितना छोटा हो तो या तो लेंथ ऑफ वायर को आप बढ़ा लो तो k छोटा हो जाएगा और बेटा v क्या होता है v i r l लिख सकते हैं या तो आप करंट इन द सर्किट को डिक्रीज कर लो और k को छोटा कर लो बेटा k को छोटा क्यों करते हैं अब इसका पूरा फील देने में टाइम लग जाएगा ना बताऊं पोटेंशियल ग्रेड छोटा मतलब 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आप कम पोटेंशियल डिफरेंस करो पर यूनिट लेंथ ज्यादा मत मेजर कर लो कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो आप एक सेंटीमीटर में एक ही वोल्ट मेजर करो दस वोल्ट नहीं करो दो सेंटीमीटर में दो वोल्ट तीन सेंटीमीटर में तीन वोल्ट तब आपकी इफिशियंसी ज्यादा अच्छी होगी तब आपका एरर कम आएगा आप छोटे छोटे मेजरमेंट लो जैसे ही आप बड़े बड़े मेजरमेंट लोगे एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे आप एक सेंटीमीटर में दस वोल्ट मेजर कर रहे हो है ना सेंटीमीटर में आप दस वोल्ट मेजर कर रहे हो आपका लीस्ट काउंट क्या हुआ दस वोल्ट पर सेंटीमीटर और आप एक सेंटीमीटर में एक वोल्ट मेजर करो आपका लीस्ट काउंट एक वोल्ट पर सेंटीमीटर जितना छोटा लीस्ट काउंट उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट भाई ऑर्डिनरी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है सेंटीमीटर 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 वर्नियर का का स्क्रू गेज तो स्क्रू गेज सबसे बेटर माना गया क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा है स्केल की जो ग्रेडिंग हो वो जितनी छोटी ग्रेडिंग होता है हम के जितना हो, पे आप छोटे से छोटा लेंथ मेजर करता है वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता था स्क्रू गेज सबसे छोटी कर सकता है क्योंकि उसकी काउंट सबसे छोटी है उसी तरह से आप जो सबसे छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर कर पाओगे जब आपका के छोटा हो आप एक सेंटीमीटर में पॉइंट मेजर करो दो सेंटीमीटर में .2। आप सेंटीमीटर में दस मेजर कर रहे हो तो आप छोटी करने का तरीका क्या है के को स्मॉल करने का तरीका या तो लेंथ को बढ़ा दो या तो करेंट को कम कर दोनों दो ही केस में क्या होगा ठीक है या तो लेंथ को बढ़ा दो तो के कम या तो करेंट को कम कर दो तो भी के कम क्लियर

on passing passing a small current through a galvanometer it shows some deflection अगर करंट पास करोगे तो क्या दिखाएगा कुछ डिफ्लेक्शन है ना इसमें थोड़ा सा करंट पास किया डिफ्लेक्ट हो गया करंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है इट शोज सम डिफ्लेक्शन नेक्स्ट द मैक्सिमम करंट थ्रू दैट कैन बी पास थ्रू गैल्नोमीटर फॉर व्हिच इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज रिटन एज आईजी बेटा आईजी क्या होता है करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या करेंट आई जी ऐसे भी बोल सकते हो मैक्सिमम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा अब इससे बड़ा करंट दोगे तो ये जल जाएगा बेटा खराब हो जाएगा है ना आपने इसको ऐसा करंट दे दिया कि भैया ये अपनी आखिरी रीडिंग पे पहुंच गया और बेटा आईजी की वैल्यू ना बहुत स्मॉल होती है इसीलिए गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आईजी की वैल्यू बहुत स्मॉल है यह तीस माइक्रो एम्पियर से बड़ा करंट मेजर ही नहीं कर पा रहा और हमें भाई ऐसी डिवाइस बनानी है जो पांच एम्पियर मेजर करे जो दस एम्पियर मेजर करे और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है बेटा 30 ampere, 30 माइक्रो मिली बस 30 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर दिया ये पहुंच गई करंट दोगे आगे जाएगी क्या स्केल टूट जाएगी ओवर हो जाएगी की हुँ? आपने इसको करंट दिया तीस गया आईजी बेटा मैक्सिमम करंट जो ये ले सकता है इससे ज्यादा करंट गैलोमीटर नहीं ले सकता आईजी पे कहां पहुंच गया एकदम अपनी लिमिट में पहुंच गया ठीक है अच्छा नेक्स्ट इफ वी पास देखो लिखा हुआ है इफ वी पास मोर करेंट थ्रू इट द रिफ्लेक्शन वीज एंड द डिवाइस मे गेट्स डैमेज एट हाई करंट इससे ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर सकता इसीलिए गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट मेजर नहीं करते सिर्फ डिटेक्ट करते हैं कि सर्किट में कोई थोड़ा मोड़ा करंट है या नहीं है कोई बड़ा करंट इस पर लगाना भी मत ये जल जाएगा ना मे गेट्स डैमेज एट मोर हाई करेंट तो आईजी की भैया लिमिटेशन है अगर आप बड़े करंट मेजर करना चाहते हो तो गैल्नोमीटर उसके लिए नहीं बना है ठीक है क्योंकि आईजी पे अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा अब बड़े करंट के लिए क्या है एम मीटर है गैल्नोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू मेजर लार्ज करंट यह हमें पता था

इससे ज्यादा करंट गैलोमीटर से पास नहीं कर सकते यह इसकी क्या है बेटा मैक्सिमम लिमिट है आईजी से ज्यादा करंट यह नहीं ले सकता मान लो मुझे कोई करंट आई मेजर करना है सपोज कर लो मुझे 25 एम्पियर का करंट मेजर करना है मान लो 25 एम्पियर का करंट है सामने बेटा गैल्वेनोमीटर मेरे पास ये रहा ये 25 एम्पियर तो अपने अंदर झेल ही नहीं सकता ये कितना झेल सकता है 30 मिली एम्पियर अब क्या करें यार अपन क्या करेंगे के में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं शंट क्या बोलते हैं शंट लगा दिया इसके पैरल में अब मान लो यहां से बहुत बड़ा करंट आया 25 एम्पियर गैलनोमीटर कितना लिया 30 मिली एम्पियर बाकी बचा करंट कहां गया शंट में चला गया अब यहां से आई माइनस आई जी यहां से आई जी वापस करंट बन गया एम मीटर सो एम मीटर कैसे बनता है बेटा एक गैलो से पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग शंट क्या होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस

भूल गया मैं। हाँ क्या कह रहा था मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है आईजी एक बार फिर से देखो गैलनोमीटर कितना करंट ले सकता है आईजी हमको क्या मेजर करने हैं लार्ज करंट मेजर करने हैं तो हमने क्या किया बेटा ये आई मान लो लार्ज करंट था और सामने गैल्वेनोमीटर था तो हमने क्या किया एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरल में कनेक्ट कर दिया एस और इसको मैंने बोला शंट इसको मैंने बोला शंट पैरेलल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर से कितना करंट गया बेटा आई जी यहां कितना जाएगा बेटा आई माइनस आई जी जाएगा सही है आई माइनस आई जी इसमें से गया छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया पच्चीस एम्पियर मेजर करना था गैलोमीडर करा भैया हमसे तीस मिली एम्पियर से ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा भैया तुम रुको तुम्हारे बस की बात नहीं हम नीचे लगाएंगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस तुम बैठो शांति से यहां से पच्चीस एम्पियर आया तीस मिली एम्पियर इधर गया बाकी सारा करीब करीब पच्चीस एम्पियर सारा का सारा करंट नीचे से पास कर गया क्यों क्योंकि शंट क्या है बेटा वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट क्या है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और बेटा ये पूरा सेटअप क्या बनता है इसको बोलते हैं एम मीटर सो एम मीटर कैसे बनता है एग्जाम में सवाल आ गया गैलवेनोमीटर से पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे इसको कहते हैं शंट लगा दिया पैरेलल में क्या हुआ 100 एम्पियर का करंट मेजर करना है एक भैया मिली एम्पियर से आगे बात ना करो हमने कहा तुम बैठो नीचे लगाएंगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस क्या कहता है जितना करंट पास करना है दे दो साफ दे दो सौ आया आ जा गया सौ एमपीयर इसी के थ्रू यहां से थोड़ा सा चला गया बचा हुआ है यहां 99 यहां से गया। यहां से गया ओवरऑल बाहर से देखने में क्या लग रहा है बाहर से देखने में लग रहा है कि पूरा का पूरा सौ एम करंट मेजर हो गया क्लियर हुई बात अब इसमें सवाल आता है कि शंट की वैल्यू कितनी है बड़ा आसान है भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां इसका रेजिस्टेंस जी मान लो इसका रेजिस्टेंस एस तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां सो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस यहां से बेटा यू कैन कैलकुलेट एस बोलो क्लियर है जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां यहां का रेजिस्टेंस कितना जी इसका रेजिस्टेंस जी गैलनोमीटर भैया जो है उसमें भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा उसके क्वाइल का तो जी सो आई इंटू आर और यहां का करेंट इंटू आर क्लियर हुआ सभी को दिस वे यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एस दो हजार नौ क्या है ठीक it. It है

इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर टू रीड करेंट टू पांच एम्पियर लो भैया हम हम कह रहे हैं, 5 करके दो। हम कह रहे रहे हैं हैं मेजर मेजर करके कितना करना है एक एम्पियर तो हम भैया पैरेलल में क्या लगाएंगे सिंपल लगाएंगे, यहां करंट कितना पांच माइनस एक चार हमसे क्या पूछा है बेटा बोलो सही कर रहा हूँ समझ में आ रहा है हम पांच एम्पियर मेजर करना चाहते हैं एक इसमें चला गया बचा हुआ चार नीचे से चला जाएगा सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई पंद्रह इन ऑफ ऑफ्टीन ओम बिल्कुल नहीं पुटिंग इन सीरीज ना पुटिंग ना. इन yes. बोलो क्लियर क्लियर सीरीज में थोड़ी ना लगाएगा पगले पैरेलल में लगाएगा ना सी 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 नेक्स्ट 2014 क्या है इफ एन एम मीटर इन एन एम मीटर जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ मेन करेंट पासेज थ्रू दी गैलोमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज जी द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर विल बी सोचे जरा इसको बढ़िया सवाल है सोचे कैसे किया जाए सोचें इसको इन एन एम मीटर जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ मेन करेंट पास थ्रू दैलनोमीटर पहले एक एम मीटर बनाते हैं बेटा पहले एम मीटर बनाते हैं एम मीटर में क्या होगा बेटा यहां से करंट आएगा थोड़ा सा करंट गैलोमीटर से जाएगा और ज्यादातर करंट शंट से जाएगा ठीक है इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट मान लेते हैं बेटा मेन करंट 100 एंपियर आ रहा है ठीक है इसका कितना परसेंट गया 0.2 तो 100 का 0.2 बेटा 0.2 ही हो जाएगा सही बात 100 का दो परसेंट क्या होगा 100 का 2% 2 होगा 100 का 10% 10 होगा सौ का एक परसेंट एक होता है और सौ का 0.2 पॉइंट परसेंट जीरो और बेटा यहां से कितना करंट जाएगा यहां से करंट चला जाएगा 99.8 पर ये सब सवाल नहीं है सवाल क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज एम का रेजिस्टेंस मांग रहा है अच्छा बेटा एम तो इसको मिलाकर बना है यानी इसका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस एम मीटर बनेगा यह है रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इन दोनों को मिलाकर ही तो एम मीटर बना है द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर विल बी एक बात बताओ मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था क्या पैरेलल में जो इक्विवेलेंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही एक एक में होता है बताया था पैरेलल में जो इक्विवेलेंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही एक एक में होता है ये बताया था मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में V जो इक्विवेलेंट में होता है वही V इंडिविजुअल में होता है ये बताया था कि नहीं जो इक्विवेलेंट में पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही एक एक में आता है बेटा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर और बेटा यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.2 पॉइंट जी क्लियर है खत्म बेटा यहां से आर ए इज इक्वल टू जीरो जी बटे सौ टू फाइव जा क्लियर हुआ है सौ एम्पियर हमने मान लिया जीरो पॉइंट टू या इसका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एच द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का इक्वेलेंट जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस एक तरीका ये दूसरा दिमाग लगाया कि भाई इनका रेजिस्टेंस ऑफ अब जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसमें होगा जो इक्वेलट में होता है इंडिविजुअल में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हंड्रेड इंटू आर ए और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट टू इंटू जी हो लिया तो आर ए हो गया ये क्लियर सभी को चलो नेक्स्ट दो हजार सात कितना बचा है छह सात क्वेश्चन बचे हैं बेटा द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर थर्टीन ओम द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर इज थर्टीन ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर करेंट टू हंड्रेड एमपियर

अब कितना करंट मेजर कर सकते हो साढ़े सात सौ एमपीयर इसका मतलब शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा सिर्फ कितना लेगा सौ और बचा हुआ बेटा साढ़े छह सौ शंट से निकल जाएगा द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस बेटा यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यहां का सौ इंटू तेरा क्लियर जीरो मर गया थर्टीन फाइव 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 टू टेन बोलो आया इस बार ये नहीं बोला हमसे कि इस गैलनोमीटर एम मीटर द डिस्टेंस ऑफ एन its scale is graduated for current up to फॉर amperes. After an additional एडिशनल has बीन नेक्टेड टू दिस एम मीटर इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर सेवन फिफ्टी सौ यहां गया साढ़े छह सौ यहां साढ़े छह सौ इंटू हैल एम मीटर शुड बी जीरो याद रखें बच्चों आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट दोनों बातें याद रखें एम मीटर का जीरो वोल्ट मीटर का स्मॉल द शंट रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज नॉट एक्सैक्टली करंट मेजर बाई एम मीटर इज लेसर करंट होता है ammeter हमेशा उससे कुछ कम करेंट मेजर कर पाता है, ना बेटा, जीरो कैसे हो जाता है resistance? क्योंकि यहां गैलो मीटर होता है और पैल में आप क्या करते हो आप शंट लगाते हो जो कि वेरी स्मॉल होता है कैसा होता है वेरी स्मॉल

आ, ये रेजिस्टेंस मान लो आपका दस ओम है और हमने यहां मान लो लगा दिया न, टेन की पार माइनस करीब करीब दस ही हो जाएगा तो माइनस फोर के आसपास आने लगा छोटा हो गया है एकदम तो हम चाहते हैं नीचे छोटे छोटा रेजिस्टेंस लगा के ओवरऑल जीरो कर दें पर जीरो पाता इसीलिए द करेंट मेजर्ड बाई एम मीटर इज लेसर देन दर एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट ये भी क्लियर होगा एम मीटर कैसे लगाते हैं सीरीज में मान लो ये अपना बल्ब है इसके अक्रॉस करेंट मेजर करना है तो एम मीटर को सीरीज में ठीक है और वोल्ट मीटर को लगाते हैं बेटा पैरल में ठीक है वोल्ट मीटर पैरल में एम मीटर सीरीज में वोल्ट मीटर अब वोल्ट मीटर इज अस विच मेजर

वोल्ट मीटर में तो किसी भी डिवाइस से वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल से और एम कनेक्ट होता है सीरीज से क्लियर कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्ट मीटर देखें जरा बच्चों ये मान लो एक गैलोमीटर है इसमें करंट जा रहा है आई जी ठीक है ये कितना पोटेंशियल मेजर कर पाएगा बेटा ये पोटेंशियल मेजर कर पाएगा आई जी, जी। राइट कितना मेजर कर पाएगा आई जी इन टू बेटा अब जी बहुत लार्ज तो है नहीं है ना गैलोमीटर का रेजिस्टेंस तो स्मॉल ही है हम चाहते हैं वी वॉन्ट टू मेजर लार्ज वी और बड़े पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करना चाहते हैं है ना अगर गैल्नोमीटर को देखें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है मेजर कर सकता है आई जी इन टू जी अब जी की वैल्यू बहुत बड़ी तो होती नहीं तो एक लिमिटेड आप वैल्यू तक पोटेंशियल डिफरेंस में से कर सकते हो आप इसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हो कि आई तो है जी भी है आप एक काम करते हो सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो ठीक एम मीटर के लिए क्या किया था पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में एक हेवी रेजिस्टेंस लगा दिया अब बेटा कितना पोटेंशियल मेजर करेगा ये आई जी क्लियर अब आर की वैल्यू बड़ी होगी तो वी भी बड़ा मेजर कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या था बेटा जी की वैल्यू स्मॉल है और आईजी तो बहुत ही स्मॉल था तो ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे हम तो हमने क्या किया सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया ठीक है वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करोगे सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगा दो अब पोटेंशियल डिफरेंस IG into (G plus R) R की वैल्यू ज्यादा होगी बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो इनफाइनाइट जरा ध्यान से देखो बेटा क्या किया आपने गैल्वेनोमीटर आपने हाई रेजिस्टेंस ही तो कनेक्ट किया अब बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जी प्लस आर आर की वैल्यू बेटा हम इतनी बढ़ाना चाहते हैं इतनी बढ़ाना चाहते हैं कि इनफाइनाइट आ जाए, प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी की तरफ चला जाए बट ऐसा हो नहीं पाता ठीक चलो ऐसा हो नहीं पाता जिसकी वजह से वोल्टमीटर भी जो रीडिंग लेता है वो एक्चुअल रीडिंग से कम होती है इसीलिए क्या यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर ठीक समझ रहे हो जी प्लस आर इतनी बड़ी वैल्यू हो जाए कि ये करीब करीब इनफाइनाइट सवाल देखते हैं बेटा 2010 अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 मिली एम्पियर ये हुई ना बात इफ इट इज टू वर्क एज अ वोल्ट मीटर ऑफ थर्टी वोल्ट रेंज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एडेड विल बी क्या है बेटा गैलनोमीटर

900. आया सभी का नौ सौ हजार माइनस सौ हो गया नौ सौ क्लियर नेक्स्ट दो हजार चार ऑफ फिफ्टी ओम रेजिस्टेंस हैज ट्वेंटी फाइव अ करेंट ऑफ फोर इंटू टेन की पार माइनस फोर एम्पियर गिवस द डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिविजन जरा ध्यान से देखो एक गैलवेनोमीटर है

एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन कौन देता है इतना करंट है ना वन डिवीजन अ करंट ऑफ फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर गिव द डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन सो फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर बेटा तो पच्चीस डिवीजन में कितना डिफ्लेक्शन होगा हाँ कितना करंट होगा? इतना करंट पास करने से एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हमें तो चाहिए पूरा पच्चीस का डिफ्लेक्शन वही तो आईजी होगा ना में क्या है बेटा पच्चीस डिवीजन है पच्चीस ऐसा बनावट होता है ना 50 होती है। तो हमसे पच्चीस डिवीजन है एक डिवीजन ने कितना करेंट मेजर किया एक डिवीजन ने कितना करेंट मेजर किया फोर इंटू टेन की पार माइनस फोर है तो पच्चीस डिवीजन में बेटा कितना हो जाएगा पच्चीस इंटू चार इंटू टेन की पार माइनस फोर पच्चीस इंटू चार हो गया बेटा सौ सौ इंटू टेन की पार माइनस फोर की पार माइनस टू बेटा आईजी कंप्लीट पच्चीस का जो डी 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 सब आंसर बताने लगे समझ आया कंप्लीट पच्चीस डिवीजन का जो डिफ्लेक्शन दे वो आई जी है ना बेटा आई जी तो वो करंट है जो पूरा डिफ्लेक्ट करा दे एक तरफ राइट

एज शंट ये गलत है इन सीरीज क्लियर है बेटा प्लस पचास नहीं उधर जाके माइनस पचास होगा ना चौबीस सौ पचास नेक्स्ट दो हजार बारह अब क्या ब्रेक लोगे खत्म पे है चार पांच सवाल है दो हजार बारह मिली वोल्ट मीटर ऑफ पच्चीस मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एम मीटर ऑफ पच्चीस एम्पियर रेंज द वैल्यू इन ओम ऑफ नेसेसरी शंट विल बी क्या है बेटा आपके पास एक वोल्ट मीटर है है ना अब देखो ना गैलोमीटर बोल रहा है ना एमीटर जो बोल रहा है वो मैं बना लूंगा अमली वोल्ट मीटर तो मेरे पास भैया वोल्ट मीटर है और इसकी रेंज क्या है 25 मिलीवोल्ट ठीक है इट हैज टू बी कनवर्टेड इनटू एमीटर ऑफ 25 एंपियर रेंज 25 एंपियर का

टू बी कन्वर्टेड इन टू एम मीटर ऑफ पच्चीस एम्पियर मुझे नहीं पता कैसे होगा द वैल्यू इन ohm ऑफ नेसेसरी शंट तो बेटा एक चीज समझ में आई कि शंट लगा दो भैया अब बेटा कितना करंट पास कराना है मुझे 25 एम्पियर जाहिर सी बात है सारा का सारा करंट यहां से पास करेगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है इनफेनाइट होता है अगर याद करो तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कितना होता है इनफाइनाइट तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस करीब करीब होगा तो यहां से तो करंट बहुत कम जाएगा यहां का रेजिस्टेंस इंफाइना यहां से आप मान लो आईजी चला गया ऐसा समझ लो आईजी बहुत छोटा होगा ना और सारा का सारा करंट 25 एम्पियर इधर से पास करेगा वैसे तो यहाँ करंट जीरो जाएगा क्योंकि वो खुद ही क्या बोल रहा है क्या है आपके पास मिली वोल्ट मीटर और बेटा रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइट सो करंट कितना होगा बेटा जीरो होगा यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा 25 का 25 यहां से पास कर गया अब बेटा जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस वो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 25 इंटू और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 25 इंटू टेन की पार माइनस थ्री यहां से एस की वैल्यू हो गई 10 की पार माइनस थ्री खत्म जीरो पॉइंट लॉजिक होनी चाहिए बिना लॉजिक के भी कर सकते हैं बिना लॉजिक के भी कर सकते हो बेटा क्या पूछा है शंट की वैल्यू पूछा है यानी रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट कर दो आंसर आ जाएगा वोल्टेज कितना है पच्चीस इंटू टेन की पार माइनस थ्री करंट कितना है पच्चीस एम्पियर देखो आंसर तब भी मैच कर जाएगा अब कई लोग बोलेंगे ऐसे कर लो पर ये बेकूफी है. बे है जनाब इसमें कोई लॉजिक नहीं था बट आंसर मैच कर गया वी बाई हाई किया आंसर मैच वी क्या है पच्चीस मिली वोल्ट आई क्या है पच्चीस एम्पियर वी बाई हाई आंसर आ गया लॉजिक नहीं है इसमें लॉजिक मिसिंग है ये है लॉजिक भाई ये है लॉजिक टेल अबाउट 25 क्वेश्चंस ऑफ नीट बस यही सब बातें बातें करवाओ तुमसे बैठा के पंचायत बताओ पंद्रह क्वेश्चन नीट में जो ऑप्शन टेल अबाउट है देखो हसीब उद्दीन खान कह रहे हैं टेल अबाउट 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑफ नीट कल अभी पार्टी में गए थे हम तो बैठे थे हम हम बैठे थे नरेंद्र मोदी साहब बैठे थे और और कौन बैठा था इसरो के सेंटेंसेस बैठे थे ठीक है सब बैठे थे बातें हो रही थी हम लोग सोचते थे पंद्रह क्वेश्चन नीट में क्या करें तो ये हम लोग बातें चल रही थी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से दे देते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग ने ये डिसीजन लिया आप देखो अब जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी बात हम करें या तो हम झूठ बोलें है? चल ये है जनाब लॉजिक कि एक वोल्टमीटर है और एक शंट लगाना है लगा दिया अब 25 एंपियर में, में से तो मीटर करंट जाएगा क्योंकि वोल्टमीटर मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइट होता है तो मैं लग रहा है आईजी जाएगा आईजी डाल दो यार आईजी बहुत छोटा होगा सारा का सारा घंटे आगे बढ़े चलो 2018 करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एंपियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज बीस डिवीजन पर वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज बेटा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू करेंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ठीक है करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको भी लॉजिकली भी कर सकते हो अगर तुम्हें ये फार्मूला नहीं पता था तो भी आप कर सकते थे पेपर में resistance of galvanometer r of sorry r is equals to current sensitivity upon voltage sensitivity ठीक है तो बेटा करंट सेंसिटिविटी कितनी है पांच डिवीजन पर मिली एम्पियर सो फाइव डिवीजन पर मिली एम्पियर अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है बीस डिवीजन पर वोल्ट ठीक है डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गए सेम मिली एम्पियर मतलब टेन की पार माइनस थ्री एम्पियर और बेटा बीस बटे वोल्ट है तो बेटा क्या किया जाएगा हम्म 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 तो ये हो जाएगा हम्म 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 हम्म

ढ सौ ढाई सौ क्लियर इसको ट्राई करना बेटा लॉजिकली करने का लॉजिकली भी करना बिना फॉर्म लेके बहुत आसान है पांच डिवीजन से एक मिलियनपियर मेजर होता है मान लेते हैं जस्ट मान लेते हैं कि गैलोमीटर में हंड्रेड डिविजन सपोज कर लेते हैं ना लॉजिकली हम मान लेते हैं सपोज हंड्रेड डिविजन गैलोमीटर कितने हैं सौ डिविजन पांच डिविजन से एक मिली पियर हो रहा है तो सौ डिविजन से कितना करंट मेजर होगा पांच से एक हो रहा है तो एक बटे पांच इंटू सौ राइट तो फाइव टूर टेन ट्वेंटी मिली एमपियर यह करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर अच्छा दूसरी चीज क्या है बीस डिवीजन से एक वोल्ट बीस डिवीजन से एक वोल्ट तो सौ डिवीजन से कितना मेजर करेगा एक बटे बीस इंटू सौ यह हो गया पांच वोल्ट तो पांच वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है बीस मिली एम्पियर का तब करंट लेगा मैक्सिमम से बेटा आप रेजिस्टेंस बता सकते हो R is equals to v तो कितना हो गया लगा। बोलो क्लियर है तो इस तरह से आप इसको लॉजिकली भी हिला सकते थे बिना इस फॉर्मले को पता हुआ मान लो किसी को फॉर्मुला नहीं आता है। तो लॉजिकली चल सकते थे क्या पांच डिवीजन से एक मिली एम्पियर मेजर होगा अग्रीड अग्रीड मान लिया कि सौ डिवीजन है गैलनोमीटर में ठीक है मान लिया पांच डिवीजन से एक मिली एम्पियर तो सौ डिवीजन से बीस मिली एम्पियर बीस डिवीजन से एक वोल्ट तो हंड्रेड डिवीजन से एक बटे बीस इंटू सौ पचास पांच वोल्ट तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पांच वोल्ट मेजर करता है मैक्सिमम करंट बीस मिली एम्पियर तो पांच वोल्ट कब मेजर करेगा जब मैक्सिमम करेंट होगा तो रेजिस्टेंस वी बटे आई तो पांच बटे बीस इंटू टेन की पार माइनस थ्री क्लियर सो दिस वे भी यू कैन डू दिस क्वेश्चन है ना लॉजिकली भी यू कैन डू दिस क्वेश्चन क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं 2019 का सवाल क्या है इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड दीटर विल बी बताएं बच्चों वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग पहले वाले को ध्यान से देखें सर्किट वन को दस वोल्ट है कुछ और तो दिख नहीं रहा पूरी कहानी है तो दस वोल्ट पूरा का पूरा यही खाएंगे बैठ के राइट भैया वोल्ट है और पूरी कहानी में कोई चीज है नहीं यहां पे दस यहां पहुंच गया दस ये यहां पे पहुंच गया जीरो तो की रीडिंग तो दस हो गई भाई साहब चलो ठीक है एम मीटर की बात करें बेटा सो दस वोल्ट और दस ओम सो दस बटे दस करेंट कितना हो गया एम्पियर दस बटे दस वन एम्पियर यहां पे आते हैं बेटा दस वोल्ट लगा है तो बेटा यहां पे प्लस यहां पे माइनस यहां पे दस यहां पे जीरो ये यहां पहुंचा दस यहां पहुंचा जीरो तो बेटा वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा दस वोल्ट ही मेजर करेगा राइट right? इसके दो एंड पे दस वोल्ट लगा है सो so वोल्ट मीटर क्या मेजर किया दस वोल्ट अब बात करते हैं करंट की बेटा यहां पे दस और दस किसमें है पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 और 10 पैरेलल में तो 5 राइट 10 और 10 किसमें पैरेलल तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 तो करंट कितना हो जाएगा 10 बटे 5 कितना आया 2 एंपियर सो v1 और v2 बराबर हैं और i1 ग्रेटर देन i2 है v1 v2 बराबर i1 ग्रेटर देन i2 बोलो सही है 10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया 5 10 और 10 पैरेलल कितना हुआ 5 और ये 10 है तो करंट कितना हो गया 10/5 2 एंपियर सो so, v1 और v2 तो बराबर आ गए और i1 सॉरी i1 लेस देन i2 है ना इसमें तो गलती दिख रहा है क्या किया जाए <laughs> बट सर बुक में हाँ बेटा वही तो तुम उनको बता रहा हूं ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा है i1 i2 ये तो जंजाल था जिसमें तू फंस गया बच्चा तूने ये नहीं सोचा वोल्ट -मीटर है इन्फाइट रेजिस्टेंस करंट इस ब्रांच में आएगा ही नहीं वोल्ड मीटर हैज इनफेनाइट रेजिस्टेंस का है भूल गया बच्चा तू अब वोल्ड मीटर हैज इंफेनाइट रेजिस्टेंस इस ब्रांच में करंट होगा ही नहीं यहां का इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई टेन और इस ब्रांच का कितना हो जाएगा इन्फाइट वन बाई इनफाइनाइट बेटा ये तो जीरो हो गया वन बाई आर इक्वेलेंट इज वन बाई टेन आर इक्वेलेंट इज टेन करंट कितना होगा दस बाई दस कितना आया शर ये तो सोचा ही नहीं था करंट कितना आया वन एम्पियर वी वन इक्वल टू वी टू आई वन इक्वल टू आई टू भैया इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा वन बाई प्लस वन बाई इन्फानेट वन बाई इनफानेट जीरो क्लियर हुई बात चलो लास्ट टॉपिक आरसी सर्किट इन डीसी बेटा एसी तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अभी किस में देखेंगे डीसी में डायरेक्ट करेंट में कौन सा सर्किट आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जल्दी समझो मान लो बेटा ये बैटरी है वी वोल्ट की ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहां वी वोल्ट होगा यहां जीरो इनिशियली एट टी इज इक्वल्स टू आपने ये स्विच क्लोज किया एक 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 कैपेसिटर 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 लगा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। सीरीज़ सीरीज़ में एक और में लगे लगे हैं, हैं और और चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात नहीं करेंगे मत लो सिर्फ सर्किट को डील करना सिखाएंगे बैटरी के साथ बहुत छोटा सा लॉजिक है आपने इसको क्लोज किया यहाँ जीरो बढ़िया बेटा ये जीरो वोल, जीरो वोल, जीरो, वोल्ट यहां भी जीरो हो Q by C. What is the potential difference across capacitor? What is the what is the potential difference across capacitor? कितना होता है बेटा Q by C. बेटा अगर मैं इनिशियली देखूं तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा जीरो अभी तो चार्जिंग स्टार्ट हुई है मतलब मतलब ये जीरो यहां जीरो और यहां पे भी जीरो क्योंकि इसकी प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इनिशियली यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ये जीरो पे है ये प्लेट भी जीरो पे यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कोई चार्ज ही नहीं इनिशियली इक्वल जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बेटा यहां वी ट्र यहां पर वी रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा बेटा करंट इन रेजिस्टर ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं सर्किट में कैपेसिटर था ही नहीं ऐसी फील नहीं आ रही तुमको कि कहीं कैपेसिटर था ही नहीं भैया तो बेटा यही होता है एट t इज इक्वल टू जीरो आप कैपेसिटर की प्लेट को शॉर्ट सर्किट कर देते हो एट t इज इक्वल टू जीरो आप कैपेसिटर की प्लेट को शॉर्ट सर्किट कर देते हो t इज इक्वल टू जीरो पे आप कैपेसिटर की प्लेट को शॉर्ट सर्किट मतलब मिला देते हो और सारा का सारा करंट रेजिस्टर से जाता है सारा का सारा करंट रेजिस्टर से जाता है। एस टी इज इक्वल टू जीरो आप कैपेसिटर की प्लेट को शॉर्ट सर्किट कर दोगे और सारा का सारा करंट रजिस्टर से जाएगा है ना शॉर्ट करके मतलब इसको चिपका दोगे फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम T टेंडिंग टू इन्फिनाइट इसको क्लोज किए बहुत समय हो गए T इज टेंडिंग टू इन्फिनाइट बेटा बहुत समय हो गया है यानी कैपेसिटर मस्त चार्ज हो गया है ये जीरो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है इधर पोटेंशियल वी हो जाएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था कैपेसिटर ने अपनी प्लेट के क्रॉस उतना पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज ये जीरो यहां जीरो फुल्ली चार्ज हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो इसमें आ गया ये भी यहां भी रेजिस्टेंस से करंट बेटा जीरो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ये ऐसी फील तो नहीं दे रहा है ये ऐसी फील तो नहीं दे रहा देखो ध्यान से मेरे को तो ऐसी फील दे रहा है कि जब टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तब कैपेसिटर की प्लेट को ओपन सर्किट कर दो ये कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा जब टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तब देखो क्या हुआ कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वो यहां और रजिस्टर से कोई करंट नहीं पास होगा यानी कैपेसिटर क्या कर दिया? ओपन सर्किट। कोई करंट पास नहीं होने देगा और टी इज इक्वल टू जीरो पे शॉर्ट सर्किट सारा करंट पास करो टी इज इक्वल टू जीरो पे सारा करंट पास करो टी टेंडिंग टू इंफेनाइट कोई करंट पास नहीं करने देंगे इसी बात को मैंने यहां लिखा है इनिशियलीरो करेंट फ्लो थ्रू ब्रांच कंटेनिंग कैपैसिटर जब टी जीरो करता है ब्रांच कंटेनिंग कैपैसिटर से तब कैपैस को क्या करते हो बेटा आप शॉर्ट सर्किट चिपका देते हो चिपका देते हो स्टडी स्टेट में क्या होता है बेटा टी डे राइट नो करेंट फ्लो थ्रू ब्रांच कंटेनिंग कैपैसिटर इस टाइम कैपैसिटर क्या हो जाता है बेटा ओपन सर्किट तो टी टेंडिंग टू तो जीरो पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट सारा करंट फ्लो कराओ और टी टेंडिंग तो पे कैपेसिटर ओपन सर्किट कोई करंट फ्लो नहीं करने देंगे सवाल फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू टू रजिस्टर्स इनिशियली एंड स्टडी स्टेट बेटा चलो पहले इनिशियली टीज इक्वल टू जीरो पे बेटा टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे आप ये क्लोज किया T इक्वल टू जीरो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट जोड़ दो ऐसा लग रहा है सर्किट में कैपेसिटर है ही नहीं T इज इक्वल टू जीरो बेटा देखो पढ़ो क्या है T इज इक्वल टू करंट फ्लोस थ्रू ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर है ही नहीं T इज इक्वल जीरो पे कैपेसिटर है ही नहीं और टी टेंडिंग in प्रकट हो जाएगा सर्किट को ओपन कर देगा करंट फ्लो नहीं होने देगा सो so, t जीरो पे कैपेसिटर क्या करेगा शॉर्ट सर्किट है ना कैपेसिटर है ही नहीं t जीरो पे ये कहानी हो गई अब बेटा 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा दोनों पैरेलल में है तो करंट बेटा 6 ओम पे कितना होगा i 6 6 1 एंपियर और करंट 3 ओम से कितना होगा बेटा i 6 3 कितना दो एम्पियर क्लियर है छह वोल्ट देखो उसको भी मिल रहा है छह उसको भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे छह और छह बेटा दूसरी कंडीशन बी स्टेडी स्टेट कंडीशन टी टेंडिंग टू इनफिनिटी की कंडीशन एक सेकेंड एक सेकेंड टी टेंडिंग टू इनफिनिटी आप लोग बताओ जब तक एक सेकेंड खुद से करो जब तक टी टेंडिंग टू इनफिनिटी टेंडिंग टू इंफाइट टी टेंडिंग टू इंफाइट बेटा टी टेंडिंग टू इंफनाइट होगा हुँ, 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 हुँ. ओपन हो जाएगा यानी नो करंट फ्लोज इन ब्रांच कंटेनिंग कैपेस्टर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यह ओपन हो जाएगा सिर्फ इस ब्रांच में करंट जाएगा तब बेटा छे ओम की बात करूं तो करेंट उसमें कितना होगा छह बटे चे, एक और तीन ओम की बात करूं बेटा उसमें करंट कितना हो जाएगा जीरो नो करंट फ्लोज इन ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, क्लियर एक कॉमा जीरो क्लियर चलो लास्ट क्वेश्चन आज का 1995 इसी के साथ एंड करते हैं आप खुद से बताएं, द की के प्रेज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेंट आई इन दी रजिस्टर ए बी ऑफ दिवन सर्किट इज ट्रू करेंट आई इन द रजिस्टर ए बी आई इन दजिस्टर ए बी चलो बेटा टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा कैपैसिटर शॉर्ट सर्किट तो सर्किट कुछ यूं दिखेगा ये ए बी है तो बेटा टीज इक्वल जीरो पे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया यहां से करंट निकला कुछ आई अब करंट इधर जाएगा ही नहीं बेटा यहां पे डिवीजन थोड़ी ना होगा यहां रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको जीरो दिख रहा है करीब-करीब सारा करंट इधर से भाग जाएगा करंट चूजेस द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पाथ करंट इधर जाएगा ही नहीं उस ब्रांच में भाई यहां से आपने कैपेसिटर हटा दिया तो तो आपका शॉर्ट सर्किट है सीधा इसी से भागना चाहेगा इस करंट ये ब्रांच इंक्लूड ही नहीं करेगा करंट को दिखेगा भैया लोएस्ट रेजिस्टेंस से पूरा इधर से चलो तो बेटा करंट कितना हो जाएगा इस टाइम 2/1000 2 10 की पावर -3 राइट कितना हो गया टू मिली एमपीयर है ना फिर बताओ टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या होगा बेटा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर ओपन सर्किट अब बेटा करंट क्या होगा ये जाएगा ये जाएगा ऐसे जाएगा यानी करंट अब दोनों रेजिस्टेंस को करेगा तो आई कितना हो जाएगा दो अपॉन हजार, हजार दो हजार कितना हो गया टेन की माइनस थ्री यानि वन मिली एमपियर तो टीवल टू जीरो पे कितना होगा करंट टू मिली एम्पियर एंड विद टाइम इट गोज टू वन मिली एम्पियर यहां पर बेटा आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है समाप्त अगली क्लास को हम लोग थोड़ा और कंप्रेस करेंगे आगे से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे अपन द डे आफ्टर टुमारो और आप देखो ट्वेल्थ के मेजर आपके चैप्टर्स अभी कवर हो जा रहे हैं सबसे बड़े बड़े जो हैं सो so आपका इलेक्ट्रिक हो गया आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया अब हम लोग मूविंग चार्ज करेंगे और उसको नेक्स्ट टर्न पे फिनिश करेंगे चाहे सात घंटा लगे चाहे छह घंटा लगे चाहे आठ घंटा पूरा चैप्टर एक शॉट में करेंगे एक वीडियो के अंदर चाहे सात घंटे जाए चाहे अपन आठ घंटे जाए मैक्स टू मैक्स बट खत्म करेंगे उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म मैटर छोटा सा है देन वी विल गो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देन ऑल्टरनेटिंग करेंट तो ये सब एक एक टर्न करेंगे हम लोग मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना ठीक है उसके बाद अपन रे ऑप्टिक्स पे चलेंगे उस पर दो क्लास तो लगी जाएगी यार कम से कम देन देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं है ना? चलो यहीं पर आज का लेक्चर करते हैं समाप्त पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट